हेलो एवरीवन, सलाम अलैकुम जनाब, कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं, खुशबाश हैं? हाँ बिल्कुल, टाइम पे हमने अपनी स्ट्रीम शुरू कर दी है। ज़रा लोग ज्वाइन इन कर लें, उसके बाद जो है हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। इससे पहले जो जो लोग हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, सब अपनी अटेंडेंस लगाइए, बताइए कि कहाँ कहाँ से हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, कौन से शहर कौन से मुल्क में हमारी आवाज़ जा रही है। और इसी के साथ साथ आज की जो हमारी स्ट्रीम है वो बहुत स्पेशल है। स्पेशल इसलिए क्योंकि हमारे साथ एक मेहमान है, और मेहमान भी वो एक स्पेशल जगह से हैं। जैसा कि आप लोगों ने देख ही लिया है, इंडिया के एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हैं, जो कि 10 साल से इस फील्ड से मुंसलिक हैं। साथ साथ उन्होंने बुक्स भी लिखी हुई हैं, डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाई हैं, पॉडकास्ट भी उनका काफ़ी मशहूर है, और फिर रीसेंट टाइम्स उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल भी शुरू किया है, जिस पर आप उनका कंटेंट देख सकते हैं, जिस पर वो डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे जाते हैं और जाके वो इन्वेस्टिगेट करते हैं कि उधर के क्या मसले मसाइल हैं और क्या सच्चाई है। अभी रिसेंटली उन्होंने आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अभी थोड़ी देर पहले ही एक हैदराबाद ग्रेवयार्ड की एपिसोड भी अपलोड की है, और बहुत इंटरेस्टिंग है वो। तो हमने सोचा कि क्यों ना उनको अब अपने मुल्क में टिकट देके बुलाना तो मुश्किल है, तो थैंक्स टू इंटरनेट के बग़ैर टिकट के बग़ैर वीज़ा के वो और मैं एक दूसरे की ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं बग़ैर टाइम वेस्ट किए। हम अपने गेस्ट को जो है अपनी स्ट्रीम का हिस्सा बनाते हैं। वी हैव नन अदर देन जयलानी फ्रॉम इंडिया। अस्सलाम वालेकुम जनाब, हेलो, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आई एम गुड, आप कैसे हैं? मैं जबरदस्त, बिल्कुल ठीक ठाक, एंड आई एम प्रीटी एक्साइटेड फॉर टुडेज स्ट्रीम, क्योंकि इंटरेस्टिंग बातें होने वाली हैं। दो स्कूल ऑफ थॉट्स जो हैं वो आमने सामने हैं। यू आर प्रीटी स्केप्टिक अबाउट इट, मैं भी हूँ स्केप्टिक, तो ये नहीं है कि हर बात को हम जो है वो आंखें बंद करके मान लें और सब वो हो जैसे होता है अक्सर। मैं बल्कि आपकी अभी एपिसोड देख रहा था जो अभी थोड़ी देर पहले रिलीज हुई है आई थिंक यूट्यूब पे, अबाउट हैदराबाद ग्रेवयार्ड, जिसके बारे में मुझे भी काफ़ी ईमेल्स आती रहती हैं कि इंडिया का एक कब्रिस्तान है, उधर ये होते हैं और उस तरह का होता है। बल्कि फॉर दैट मैटर बहुत सारे इंडिया की जो है वो पैरानॉर्मल साइट्स हैं, जो कि कहा जाता है कि गवर्नमेंट की तरफ से भी उनको ज़रा बंद कर दिया गया है और इस तरह का, तो इस पे हम बात करेंगे। और भी बहुत सारे चीज़ें जिस पे हम बात करेंगे। सबसे पहले बताइए आप ठीक ठाक हैं, कोरोना के हालात कैसे हैं इंडिया के, ये बताइए सबसे पहले भैया। आजकल की सबसे ज़्यादा डिस्कशन ही है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब भी बहुत ही ज़्यादा खैरियत से होंगे। कोरोना की वजह से तो खैर हम सबकी जिंदगी ऊपर नीचे तो हो ही गई है, थोड़ी बहुत पटरी से हिल गई है। उम्मीद करता हूँ कि भारत में तो हालात सुधर रहे हैं, उम्मीद करता हूँ पाकिस्तान में भी हालात काफी सुधर रहे होंगे, और बस यही दुआ करता हूँ कि जल्दी से ये सब कुछ खत्म हो और हम लोग वापस अपनी जिंदगी में ठीक वैसे ही उसी आजादी से अपनी जिंदगी जी पाए जैसे हम जी रहे थे। तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आप लोग भी काफी दुरुस्त होंगे। अच्छा ये बताएगा, मैं जो हूँ, मैं मेरा तो कराची से ताल्लुक़ है, आपका इंडिया के कौन से शहर से कौन से स्टेट से ताल्लुक है? दिल्ली? मैं फिलहाल तो दिल्ली में हूँ। सो बेसिकली क्या है कि मेरा जो जन्म हुआ वो राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में हुआ था, सही। और उसके बाद फिर हमारे पिताजी जो हैं उनकी कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, तो अपने काम के सिलसिले में वो बिहार शिफ्ट हो गए। मेरी स्कूलिंग बोर्डिंग स्कूल दार्जिलिंग में हुई, यानी कि बंगाल में। कॉलेज मेरा, हाई स्कूल मेरा बैंगलोर में रहा, कॉलेज मेरा दिल्ली में रहा, फिर मैं काफी साल तक बॉम्बे में काम करता रहा, फिर मैं वापस दिल्ली आया। तो एक तरीके से आप देखेंगे तो मैं काफी ज्यादा घूमता फिरता रहा, पूरा इंडिया ही आपने घूम लिया तकरीबन। हाँ फिलहाल, हाँ पिछले कुछ सालों से मैं दिल्ली में ही हूँ और मैं यही रहता हूँ। अच्छा अब स्ट्रेट जो है ना टॉपिक पे आते हैं भैया जी। मुझे काफ़ी अरसा हो चुका है ये
पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ और हॉरर शो और ये सब करते हुए, और मैंने तकरीबन हर दुनिया के हर मुल्क से मुझे किसी ना किसी एक बंदे ने कॉल करके और ईमेल करके या मैसेज करके अपने अपने वाक़यात शेयर किए। आपका मैं प्रोफाइल देख रहा था कि जिसमें, और मैं आपके वो चैनल के ज़रिए भी जो जो चीज़ें हम तक एक्सेस हो सकती हैं वो हम आराम यूट्यूब से ही देख रहे थे, तो मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि यू बिलीव इन पैरानॉर्मल लेकिन यू आर स्केप्टिक अबाउट इट, कि हर चीज़ काली बिल्ली ने रास्ता काट लिया तो वो जिन होगा, और उसने यूं करके देख लिया तो वो जिन होगा, ऐसी बातों पे यू डोंट बिलीव इट ब्लाइंडली। देखिए, मुझे लगता है कि इस सवाल का जवाब जो है, या फिर इस बात के लिए मुझे थोड़ा डिटेल में आपको ये बताना पड़ेगा, क्योंकि अक्सर लोग जो है वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, या कि गलत समझ भी लेते हैं कई बार, कि भाई तू कहना क्या चाहता है, मतलब होता है या नहीं होता, तो सीधा बता, है ना। बहुत बार ये सिचुएशन मुझे फेस करनी पड़ती है, और बहुत कम ऐसे मौके मुझे मिलते हैं जहां पर मैं इस चीज को तफसील से एड्रेस कर सकूं और क्योंकि लोगों को बता सकूं कि भाई ये देखो बहुत ये बात है। पर्सनल हो जाता है ना ये लोगों के लिए, कि यार मैं बता रहा हूं तुम्हें, मैंने जिन वो भूत देखा था और तुम कह रहे हो कि भाई वो भूत नहीं होगा, वो लाइट का बिल्कुल प्रॉब्लम होगा, वो तो बिल्कुल, बंदा ऑफेंड हो जाता होगा ना, कि यार क्या मतलब है। ऑफकोर्स ऑफकोर्स। इसलिए इसके लिए मैं आपको वही बताता हूँ, थोड़ा सा मैं आपको पीछे ले चलता हूँ। मैं 17 साल का था, और अभी मैं 31 का हूँ, तो लगभग करीब 14 साल पहले मैं 17 साल का था, और मैं अपने माता पिता के साथ, मुझे याद है मेरे बोर्ड्स आने वाले थे, तो मैं अपने माता पिता के साथ जो है एक मंदिर में गया था। भाई बोर्ड्स आने वाले हैं बच्चे के, और वो चाहते थे कि भगवान का आशीर्वाद मिले और वो बहुत तरक्की करे जीवन जिंदगी में। तो मैं उस मंदिर में गया, और उस मंदिर में पहली बार मैंने अपनी आंखों के सामने कुछ औरतों के ऊपर एग्जॉर्सिज्म होता हुआ देखा। अच्छा तो मैं करीब 17 साल का था। वो जो साइट है वो काफी डरावनी होती है, कि उन औरतों को मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था, उनके ऊपर तरह तरह के अत्याचार किए जा रहे थे, वो चीख चिल्ला रही थी, दर्द से रो रही थी, तड़पड़ा रही थी, और जो वहां पे दर्शक थे, जो भक्त थे, जो देख रहे थे वो सब कुछ, उनका वो काफी खुश हो रहे थे ये सब कुछ देख के, और उन्हें लग रहा था कि इनके अंदर से भूतों को निकाला जा रहा है। और मुझे ऐसा लगा कि यार अगर इतनी जोर से कोई मुझे पीटेगा, या मुझे बिल्कुल एक वो कहते हैं ना, हवन कहते हैं, जहाँ बड़ी बड़ी सी आग लगी हुई थी, हवन के सामने बिल्कुल आप बिठा देंगे किसी इंसान को गर्मी में उस आग के पास, और उसे लगातार आप डंडों से, बेल्टों से, तवाचों से, मुक्कों से, और कई लोग मिल करके अगर मुझे पीटने लगे तो मेरी चीख तो निकलेगी ही निकलेगी, मैं तो कुछ और नहीं कर सकता, चीख तो सकता ही। तो वहां पर जब मैंने वो साइट देखी, तो मुझे पहली बार ऐसा बस मन में एक सवाल सा आया कि यार क्या ये वाकई ऐसा होता है। उसके बाद अपनी रेगुलर लाइफ में हम लोग सब बिजी हो गए, और धीरे धीरे कॉलेज आया, चीजें आई, फिर मैंने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन साइड बाय साइड करनी शुरू की। तो मेरा कॉलेज दिल्ली में था, तो मैं अक्सर दिल्ली के पास ही है भानगढ़, तो मैं भानगढ़ चला जाता था, वो या काफी मैं मशहूर शुरू साइट है काफी वो। काफी मशहूर साइट है, तो मैं भानगढ़ चला जाता था, या कुछ और आसपास की और कुछ साइट से उनको एक्सप्लोर करता था। तो शुरुआत में तो मुझे बहुत मजे आ रहे थे, असल में मुझे आई वॉज एंजॉइंग इट, बिकॉज इन माई कॉलेज मैं बड़ा एक हंक बन गया था, डूड है, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है, मशीनें चलाता है, क्योंकि ये जो पूरा ऑरा होता है ये कहीं ना कहीं काफी कूल तो होता ही होता है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो ब्रेवरी की और निशान है ना, मर्दानगी की निशानी है, ब्रेवरी की मर्दानगी निशानी की है। निशानी है, हाँ एक तरीके से आप कह सकते हैं। तो लड़कियों का अटेंशन मिलने लगा कॉलेज में, सोशल मीडिया पे अटेंशन मिलने लगा, और उस वक्त आपकी उम्र भी क्या 21 22 23 साल की रही होगी, ऑफ कोर्स ये चीजें जब आपके पास आती हैं तो ये एंजॉय हैपेंस टू ऑल ऑफ अस, बट देन सडनली आई रियलाइज्ड कि मैं शायद वो साइड नहीं देख पा रहा हूँ जो मुझे देखना चाहिए, और मैंने वो साइड देखा भूत प्रेतों की दुनिया का, या फिर हॉन्टिंग्स का, या फिर इन कहानियों का, मैंने वो साइड देखा जो शायद हम लोग अपनी आंखों से नहीं देख पाते। जैसे कि मैंने देखा कि कैसे कि भूत प्रेत की छोटी मोटी झूठी कहानियां या बड़ी झूठी कहानियां हमारी जिंदगी पर सीधा सीधे तौर पर अंधविश्वास का एक बहुत बड़ा असर डालती है। हर छोटी बात, मतलब हम तो इंटरनेट जनरेशन है, हम यहाँ पर एक एक, एक, एक लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं, मे बी हम यहाँ पर कुछ
अपनी हॉरर स्टोरी शेयर कर सकते हैं। जाहिर सी बात है उन हॉरर स्टोरीज का कोई आधार तो नहीं होगा, किसी ने कही होंगी, किसी ने सुनी होंगी, किसी ने महसूस की होंगी, किसी ने इंटरनेट पे पढ़ी होंगी, ज्यादातर लोगों के पास इंटरनेट की जानकारी है, तो ये सब कुछ वहां से हुआ होगा। लेकिन जरा सोचिए कि आपका आपकी कही हुई एक कहानी जिसको आप इंटरनेट पर पढ़ करके और उसे अपना बताकर शेयर कर रहे हैं, उसे किसी गांव में, बहुत दूर किसी गांव में कोई इंसान बैठा सुन रहा है या उसके पास पहुंचा हुआ है, उसके दिमाग पर ये चीजें गहरा असर डाल रही है। उसका जो बिलीफ सिस्टम है वो दिन पर दिन और स्ट्रांग होता जा रहा है। तो जब मैंने अपने आसपास देखा, अपनी सोसाइटी में देखा, अपने देश में देखा, अपने लोगों के बीच देखा, तो मैंने ये देखा कि यार ये भूत प्रेत है या नहीं है, ये तो खैर अब तो ये मेरे लिए मुद्दा है ही नहीं, मुझे साबित ही नहीं करना कि भूत है या नहीं है। मुद्दा तो ये है कि इसकी वजह से हर साल हजारों लोगों की जान जाती है, हजारों महिलाओं के बलात्कार किए जाते हैं, कई लोगों का उत्पीड़न होता है, इंसानी बलि, नर बलि, जानवरों की बलियां दी जाती हैं, कितने लोगों के साथ ठग किया जाता है, लाखों रुपए लूटे जाते हैं, उन्हें फ्रॉड किया जाता है, ब्लैकमेल किया जाता है, और ये केसेस कोई 200-400, 2000 में नहीं आते, ये केसेस नहीं, लाखों तो, में हाँ, आते हैं, और सदियों से चल रहे हैं ये केसेस। ये सदियों से चल रहे हैं और ये लाखों में आते हैं ये नंबर्स। उसके बाद मेरा एजेंडा मेरी जिंदगी में क्लियर है कि मैं भूत प्रेत है या नहीं है, मैं कौन होता हूं, मतलब मैं हांड मांस से बना हुआ एक इंसान, कुछ साल जिंदा हूं इस धरती पर, उसके बाद मुझे भी मिट्टी में मिल जाना है, राख हो जाना है, खाक हो जाना है। मुझे नहीं लगता कि मेरी इतनी औकात है कि मैं कभी भी जिंदगी में ये पता लगा पाऊंगा कि यार भूत या भगवान, यू नो, जिन या खुदा, शैतान या खुदा, ये सब कुछ होता है या नहीं होता है तो किस रूप में है, किस तरीके से है। मुझे नहीं लगता कि एक इंसान होते हुए शायद मैं ये पता लगा पाऊंगा, लेकिन एक इंसान होने के नाते मेरे आसपास की इंसानियत में जो कमियां हैं मैं वो जरूर दूर करने की कोशिश कर सकता हूँ, और मैंने अपना एजेंडा और अपना मिशन जो है वो ठीक उसी डायरेक्शन में सेट कर दिया। तो भूत है या नहीं है ये तो मैं नहीं जानता, अब तक तो मैंने देखा नहीं है, जिस दिन देखूंगा उस दिन जरूर बताऊंगा, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि पिछले 10 सालों में जो 3000-4000 से ज्यादा औरतों को भारत में चुड़ैल बताकर मार दिया गया, उनके अंदर वाकई में कोई चुड़ैल नहीं थी, इतना मैं लिख करके दे सकता हूँ। वो चुड़ैल माशरे में थी, उस औरत में नहीं थी, आप कह रहे हैं। बिल्कुल हाँ, अच्छा, तो चले, मैं ये कह रहा था कि अच्छा नहीं, आपकी बिल्कुल बात सही है, और ये सिर्फ आपके मुल्क का ही नहीं, हमारे मुल्क का भी मसला है। बस एक यहाँ पे जो है वही इसी तरह का फ्रॉड है, इसी तरीके से धोखेबाजी है, लोगों को मैनिपुलेट किया जाता है, बेवकूफ़ बनाया जाता है, क्योंकि देखें जो इस चीज़ से गुजर रहा होता है ना, जो भी आप मैं ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं, लोग अपनी ज़िंदगी की, बहुत सारे लोग होते हैं जो बड़ी से बड़ी परेशानी को जो ना बड़े आराम से टैकल कर लेते हैं, लेकिन अमूमन लोग छोटी सी परेशानी पे ना वो भटक जाते हैं कि ये हमारे कमरे की लाइट जो है ना बार बार ख़राब हो रही है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कुछ है, कुछ है, क्योंकि अल्टीमेटली हर कोई जो है ना ये फील करता है कि उसके साथ गलत हो रहा है, सही, तो वो बहुत आसानी से उनका दिमाग भी, इर्द गिर्द का माशरा भी, लोग भी जो हैं वो फैमिली वाले, वो आके ऐसी ऐसी बातें करते हैं जिसकी वजह से आप उस राह पे निकल जाते हैं जहाँ पे आपको नहीं जाना चाहिए, फिर आपका सामना होता है ऐसे लोगों से जो आपसे झूठे दावे करते हैं कि आप अभी हमें ये बकरा ला के दें, अभी देखें हम आपके ऊपर से ये जादू ख़त्म कर देंगे, और ये और वो जिन भाग जाएगा और चुड़ैल को हम पकड़ लेंगे, और इस तरह के। मेरा पर्सनल बिलीव है कि ऐसे लोग दुनिया में मौजूद हैं, दुनिया में मौजूद हैं जो इस तरह की चीज़ों के लिए बने हैं, उनके पास वो इल्म है, वो तालीम है, लेकिन वो इतनी आसानी से हर किसी की वो गली चौराहे पे बैठे हुए नहीं हैं। उन आप, क्योंकि मेरा हमारा बिलीफ ये है कि जब प्रॉब्लम आती है तो प्रॉब्लम से पहले उसका सलूशन भी होता है, सही है, तो वो सलूशन किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो जय की शक्ल में भी हो सकता है, वो मिन्हाज की शक्ल में भी हो सकता है, वो पीर बाबा, मंदिर, मस्जिद, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, अपने अपने बिलीफ के हिसाब से।
लेकिन यूर राइट कि इसको इतना पोलराइज कर दिया है, इतना ये फेक हो गया है कि अब लोगों का इस पे यकीन उठता जा रहा है, विच इज़ सैड। क्योंकि राइट देखें, आई एम श्योर आपके मजहब में भी और हमारे, और आपके हमारे क्या, दुनिया में जितने मजाहब हैं या जितने कल्चर्स पहले गुजरे हैं, जिस ज़माने में लिखना नहीं होता था तो ज़माने में वो ड्राइंग किया करते थे। तो जो पुरानी पुराने केव्स, गार मिले, आर्कियोलॉजिस्ट को जगहें मिली, उन्होंने जब रिसर्च की, देखा, तो वहाँ पे ऐसी ऐसी मखलूक ड्रॉ की भी नज़र आई कि इंसान जो है वो ऐसी एक सुपरनैचुरल चीज़ से लड़ रहा है या मिस्टीरियस क्रीचर से लड़ रहा है जो कि अब के टाइम पे एग्जिस्ट नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल, डायनासोर जब पहली दफ़ा एक्सप्लोर किया गया होगा दुनिया में, तो लोगों ने ये समझा होगा, लो भाई ये तो कोई सबसे बड़ा जिन है ये। बाद में वो विद टाइम जब उसकी हड्डियां भी मिल गई, उसके पूरा स्केलेटन मिल गया, तो अब विद टाइम हमें पता चल गया ये डायनासोर है। ऐसे बहुत सारी मिस्टीरियस क्रीचर्स हैं जो अभी भी एक्सप्लोर्ड नहीं है, एक्सप्लेनेबल नहीं है कि क्या है वो, क्यों नहीं है। खैर, हम बात करते हैं सीधा आके मुद्दे पे। अभी आपकी एक एपिसोड जो है वो आज अपलोड हुई है हैदराबाद ग्रेवयार्ड के ऊपर, वो मैंने देखी। उससे पहले मेरे पास कई सारे लोगों की, जो जब मैं स्ट्रीम करता हूँ तो इंडिया से भी लोगों की कॉल आती है, फिर अपने वाकयात सुना रहे होते हैं, ईमेल करते हैं। तो लगभग उसी कब्रिस्तान की तरह के वाकयात और मुख्तलिफ मुख्तलिफ जगहों के, शमशान घाट के, कब्रिस्तान के लोग यहाँ पे भी सुनाते हैं और वहाँ के भी सुनाते हैं। तो वहाँ का एक तो सबसे पहले जो हमारी ऑडियंस है उसके लिए आप थोड़ा सा रिकैप कर दें कि वो क्या है उस हैदराबाद के कब्रिस्तान का, ग्रेवयार्ड का क्या क्या स्टोरी है, लोग क्या कहते हैं, लोकल वर्जन क्या है, और फिर आगे क्या हुआ जो आपने जाके इन्वेस्टिगेशन की। तो देखिए, वो जो एक ग्रेवयार्ड है, बेसिकली वो एक शमशान है और वहां पर ग्रेवयार्ड भी है। तो मैंने उसके बारे में 2-3 साल पहले सुना था पहली बार, बिकॉज इंटरनेट पे बहुत सारे आर्टिकल्स जो है सोशल मीडिया पर आने के बाद जो है बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स हैं जो लगातार इस तरह की फॉल्स इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करने में पीछे नहीं हटते। ऐसे बहुत सारे अकाउंट्स हैं। तो मैंने पहली बार इसके बारे में 2-3 साल पहले सुना था और मैंने फिर इसके बारे में रिसर्च की, मैंने लोगों से बातचीत की, तो मुझे काफी चीजें पता चली कि लोगों का कहना था कि भाई यहाँ पर रात ढलते ही कुछ ना कुछ होने लगता है और अक्सर किसी की आवाज आती है, किसी के चलने की आवाज आती है, कभी कभी किसी को कुछ दिखाई भी देता है, किसी इंसान के रोने की आवाज आती है। ऐसा लगता है जैसे कोई इंसान जो है वो तकलीफ में है और वो उस तकलीफ से निजात पाना चाहता है, वो बाहर निकलना चाहता है लेकिन कोई रास्ता उसको नहीं दिख रहा। कई लोग जो हैं इस तरीके के बातें और ऐसी कहानियां इंटरनेट पे मुझे देखने को मिली। मैंने फिर कुछ लोकल लोगों से बातचीत की, लोकल लोगों ने भी मुझे बताया कि हाँ भाई यहाँ पर डर का माहौल तो है ही है, खासकर ऐसा तब होता है जब उस जगह पर कोई चिता जलती है या फिर कोई ग्रेवयार्ड में कोई लाश आती है दफन होने के लिए। तो ठीक है, अगर ऐसा है तो आई गेस कि मैं अगली बार जब भी हैदराबाद आऊंगा तो मैं वहां जरूर जाना चाहूंगा। और लकीली मुझे इसी साल जनवरी में करीब 20 या 22 जनवरी के आसपास मुझे हैदराबाद जाने का मौका मिला। तो 2-3 दिन तो मैं पहले वहां रुक करके मैंने अपने मेरे जो काम थे, जिस काम के लिए मैं गया था, मैंने उसे निपटाया और उसके बाद मैंने लोकल पुलिस स्टेशन और अथॉरिटीज को एक लेटर दिया कि भाई मैं ऐसा ऐसा कुछ करना चाहता हूँ तो आप हमें आज्ञा दीजिए। उन्होंने हमें परमिशन दी और उसके बाद हमने फटाफट अपनी इन्वेस्टिगेशन का रूट मैप तैयार करना शुरू कर दिया। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन जो हम जनरली देखते हैं यूट्यूब के ऊपर या मतलब मैं खासकर आजकल के यूट्यूब की बात कर रहा हूँ, पिछले 2-3 सालों से जिस तरीके से पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन यूट्यूब पर निकल आया है और इतने खतरनाक तरीके से निकल आया है जो कि काफी ज्यादा डेंजरस और अलार्मिंग है आने वाले वक्त के लिए, आने वाली नस्लों के लिए, क्योंकि ये चीजें फिलहाल तो अभी एंटरटेनमेंट के पर्पज से या कह लीजिए या फिर पॉपुलर होने के पर्पज से या फिर चंद पैसे कमाने के पर्पज से जिस तरीके से झूठ परोसा जा रहा है वो फिलहाल तो शायद देखने में मजा आ रहा होगा, लेकिन आने वाले कुछ समय में 10 साल 20 साल 30 साल के बाद ये चीजें हमारे लिए जिस तरीके का जहर बनकर हमारी जिंदगी में घुलेंगी हम शायद उसे हटा नहीं पाएंगे। बट खैर, तो हमने एक
प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारी चीजें होती हैं, आपको लोकल लोगों से काफी बातचीत करनी पड़ती है, काफी तरह के हर तरह के स्टोरी के वर्जन लेने पड़ते हैं, वेदर देखना पड़ता है, वाइल्ड लाइफ किस तरीके की है वो देखना पड़ता है, किस किस तरीके के जानवर है, क्योंकि जानवर जो है वो कई बार बहुत तरीके के साउंड्स जो है वो इस तरीके के जानवर प्रोड्यूस करते हैं जो अक्सर बहुत तरह की कंफ्यूजन आपके दिमाग में पैदा करती है। फॉर एग्जाम्पल एक जानवर है जिसका नाम है हनी बैजर, जिसे हम हिंदी में कब्र बिच्छू कहते हैं। ना वो कब्रिस्तान में और इन जगहों पे जी मुर्दे का वो होता है जी बेसिकली, उसका तो मशहूर ही है। जी वो मुर्दे खाता है, वो ग्रेव में खोद करके नीचे चला जाता है और उसकी आवाज भी काफी खतरनाक होती है। अब बात यह है कि हनी बैजर जैसे किसी जानवर की आवाज हम जनरली तो सुनते नहीं, हम कुत्ता बिल्ली घोड़ा हाथी शेर ऐसी चीजों के ऐसे जानवरों की आवाजें हम लगातार सुनते हैं टेलीविजन के माध्यम से या फिर किसी और चीज के माध्यम से। तो वाइल्ड लाइफ एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इन्वेस्टिगेशन के दौरान। तो हमने वहां पर अपनी इन्वेस्टिगेशन की और हमने करीब 2 दिनों तक इन्वेस्टिगेशन की, मतलब 2 दिन और 2 रात हम लगातार वहां पर रहे। हमने हमने हमारा इनफैक्ट हम जो रात में हम सो भी रहे थे तो हम अपनी गाड़ी में ही सो रहे थे। तो करीब 2 दिनों तक और 2 रातों तक हमने करीब इन्वेस्टिगेशन की। जो सबसे मेजर हिट पॉइंट था जहां पर सबसे ज्यादा हमें एक आप कह सकते हैं कि मेजॉरिटी जहां हमें मिली कि भाई कुछ लोगों का ये कहना था कि भाई ऐसा है कि यहाँ पर जो है अगर आप लाश जलाएंगे, जब कोई लाश आती है अगर आप उसे जलाते हैं तो जैसे ही वो चिता जलती है वैसे ही वो इंसान अपनी कब्र से उठकर यहाँ आता है और लोगों को दिखाई देता है। हमने कहा ठीक है अगर ऐसा हो वही सकता है शख्स तो जिसकी जिसको जलाया जा रहा है वही शख्स नजर आता है या कोई और नजर आता है? नहीं, इसके पीछे थोड़ी सी कहानी है। सो बेसिकली कब्रिस्तान बनने से पहले, शमशान बनने से पहले वो जगह पर एक छोटा सा मंदिर था। उस मंदिर के पास कोई बेघर इंसान आकर के रहने लगा, उसने उस मंदिर को ही अपना घर बना लिया, भगवान की पूजा पाठ करता था लगातार। लेकिन आसपास से कुछ लोगों को वो इंसान पसंद नहीं आया, रात में उसके ऊपर हमला किया गया, उसे मारकर इस जगह पर गाड़ दिया गया और उसके बाद से धीरे धीरे ये जगह जो है ये कब्रिस्तान बन गया। तो ये भी मिथ है, ये भी मिथ है या ये सच्चाई है? अकॉर्डिंग टू लोकल बिलीव्स, अच्छा सही है, इसका इसका कोई आधार नहीं। मतलब हमने लोकल लोकल पुलिस स्टेशन या लोकल हिस्टोरियन से बात करने की कोशिश की, उन्होंने बोला भाई देखिए हमारे पास ऐसी कोई कहानी तो है नहीं, सही। पर जो लोग ये मानते हैं वो मानते हैं। तो उसके बाद से जब वहां पर शमशान बन गया और तब से लोग कहते हैं कि जब भी यहाँ पर कोई लाश जलती है तो वो इंसान आता है। अच्छा, हमने कहा ठीक है अगर इसका सबसे बेहतर तरीका, अब देखिए यही हो सकता है कि हमें चिता जलाएं। तो हमने वहां पर एक प्रॉपर चिता जलाई और मैं उस चिता पर खुद लेट गया और मैं काफी देर तक लेटा रहा। मतलब मुझे लगता है ये चिता करीब 1 घंटे के आसपास चलती रही होगी और उसके बाद भी हम पूरी रात वहां पर थे और छोटी छोटी चीजें हमने नोटिस करने की कोशिश की पर सैडली कुछ नहीं मिला। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो बेसिकली जो हैदराबाद में जो ग्रेवयार्ड है उसकी रियलिटी हमने सामने लाने की कोशिश की कि भैया ये है। अब बाकी तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको अपना यकीन या आपको अपना बिलीफ सिस्टम छोड़ देना चाहिए, मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि ये मेरा काम है, मैंने आपके सामने रखा। अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आपको लगता है कि इस पर भरोसा करने लायक है तो आप कीजिए, वरना आप पूरी तरह से आजाद हैं अपने बिलीफ सिस्टम को प्रैक्टिस करने के लिए। देखें होता ये है कि हम इस तरह की पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ तो होती हैं, ये तो मेरा पर्सनली अपना बिलीफ है सही है, लेकिन हम एक गलती कर बैठते हैं हम सब इंसान मिलके कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे साथ इस कमरे में मेरे स्टूडियो में कोई पैरानॉर्मल वाक्या हो गया तो मैं इस जगह को मशहूर कर दूंगा कि यहाँ पे भाई जिन है। अब ये बात फैलती जाती है, 2 से 4, 4 से 6, फिर वो एक मॉब मेंटेलिटी बनती है और सब डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ यार इधर तो जिन है। अब वो प्री कंसीव कर लिया सबने, जो स्टूडियो में दाखिल होने से पहले आएगा ना वो इस सोच के साथ आएगा कि इस कमरे में जिन है। अब वो बैठेगा, सर्दी की वजह से मौसम की वजह से लकड़ी हल्की सी कॉन्ट्रैक्ट की, उसकी आवाज़ आई तो वो समझ जाएगा कि ये देखो ये जिन है, ये है जिन। मेरा मानना ये है कि अगर इंडिविजुअल के साथ वाकया होता है, जैसे इस केस में जैसे कब्र ये आपकी ग्रेवयार्ड में किसी लोकल लोगों के साथ वाकयात हुए, तो मैं 50% ये चांस रखता हूँ कि हाँ हुए होंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो जगह ही हॉन्टेड है।
मतलब वो जिन ने जो है अपनी जगह बना ली है, वो कहता है कि ये बस मेरी जगह है, अब यहाँ कोई नहीं आएगा। ये बहुत कम केसेस में ऐसा मैंने देखा है कि कुछ जगहें जैसे पाकिस्तान में भी हैं जहाँ पे बहुत सारे हमारे ऑफिशियल्स भी गए, लोग भी गए, इंडिविजुअल लेवल पे भी गए, वो लोग भी गए जो स्केप्टिक होके गए कि यार ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब ड्रामेबाजी है। यूजली ऐसी जगहें जो हैं वो लैंड ग्रैबिंग के लिए इस्तेमाल होती हैं या क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के लिए होती हैं, ताकि वो ऐसी बात फैला दें ताकि वहाँ पर लोग आए नहीं, ताकि उनकी अपनी क्रिमिनल एक्टिविटी चलती रहे। लेकिन होता है उन जगहों पे, होता है जैसे पाकिस्तान में एक जगह है, हमारा हिल स्टेशन है नथिया गली की साइड पे, खूबसूरत तरीन लश ग्रीन जंगल ही जंगल हैं। वहाँ पे एक रोड है जहाँ पे अक्सर लोगों के साथ वाकयात हुए हैं, और मतलब अक्सर लोगों से मुराद ये कि मैं अपने जो मेरे पर्सनल ताया हैं, मतलब मेरे जो ताया हैं उनके साथ वाकया हुआ। और ये वो वाकया है कि वो बड़े जैसे हम सबके बड़े ताया होते हैं ना, कि कोई लाओबाली पना नहीं या इररिस्पॉन्सिबल नहीं होते हमारी तरह कि हमने बस अपनी बात को मनाने के लिए झूठ बोल दिया ताकि हम कूल लगें। तो उन्होंने अपना वाकया बताया, फिर मैं जब रिसेंट टाइम में भी 3-4 दफ़ा गया तो मैंने वहाँ के लोकल से पता किया। मैं इन्वेस्टिगेशंस पे बिलीव नहीं करता, वो इसलिए क्योंकि मेरा मानना ये है कि ये एक चीज़ एग्जिस्ट करती है। अब जैसे किसी एक दूर दराज गांव में एक शख्स रहता है, वो देख सकता है कि पहाड़ी के रास्ते से कोई गाड़ी आ रही है, तो वो अपनी एग्जिस्टेंस तो शो करेगा ना, ताकि उसको लगेगा कि यार मुझे कहीं अपने आप को डिफेंड करना है, कुछ करना है, ताकि मैं बताऊं दूसरे बंदे को कि यार मैं भी हूं इधर, कोई ऐसी हरकत नहीं करना, मेरे लिए थ्रेट ना बनना। तो आई एम श्योर ये जो मखलूक है ये भी इस तरीके से रिएक्ट करती होगी कि यार हमें थ्रेटन ना करो, हम तुम्हें थ्रेटन नहीं करेंगे, और ये फलाना ढिमकाना। तो भाई वाकया ये था कि मेरे ताया जो थे, मैं बहुत दफ़ा बता चुका हूँ, आई एम सॉरी जो हमारी चैट है वो अगर कहे कि यार फिर शुरू कर दिया मिनाज भाई ने, तो मेरे ताया जो थे वो ऑयल एंड गैस कंपनी के चेयरमैन थे। तो चेयरमैन जब होता है बंदा तो उसको थ्रू आउट नेशन वाइड ट्रैवलिंग करनी पड़ती है, कराची लाहौर इस्लामाबाद इधर उधर ऊपर नीचे सब जगह, जहाँ गैस जा रही है वो वहाँ को जाना है। तो वो ही यूज टू लिव इन इस्लामाबाद जो हमारा कैपिटल है। उनको एक असाइनमेंट मिला, उनकी मीटिंग थी इन नथिया गली की साइड, मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं आता वो जगह कश्मीर की तरफ थी या नथिया गली ऐसी साइड पे। तो उन्होंने अपना पूरा प्लान वर्कआउट किया, उन्होंने कहा कि हमें सुबह 9 बजे की हमारी मीटिंग है, तो हम इतने बजे इस्लामाबाद से निकलेंगे, 2-2.5-3 घंटे लगेंगे हमें पहुँचते हुए और हम पहुँच जाएंगे। तो वो सुबह निकल गए अपने ड्राइवर के साथ। माई ताया यूज़ टू कैरी कुरान शरीफ ऑल द टाइम, जब भी वो ट्रैवल कर रहे होते थे गाड़ी में बैठे होते थे तो वो अपने फारिग टाइम में कुरान शरीफ पढ़ रहे होते थे या इस तरह की दीनी तालीम हासिल कर रहे होते थे। तो वो लोग पहुँच गए नथिया गली, वो थोड़ा देर में पहुँचे, जो एक्सपेक्टेड टाइम था उनका 9-10 बजे का, वो 10-11 बजे पहुँचे। जब वहाँ पहुँचे तो उसके बाद जो है वो मीटिंग और डिले हो गई, वो होते 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 शाम में स्टार्ट हुई। जब मीटिंग शाम में स्टार्ट हुई तो वो ख़त्म रात के 9-10 बजे हुई। अच्छा भाई अब 9-10 बजे, तो उन्होंने कहा भाई अब मीटिंग ख़त्म हो गई है तो हमें जाना है वापस इस्लामाबाद। तो वहाँ के जो लोकल्स थे उन्होंने मना किया, उन्होंने कहा कि आप रात में सफ़र ना करें, ए के हालात इतने अच्छे नहीं हैं, रास्ते इतने अच्छे नहीं हैं और आप चोर डकैत हो सकते हैं, बी ये पूरी जो रोड है जिधर से आप ट्रैवल करेंगे ये रात में जाने के लिए मना करते हैं यहाँ पे लोग। तो मेरे ताया ज़रा हम जैसे ही थे, उन्होंने कहा अरे यार क्या हो गया, अल्लाह है तो बस हमें सब बचा लेगा और वो और ये, मैं जाऊँगा, मुझे जाना है क्योंकि इस्लामाबाद में मेरी मीटिंग है सुबह 9 बजे दोबारा। मुझे उस वक्त प्राइम मिनिस्टर को उनको रिपोर्ट करना था कि क्या हुआ सारा सिचुएशन। तो वो कोई रात 11-12 बजे के करीब वहाँ से निकले। अब निकले तो जो ड्राइवर था मेरे ताया का, वो अब कह रहे हैं कि सर्दियों के दिन थे, शदीद सर्दी पड़ती है वहाँ पे, तो वो शीशे वीशे चढ़े हुए ऊपर और वो आराम से अब अपने अंधेरी वाली जंगलों के बीच में से रास्ता गुजर रहा है, उधर से गुजर रहे हैं, इकलौती गाड़ी, पहाड़ी इलाका, फुल मून हुआ हुआ, आई थिंक थोड़ा बहुत और क्रीपी माहौल बना हुआ, एम्बियंस बना हुआ। तो एक टाइम पे उस ड्राइवर ने मेरे ताया को बोलना शुरू किया कि साहब आप कुरान की तिलावत बड़ी अच्छी करते हैं,
तिलावत करना शुरू कर दें। मुझे अच्छा लगता है आपकी तिलावत सुनना। और बस आप बाहर नहीं देखिएगा, बस गाड़ी में ही आप तिलावत करते रहें। तो ताया ने कहा कि हाँ ठीक है, चलो अच्छी बात है। ताया कुरान पढ़ते रहे, तिलावत करते रहे अपनी। अब वो जैसे जैसे उनकी तिलावत बढ़ती जा रही आए, वो कुरान शरीफ बढ़ते पढ़ते जा रहे, तो ड्राइवर को वो नोट करे कि ड्राइवर ज़रा बेचैन सा हो रहा और उसके जो है वो पसीने छूटना शुरू हो गए। अब गाड़ी भी ज़रा अजीब सी चलने शुरू हो गई, ऐसा हो गया कि अचानक से ऐसी तेज़ चलना शुरू हो गई गाड़ी। तो उन्होंने दो तीन दफ़ा तिलावत करते हुए रोका, बोला भी कि भाई ज़रा आहिस्ता चलाओ, खड्डे हैं, ये खाई है, नीचे पहाड़ी इलाके गिर ना जाए। उसने कहा आप फिक्र नहीं करें, मैं चला रहा हूँ, आप बस पढ़ते रहें, ज़ोर ज़ोर से पढ़ें। अब एक पॉइंट आया कि जो ड्राइवर था ना वो बड़ा एबनॉर्मल एक्ट करने लगा। तो ताया को कुछ अजीब सा लगा। ताया ने जब राइट लेफ्ट देखा, अब ये मेरे ताया के अल्फाज हैं कि किसी और थर्ड पर्सन के तो मैं नहीं बता रहा। मेरे ताया कहते हैं कि लेफ्ट राइट साइड पे उनके पहाड़ी चल रही थी और लेफ्ट साइड पे उनके खाई थी और पूरा ये जंगल इलाका है चारों तरफ। कह रहे हैं जो बिजली के तार होते हैं, मैंने देखा है कि मेरी बिजली की तार पे एक औरत भाग रही है और उसी स्पीड से भाग रही है जिस स्पीड से गाड़ी चल रही है। और कह रहे हैं मैं ये देख रहा हूँ और मैं अपने ड्राइवर को देख रहा हूँ। ड्राइवर कह रहा है साहब आप बाहर देखना बंद करें, ज़ोर ज़ोर से तिलावत कर रहे हैं। और मैं ताया अब जब आपके पास ऐसा सिचुएशन हो किसी के साथ हो तो वो स्टम्बल करना शुरू कर देता है। लेकिन उन्होंने कहा मैं जितने जल्दी से पढ़ सकता था मैं उन्हें पढ़ता रहा। और कह रहे हैं अब वो जैसे जैसे पहाड़ियों के रास्ते, आपको पता है ना पहाड़ के साइड से रास्ते बनते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि यूं कर्व आ जाता है दूसरी तरफ जाने के लिए। तो कह रहे हैं अब एक कर्व आया और वो जो तार था बिजली का और मेरी गाड़ी वो करीब आ गई। ऑब्वियसली वो तार तो चल रहा था, वो गाड़ी करीब आ गई। तो कह रहे हैं कि वो गाड़ी के इतने करीब आ गई औरत, मैंने उसकी औरत की शक्ल देखी है। और कह रहे हैं वो औरत एक जो उनके मखसूस अल्फाज थे कि बिल्कुल ईविल स्माइल के साथ जो है वो देख रही, और वो उसके खून ने और अजीब लंबे लंबे से बाल हैं और वो तारों पे तेज़ी से भाग रही है और वो इन्हीं की गाड़ी को देखी जा रही है। और कहते हैं हमने जितनी मैं ज़ोर ज़ोर से तिलावत कर सकता था मैंने की है, और एक पॉइंट पे जाके ये हो गया था कि शायद गाड़ी जो है खाई में गिर जाए। कहते हैं बचते बचाते उस औरत को भी देख रहे हैं, तिलावत भी कर रहे हैं, ड्राइवर को भी देख रहा हूँ मैं, वो भी संभाल रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। एक पॉइंट आया कि वो औरत अचानक से गायब हो गई और हम आगे निकल गए। आगे जाके थोड़ा सा एक छोटा सा ठिया आया जहाँ पे लोग बैठे हुए थे, चाय पी रहे थे, सिगरेट पी रहे थे। तो इन्होंने जाके वहाँ गाड़ी फ़ौरन रोकी और वो लोकल्स थे तो उठ के आ गए। उन्होंने कहा कि शायद कोई चाय वाय पीने के लिए आया होगा। तो उन्होंने कहा भाई हालत देखी तो लोकल ने पूछा खैरियत है सर, कौन चोर डाकू क्या हो गया? कहते हैं ये मेरे साथ हमारे साथ वाकया हुआ है। तो कहते हैं सर ये तो जगह मशहूर है और यहाँ पे तो ये होता है, हम लोग रातों को जब पैदल चलते हैं तो हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है कि हमें औरत की नज़र आ रही होती है, बच्चे नज़र आ रहे होते हैं, अजीब और गरीब जानवर नज़र आ रहे होते हैं जो गायब हो जाते हैं, फ्लोट करते हुए जा रहे होते हैं। तो ड्राइवर ने भी फिर बाद में जब ये लोग इस्लामाबाद पहुंचे तो ड्राइवर ने फिर उनको बोला कि सर मैंने आपको इस वजह से उस वक्त मना किया था क्योंकि जब मैं उस जगह पे पहुंचा था नथिया गली या कश्मीर जो भी, कहते हैं वहाँ के लोकल्स ने मुझे फौरन बोला था कि आप रात में सफ़र नहीं करेगा। अब ये वो इन्फॉर्मेशन है जो मुझे सुनी सुनाई नहीं है, ये मेरे फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है और मेरे अपने जो मैं बार बार कह रहा हूँ ना पर्सनल ताया जो मेरे हैं उनके साथ हुए थे। फिर एक बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट मेरे साथ चार पांच इंसिडेंट्स ऐसे हो चुके हैं कि मैं बता सकता हूँ क्लियरली कि हुए हैं। मैं अपनी उन्हीं ताया के घर गया, मैं और मेरी वाइफ, कोई आज से 3-4 साल पहले। मेरे ताया का इंतकाल हुए हुए बहुत टाइम हो गया तो मेरी ताई के पास मैं जब भी इस्लामाबाद जाता हूँ तो मैं उनके यहाँ जाके ठहर जाता हूँ। तो हम लोग कहीं लाहौर वाहौर से बाय रोड जो है वो आ रहे थे उनके पास और रात के कोई 12-12:30 बजे मैं इस्लामाबाद पहुँचा हूँ बाय कार, और तेज़ बारिश हो रही, आंधी आई हुई, तूफान हो रहा, और हम लोग उनके घर पहुँचे, उनको सरप्राइज़ दिया, सब खुश हुए। और जैसा होता है कि आप बड़ा कॉमन है ना कि आप फैमिली में बैठते हैं और वो आप पहुँचे, सब खुश होते हैं, सलाम दुआ हुई, कैसे हो, ठीक हो, चाय वाय खाना वाना खा के फिर हम लोग लाउंज में बैठ गए
अब मेरी ताई, मेरा एक कज़न जो कि आई थिंक ही वॉज 20 बैक देन, मेरी बेगम और मैं, हम चारों लोग उनके लाउंज में बैठ गए और हम लोग बातें करते करते यही इसी तरह की वाकयात पे आ गए, ये जिन और हॉरर और ये इस तरह के। अब बातें कर रहे हैं हम लोग और वो मेरी ताई जो हैं अपने एक इस्लामाबाद के पुराने वाले घर का किस्सा बता रही है हमें कि किस तरीके से वो घर में ये थे वाकयात, इस तरह थे, हमने उस घर को इस वजह से छोड़ा और वो घर फिर गवर्नमेंट की तरफ से सील कर दिया गया, गवर्नमेंट ने तोड़ दिया बाद में। अब ये बातें हो रही हैं तो अचानक से हम चारों के बीच में से आवाज़ आती है, अब जब पहली दफ़ा आई ना तो सबने इग्नोर कर दी, बेगम को लगा मैंने किया है, मुझे लगा ताई ने किया है, ताई को लगा मेरे कज़न ने किया है, और ये एक सेकंड के लिए सबने नोट जरूर किया क्योंकि सबके एक्सप्रेशन से पता चल गया कि हाँ सबने सुना है, तो हमें लगा कि यार किसी एक ने नोट किया और बगैर सर हिलाए कर दिया। फिर हमने अपनी बातें शुरू कर दी, अभी लिटरली 2 या 4 मिनट ही हुए थे, हम वही बातें डिस्कस कर ही रहे थे कि फिर अचानक से किसी ने और ये इतनी लाउड थी कि चारों ने सुनी। और फिर इस दफा जो ना मैंने पूछा कि सना तुम कर रही हो ये, सना कहती है नहीं मैं तो नहीं किया, मैं कज़न से पूछा, कज़न ने कहा नहीं मैंने भी नहीं किया, और मेरी ताई सब ने पूछा, ताई ने कहा मैंने भी नहीं किया, हम क्यों करेंगे, किस वजह से करेंगे। और ये वो वाला पॉइंट था कि चारों बातें कर रहे थे, ये होना कि एक बंदा खामोश हो जो अपनी शरारत कर ले तो समझ में आए। उसके बाद तो भाई हमने अपना सामान, हमने कहा चले हो सकता है कि किसी को हमारी बातें शायद उस वक्त समझ नहीं आ रही ना पसंद आ रही हो, कि चलो अपने अपने कमरों में निकल जाते हैं, ज़्यादा बेहतर है। फिर एक और वाक्य हो जो मैं थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा था कि एक आप लोगों का भांगर फोर्ट जो है वो काफ़ी हेडलाइंस में रहता है हमेशा, गवर्नमेंट ने सील कर दिया है, गवर्नमेंट ने उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है और उसके गेट बंद हो जाते हैं, रात में वहाँ जाने के लिए कोई इजाज़त नहीं मिलती, कोई नहीं जाता, तो क्या बैक स्टोरी क्या है और आपकी इन्वेस्टिगेशन अगर आपने की है तो क्या निकला उस तरह? देखिए, सबसे पहले तो मतलब एक बात मैं बहुत क्लियरली सबके सामने रखना चाहूंगा कि अक्सर लोगों को ये लगता है कि मैं भूत प्रेत में नहीं मानता। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनको लगता है कि मेरा काम जो है वो भूत प्रेत को, मतलब मैं ना सिर्फ मानता ही नहीं हूँ बल्कि उन कोई और अगर मुझसे कहता है तो मैं उसके क्लेम को खारिज भी कर देता हूँ। ऐसा नहीं है। असल में क्या है कि मैं उस हर चीज में मानता हूँ जो नियति ने बनाई है, जो द अलमाइटी ने बनाई है, मैं उस हर चीज में मानता हूँ। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, समस्या ये है ही नहीं कि भूत प्रेत होते हैं या नहीं होते। ऐसे कई लोग हैं जो मेरे काफी खास हैं, इंक्लूडिंग माई माई फादर एज वेल, जो मुझे खुद के अपने अपने साथ हुए इंसिडेंसेस बताते हैं और कई बार बताते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं उनके जैसे इंसिडेंसेस कि पर भरोसा नहीं करता। एक कोई इंसिडेंट अगर आप बताना चाहें तो। जैसे कि मेरे पिताजी मुझे अक्सर बताते हैं कि जिस वक्त वो कंस्ट्रक्शन कंपनी नई नई उन्होंने शुरू की थी, तो अक्सर उन्हें काम के सिलसिले में रात रात में बाहर रहना पड़ता था, या कई बार जब साइट चल रही है तो रात रात भी साइट चल रही है, क्योंकि ऊपर से काम का प्रेशर होता था तो लेबर्स हैं। अब कई बार ये हुआ कि भाई कहीं गाँव में ही सो गए या कहीं कुछ भी खा लिया या कुछ भी कर लिया। तो मेरे पिताजी ने मुझे एक बार एक किस्सा सुनाया था कि एक बार वो किसी ढाबे पर उन्होंने खाना वाना खाया और गर्मी बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा गर्मी थी, तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि मैं अपनी कार में एसी चला के सोऊंगा, मैं आज बाहर नहीं सो सकता, मुझे काफी तेज गर्मी लग रही है। तो उनके ड्राइवर ने उनके लिए कार में एसी ऑन कर दी और मेरे पिताजी कार में ही सो गए। और करीब 2:15-2:30 बजे के आसपास मेरे पिताजी को ऐसा लगा जैसे उनकी बाजू वाली सीट पे, सो पिताजी जो है वो ड्राइवर के पास वाली सीट पर सो रहे थे, और करीब 2:15-2 बजे के आसपास उन्हें ऐसा लगा कि जैसे पिछली सीट पर भी कोई और है मौजूद जो सो रहा है। तो वो अचानक से उठे ये देखने के लिए कि कौन है, उन्हें लगा कि शायद ड्राइवर आ गया होगा गाड़ी के अंदर या कुछ हो गया होगा। वो अचानक से उठे, पीछे देखा, उन्होंने कोई नहीं था। फिर उन्हें लगा कि शायद कई बार होता है ना नींद में ऐसी ऐसी चीजें हो जाती हैं जो इंसान को लगता है वहम हो जाता है, या फिर कई बार आधी आधी नींद में लगती लगती है कि चीजें हो रही हैं। तो वो दोबारा सो गए। करीब आधे घंटे बाद उन्हें फिर से सेम चीज महसूस हुई, और अकॉर्डिंग टू हिम व्हाट ही सेज
होता है ना कि अगर आपकी पिछली सीट पर कोई सो रहा है और उसने अपनी टांगे जरा सीधी वीधी की, तो उसकी टांग जो है आपकी सीट के पिछले हिस्से में लड़ जाती जाती है। है, तो आपको कहीं ना कहीं वो समझ में आ जाता है कि यार पीछे वाला कुछ कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि मैं, मुझे बिल्कुल ऐसा साफ महसूस हुआ कि मेरी सीट पर किसी का कोई मूवमेंट है। फिर मैं एकदम से उठा और मैंने देखा तो कोई नहीं था। फिर मैं बाहर निकला, बाहर निकल के मैंने देखा तो थोड़ी दूर पर ही ड्राइवर वगैरह सब जमीन पर ही गद्दा वद्दा लगा के सब सो रहे थे। कोई भी उठा हुआ नहीं था, कोई भी शख्स उठा हुआ नहीं था जिससे उन्हें शक भी हो। खैर वो दोबारा गाड़ी में गए, उन्होंने गाड़ी बंद की, चाबी निकाली और फिर बाहर ही सो गए, उनकी दोबारा हिम्मत नहीं हुई। तो ऐसा नहीं है कि जब वो हमारे साथ ऐसी कोई चीजें शेयर करते हैं तो हम उन पर यकीन नहीं करते, हम बिल्कुल यकीन करते हैं। तो समस्या ये है कि इन चीजों के नाम पर जितनी झूठी इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है, हमारा टारगेट वो है। अब मसलन भानगढ़ की बात आप कर लीजिए। सो भानगढ़ के बारे में आपने सुना होगा कि इंडिया टॉप मोस्ट हॉन्टेड लोकेशन, कम्स अंडर टॉप 5 इन एशिया, इन द वर्ल्ड टॉप 5 इन एशिया एंड ऑल दैट स्टफ। कि भाई सरकार ने भी मना कर रखा है शाम को 6 बजे के बाद अंदर नहीं जाना। इट इज द मोस्ट ऑफिशियल हॉन्टेड लोकेशन इन इंडिया। यू नो अ लॉट ऑफ न्यूज चैनल्स एंड मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैव डिफरेंट काइंड ऑफ रिपोर्ट्स ऑन दैट। दे हैव वो तो डन अ लॉट ऑफ थिंग्स। सबको कंटेंट हाँ, मिल गया अपना चलाने के लिए तो उनको। उन लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने बहुत तरीके का कंटेंट मिल्क किया है भानगढ़ से। भानगढ़ की कहानी असल में एक तरीके की लव स्टोरी है। सो बेसिकली वहां की एक रानी हुआ करती थी, रानी रत्नावती। और रानी रत्नावती के बारे में ऐसा कहते हैं कि वो काफी खूबसूरत थी, और उस वक्त भानगढ़ जो है वो राजस्थान की राजधानी हुआ करती। सही। तो रानी रत्नावती के बारे में कहते थे कि वो काफी खूबसूरत थी। तो रानी उसी उनके जो उनका जो राज्य था भानगढ़ का, जो पूरा किला था, वहां पर एक एक ब्लैक मजिशियन आया जिसका नाम था सिंघिया। सिंघिया। सिंघिया, उसका ऐसा माना जाता है कि उसके काले जादू में इतनी शक्ति थी कि वो समय को भी रोक सकता। अच्छा। तो उसे जो है, रानी रत्नावती को देखते ही उससे उसे इश्क हो गया। उसने कहा कि भाई हमें जिंदगी में यही चाहिए। तो उसने रानी रत्नावती के पास जो है ये प्रपोजल भेजा, भाई आप और हम अगर साथ मिल जाए तो मेरी ताकत और आपके हुस्न से हम शायद पूरी दुनिया जीत सकते हैं। तो रानी रत्नावती ने ये मना कर दिया, बोला कि नहीं भाई, हमें ये ऑफर आपका मंजूर नहीं। उसके बाद रानी रत्नावती ने, ऐसा ऐसा माना जाता है कि सिंघिया ने कई तरीके के काले जादू की प्रैक्टिस करने की कोशिश की ताकि वो रानी रत्नावती को अपने वश में कर सके, लेकिन हो नहीं पाया। राधे राधे मोहन बन गए वो पूरे। मोहन बन गए वो। और उनकी इसी लगातार हो रही हरकतों से रानी रत्नावती एक दिन गुस्सा हो गई और उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाला दे दिया। जिससे गुस्सा होकर के कहा जाता है कि सिंघिया ने कुछ इस तरीके का काला जादू किया भानगढ़ के ऊपर कि पूरा भानगढ़ रातों रात तबाह हो गया। अच्छा। और उसके बाद से ये माना जाता है कि भाई वो जगह जो है वो काली शक्तियों के अंदर है और आज तक उसका जादू वही है, आज तक वो टूटा नहीं। तो आज तक उस जगह पर काली शक्तियां जो है वो राज करती हैं। ये अकॉर्डिंग टू लोकल स्टोरीज, व्हाट दे बिलीव। हिस्ट्री बुक्स में इसका कोई जिक्र नहीं है। तो उनके हिसाब से ये जो है ये पूरी कहानी है। अब इसके आसपास जो ह्यूमन वर्जन है इसमें ऐड होता जाता है, एग्जैजरेट होता जाता है और ये सारी चीजें चलती रहती हैं, जाहिर सी बात है। लेकिन भानगढ़ एक काफी इंटरेस्टिंग लोकेशन है बहुत तरीके के पर्सपेक्टिव से। आज आलम ये हो चुका है भानगढ़ का कि भानगढ़ एक बहुत ही हॉट लोकेशन बन गई है व्हेन इट कम्स टू पैरानॉर्मल एक्टिविटीज। वहां लोग दिन में जाते हैं, कई लोग जाते हैं। जब आप वहां जाएंगे तो आप देखेंगे आपको बहुत सारे लोग मिल रहे हैं जो अंदर आ रहे हैं फोर्ट के अंदर, और आपको ऐसा लगेगा कि जब हम उनसे बातें करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई ये लोग बस उनके इस साथ कुछ मकसद हुआ से है। आए हैं, या तो कुछ हुआ है या वो इस मकसद से आए हैं कि अंदर भूत प्रेत बैठा हुआ होगा, सेल्फी किस खिंचे, सेल्फी वेल्फी लेंगे और वापस आ जाएंगे। और उसके ऊपर से माशाल्लाह जो कंटेंट इंडस्ट्री है उसने भी कोई कोई कोर कोर कसर तो छोड़ी है नहीं। सो बेसिकली उसने तो जिनकी खाला और सब कुछ निकाल दिया होगा। सब सब कुछ निकल गया। हाँ, पूरी पूरी फैमिलीज निकली होंगी। सब सब कुछ आ गया। सो हकीकत तो ये है कि भैया मतलब आलम ये हो चुका है कि आप YouTube से लेकर के सोशल मीडिया तक हर कोई उस कंटेंट को मिल करने में लगा हुआ है,
हर कोई भानगढ़ के बारे में यही कहता है कि भाई यहाँ सरकार ने मना मना किया हुआ। अब यहाँ पर क्या है कि कुछ कॉमन सेंसेस हैं जो लोग अक्सर भूल जाते हैं, क्योंकि कुछ हॉरर स्टोरीज या फिर इस तरह की कहानियां हमें एक अलग वर्ल्ड में लेके जाती है, जहां पर हम शायद लॉजिक छोड़ ही देते हैं पीछे। जाने दो क्या करेंगे, लॉजिक कचरे के डब्बे में डालो इसको। ये भारत की ऑफिशियल हॉन्टेड लोकेशन कैसे हो सकती है? मतलब कोई भारतीय सरकार में कोई मिनिस्ट्री है, पैरानॉर्मल मिनिस्ट्री या भूत मंत्रालय, ऐसा कुछ भी है जिसने किसी लोकेशन को हॉन्टेड और नॉट हॉन्टेड का टैग दिया हो? देखिए, भारत सरकार या राज्य सरकार या उस शहर की जो व्यवस्था है, जो एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें से किसी ने भी किसी भी दस्तावेज के तौर पर या फिर किसी भी ऑफिशियल या अनऑफिशियल स्टेटमेंट में कहीं भी ये नहीं कहा कि भानगढ़ हॉन्टेड है। तो ये ऑफिशियल हॉन्टेड का टैग कैसे लगा ये मैं नहीं जानता। ये इंसान के खुद के दिमाग की पैदाइश है जो उसने की है, और अब वही पैदाइश उसके ऊपर भारी पड़ रही है जैसा कि और केसेस में होता है। लेकिन कभी रिजेक्ट भी नहीं किया ना, कभी किसी ने पूछा भी डिनाई तो भी नहीं नहीं ना, किया। कभी किसी ने पूछा भी तो नहीं, नहीं ना, मेरे मैं कहने मेरा का वो ये है मतलब कि क्या है? इतनी दुनिया में दुनिया वो सारे आर्टिकल्स आई एम श्योर आपके सारे मिनिस्टर्स प्राइम मिनिस्टर इन सब में सर्कुलेट तो होते होंगे। इन्फॉर्मेशन ऐसी है कि बिल्कुल बिल्कुल। इन्फॉर्मेशन, देखिए इन्फॉर्मेशन होना एक अलग बात है, मतलब एक इन्फॉर्मेशन एक होना अलग बात है, लेकिन क्या है कि ऐसी कहानियां स्पेशली भानगढ़ के जैसी लोकेशंस जो है, ये कहीं ना कहीं लोकल आस्था का विषय भी होती है। जो बिल्कुल। लोकल लोग हैं वो काफी गहरे तौर पर यकीन करते हैं, तो अगर आप उनकी आस्था पर वार करेंगे तो वो तो जाहिर सी बात है कोई भी नहीं करना चाहेगा, और ये होना भी नहीं चाहिए। अगर आपको किसी चीज में आस्था है तो है, अब चाहे वो भगवान हो या शैतान, लेकिन आपको आस्था है तो है। बस ये वही बात है यहाँ पर। लेकिन क्या है कि किसी ने, जब तक मुझे लगता नहीं कि कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आता है तब तक इसको ऑफिशियल कहना ठीक होगा। दूसरी बात, लोग कहते हैं कि भानगढ़ के अंदर बाहर जो है एक बोर्ड लगा हुआ है जिसके हिसाब से आप शाम को 6 बजे के बाद अंदर नहीं जा सकते। अब देखिए क्या है कि वैसा बोर्ड तो ऐसे हर मॉन्यूमेंट के बाहर लगा हुआ है जिसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया प्रोटेक्ट करती है, भाई और उस भारत जगह का को भी मेडल। आई थिंक यही हो रहा है, यही उसके लिए उसका भी यही आर्कियोलॉजिस्ट जो आपके हैं उन्होंने प्रोटेक्ट किया उस जगह को। जी बिल्कुल बिल्कुल। आई मीन भारत का जो मध्यम वर्गीय इंसान है वो काफी कड़ी मेहनत करता है, अपनी सरकार को टैक्स देता है, उन टैक्स से पैसे से ऐसे डिपार्टमेंट्स चलते हैं जो हमारी धरोहरों को बचा रहे हैं। और हम सब जानते हैं कि चाहे हम भारतीय लोग हों या फिर पाकिस्तानी लोग हों, मतलब हमारे इस हम इधर के कॉन्टिनेंट सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहा हूँ मैं, हम सब जानते हैं कि हम अपनी धरोहरों को संभालने में कितने अच्छे हैं, कितनी साफ सफाई हम रखते हैं, ये सब हम लोग सब जानते हैं, भली भांति परिचित हैं हम सब इससे। तो अब उस टैक्स के पैसे का इस्तेमाल करने के लिए ही ऐसी बॉडीज बनाई जाती हैं जो हमारी धरोहरों को संभाल सके। तो ये बोर्ड आपको भारत की उस हर लोकेशन के बाहर मिलेगा जिसके जो ASI के अंदर आती है, इट्स नथिंग स्पेशल अबाउट भानगढ़। लेकिन क्या है कि वो उस जगह की कहानी ऐसी है कि अब उसका परसेप्शन जो है वो अलग अलग चीजों से जोड़ जोड़ कर निकाला जा रहा है और वो फिर लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। जब मैंने अपनी इन्वेस्टिगेशन की थी भानगढ़ में, मैं अब तक कॉलेज से लेके अब तक, यानी कि मैं करीब 2010 से लेकर के 2021 के बीच में करीब 7 बार भानगढ़ जा चुका हूँ। अगेन, मैं ये नहीं कह रहा कि भूत नहीं होते या वहां पर कुछ नहीं है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। और इन 7 इन्वेस्टिगेशन में 2 इन्वेस्टिगेशन ऐसी थी, मतलब 2 रातें मैं कहूंगा कि ऐसी थी जहां पर मैं पूरी तरह से अकेला था, और 2-3 दफा मैं, क्योंकि मैं वीडियो कॉन्टेंट के लिए गया था तो मेरे साथ लोग थे, 2-3 बार मैं रिसर्च पर्पसेस से गया था अपने नेक्स्ट बुक या फिर अपने नेक्स्ट रिसर्च पर्पसेस के लिए, बिकॉज अभी मैं एक साइकोलॉजी बिहाइंड पैरानॉर्मल बिलीफ के ऊपर भी काम कर रहा हूँ। मैं एक रिसर्च रिपोर्ट बना रहा हूँ पिछले 2-3 सालों से, जिसमें मैं बहुत तरीके के लोगों से मिलता हूँ, बहुत तरीके से जगहों पे जाता हूँ, जिसमें मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि असल में पैरानॉर्मल बिलीफ के पीछे इंसानी सोच क्या और कहाँ तक जाती है, क्यों हम अक्सर जादुई कहानियों पर यकीन करना पसंद करते हैं। तो मैं उन चीजों के ऊपर काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वहां पर भी, भानगढ़ में भी, इन 6-7 विजिट्स में पर्सनली मुझे अब तक कुछ नहीं मिला है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन मुझे अब तक कुछ नहीं मिला है। लेकिन अगेन, मैं ये नहीं कहूंगा कि जिनके साथ हुआ वो झूठ था, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे अब तक कुछ नहीं मिला, और मैं वो इंसान हूँ कि मैं खुद सामने से चल कर आऊंगा, लोगों को ये कहूंगा कि हाँ वहां पर कुछ है जब मेरे साथ ऐसा कुछ हो। अच्छा, आज तक आपने इतनी सारी जगहों की इन्वेस्टिगेशन की है,
मैंने अक्सर ऐसे प्रोग्राम देखे हैं जो ये पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के ऊपर होते हैं, और मुझे बस मैं हमेशा ये एक सवाल करता हूँ कि भाई कहाँ गए, गायब हो गए वो, ये भी भूत बन गए, गायब हो गए भाई। आई थिंक उनका शायद डिस्कनेक्ट हो गया है, अभी थोड़ी देर में खुद ही कनेक्ट कर लेंगे। जितनी देर में वो कनेक्ट करते हैं, हम ज़रा अपनी चैट से पूछते हैं, भैया कैसी है चैट हमारी, ठीक ठाक है सब? आज आप लोग बहुत इग्नोर हुए, आई एम सो सॉरी। इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन चल रही थी, इसलिए आप सब जो हैं वो थोड़े से इग्नोर हो गए। खैर एक सेकेंड रुकिएगा। अच्छा जी, जितनी देर में हमारे गेस्ट ज्वाइन इन करते हैं, इतनी देर में हम ज़रा आप लोगों से गुफ्तगू करते हैं। मोहम्मद यासिर, थैंक यू सो मच। अच्छा, जिन जिन लोगों ने अभी तक हमारी स्ट्रीम को सपोर्ट किया है उनका नाम शामिल करते हैं। राफिया खान, थैंक यू। अहमद मुजद्दी, थैंक यू। आपका नाम हमेशा लेते हुए मुझे टेंशन हो रही होती है कि सही लिया कि नहीं लिया। डबल ए, थैंक यू सो मच। एंड एहतिशाम, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, आज की जो स्ट्रीम है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, वो इसलिए क्योंकि आप सब एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि हम जिन भूत और ये वाह वाह इस तरह की बातें करेंगे, लेकिन थोड़ा सा स्केप्टिक होने की भी ज़रूरत है। ब्लाइंड ट्रस्ट और अंधाधुन हम जो हर चीज़ पे जो है वो ट्रस्ट कर लेते हैं, कभी कभी आपको क्वेश्चन करना ज़रूरी होता है। तो आज की स्ट्रीम थोड़ा सा इस हवाले से भी है। खैर, हमारे गेस्ट दोबारा आ गए, वेलकम बैक सर। आवाज आ रही है आपको? थैंक यू सॉरी, पता नहीं कुछ शायद कोई टेक्निकल ग्लिच हो गया था। इट्स ऑल राइट। हम किधर बिल्कुल थे? बिल्कुल हाँ, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन। जब मैं ये बोल रहा था कि जो मैं ये प्रोग्राम्स देखता हूँ ना यूट्यूब पे, आते हैं अक्सर हमारे यहाँ भी, आपके 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 मुल्क से भी और बाकी, तो मुझे ये होता है कि यार ये कैसे जिन हैं जो हर एपिसोड में नज़र आ जाते हैं। हर एपिसोड में उनको कोई ना कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी मिल जाती है। हर एपिसोड में कोई एक एपिसोड ऐसी नहीं होगी जिसमें वो कहें कि यार आज हमें कुछ नहीं मिला भाई, आज हम नाकारा पहुंचे। और हमेशा वो होता है कि ये देखो, सुना तुमने, वो देखो वो देखो वो देखो क्या हो रहा है। और साला जब जिस जगह पे जिन नजर आ रहा था ना, उसी टाइम पे वो कैमरा उधर नहीं होगा, उस वक्त वो कैमरा चांद की तरफ होगा, होस्ट की तरफ होगा। और जब साला जिधर जिन नजर आएगा उस वक्त फोकस नहीं करेंगे, जब वो गुजर जाएगा, टाइम निकल जाएगा, ट्रेन चली जाएगी, बच्चे बड़े हो जाएंगे, बच्चों की शादी हो जाएंगी, उसके बाद वो फिर चंद 200 साल के बाद वो कैमरा उधर जाएगा, वो देखे हमने उधर देखा था, और फिर उधर ऑब्वियसली कुछ नहीं होता। लेकिन आपकी इन्वेस्टिगेशन में कभी कोई ऐसा ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि यार ये इन्वेस्टिगेट, ये वो जगह है, ये वो लोकेशन है जो, हाँ यार ये जो है ना साइंस और लॉजिक इससे आगे की बात है, यहाँ कुछ ऐसा है जो समझ नहीं आ रहा, कि साउंड भी हम नहीं समझ पा रहे, लोकल एरिया की जो जबान है वो भी नहीं समझ पा रहे, कहानी भी नहीं समझ पा रहे, और हमारे साथ भी कुछ अजीब ही हो रहा है, हमें भी कुछ लॉजिक मिल नहीं रही। ऐसा हुआ है कभी? देखिए, जिन यूट्यूब यूट्यूब शोज या फिर इन्वेस्टिगेशन वीडियोस की आप बात कर रहे हैं, अगर वो जब 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 वो जिन दिखाने जाते हैं और जब वो कैमरा टर्न हो जाता है जैसा कि आप बता रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं, आपको कभी वक्त निकाल कर इंडिया के हॉरर व्लॉगिंग और ये पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन वाले वीडियोस देखने चाहिए। उनके कैमरे कहीं नहीं जाते, उनके कैमरे वहीं रहते हैं, उसके बाद भी वो भूत दिखा देते हैं। अच्छा मैंने देखे, मुझे बड़े फनी लगते हैं वो, मैं देख के मुझे बड़ा, मैं एंटरटेन होता हूँ मतलब उससे। क्या भाई, पता आ, आ, आप समझ के देखिए कि थोड़ी सी पॉपुलैरिटी पाने के चक्कर में, थोड़ा सा नाम बनाने के चक्कर में, चार पैसे कमाने के चक्कर में ये लोग किस हद तक सोच रहे हैं, किस हद तक समाज के दिमाग का, सोसाइटी के दिमाग का मैनिपुलेशन कर रहे हैं कि ये अपने वीडियोस में डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन तक नहीं डालते।
यू नो, और एक एक डिस्क्लेमर, एक डिस्क्लेमर तक नहीं डालते कि भैया ये हम सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बना रहे हैं, बल्कि और ये लिखते हैं कि भाई हमने देख लिया है। मतलब अगर इन्होंने देख लिया है और ये 4-5-10 हज़ार रुपए की मशीनें लगा के भूत प्रेतों से बात कर ले रहे हैं, तो फिर हमें जरूरत क्या है दुनिया में इतने बड़े बड़े साइंस और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की। इन्होंने इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी गुत्थी जो है ये सुलझा ली है, इन्हें अब बहुत बड़े बड़े इनाम मिलने चाहिए, इन्हें दूसरे, इन्हें भेज देना चाहिए दूसरे स्पेस में भी, वहां भी रिसर्च करेंगे। यहाँ का हो गया, अर्थ के सारे वोट ढूंढ लिए इन्होंने। मुझे अफसोस इस बात का नहीं है कि ये लोग इस तरीके का कंटेंट बनाते हैं। भाई शौक से बनाइए, आप बिल्कुल बनाइए, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इससे ज्यादा बनाइए। मैं तो कहता हूँ आप उड़ता हुआ भूत दिखा दीजिए भाई, आके सिनेमा भी देखते ही हैं हम लोग, फिल्म्स में भी तो देखते ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अफसोस इस बात का है कि आप इसे सच बोलकर दिखा रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। ये आप भी जानते हैं, ये हम भी जानते हैं कि सच ऐसा नहीं होता। मैं मानता हूँ कि पढ़े लिखे लोग बस उसे देखते हैं एंटरटेनमेंट के पर्पस से, उनका उससे ज्यादा कुछ नहीं होता, लेकिन ऐसे कई लोग हैं जिनके दिमाग पे वो चीजें गहरा असर डाल देती हैं। तो पहली बात तो ये, और दूसरी बात क्या है कि बिल्कुल कई इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ ऐसे वाक्यात हो जाते हैं जो कई बार अनएक्सप्लेनेबल होते हैं। मैं आपको एक अपनी एक इन्वेस्टिगेशन की एक वाक्यात सुनाता हूँ जो मेरे लिए आज भी एक अपने आप में एक मिस्ट्री है, बाय द वे इतना टाइम हो गया है उसको फिर भी है, लेकिन आज भी मैं कभी सोचता हूँ कि यार मैं उस जगह पर वापस जाऊँ तो मैं आज भी जाने की हिम्मत नहीं करता। तो अभी फिलहाल तो मतलब अभी मुझे नहीं लगता कि मैं उस जगह पर दोबारा जाने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, हाँ मुझे लगता है कि मैं, मुझे शायद थोड़ा और टाइम लगेगा उस चीज़ के लिए, दोबारा प्रिपरेशन करने के लिए। जस्ट फॉर द सेक ऑफ गोइंग इट आई डोंट गो, मैं जब जाता हूँ तो मैं चाहता हूँ वहाँ से कुछ निकाल के नहीं आऊँ, मतलब अपने लिए। तो मसूरी के पास एक जगह है, एक पुराना स्कूल है। सो बेसिकली उसकी कहानी ये है कि अंग्रेज़ों के ज़माने में एक स्कूल चल रहा था जो ब्रिटिश कैंट चला रही थी। तो आसपास के गाँव के जितने बच्चे थे उनको वहाँ पर पढ़ाने के लिए बुलाया जाता था, जो कि साथ में ब्रिटिशर्स के बच्चे भी पढ़ते थे और गांव के लोगों को, गांव के बच्चों को मुफ्त एजुकेशन भी दी जा रही थी वहाँ पर। तो उस टाइम पर उस स्कूल का एक प्रिंसिपल था जिसके बारे में कहते हैं कि वो ऑकल्ट प्रैक्टिसेस करता था, यानी कि काला जादू वगैरह इन चीज़ों में यकीन रखता था। ऐसा माना जाता है और लोकल लोगों की कहानियों के हिसाब से अगर हम माने तो उसने अपने इस ऑकल्ट प्रैक्टिसेस के दौरान स्कूल के ही कुछ गांव के बच्चों की बलि दे दी थी। ये बात जैसे ही आसपास के गांव के लोगों को पता चली, उन लोगों ने उसके ऊपर हमला किया, उसकी जान ले ली और उसे मार दिया। उसके बाद से स्कूल में अजीब अजीब सी घटनाएं होने लगी, किसी को भूत दिखने लगे, किसी को आवाजें आने लगी, बच्चे काफी डरने लगे और इन सब से निजात पाने के लिए स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने सोचा कि भैया इस स्कूल को फिलहाल बंद कर दिया जाए जब तक कोई और हमें, और उसी दौरान कुछ ऐसा हो गया था कि पार्टीशन और इंडिपेंडेंस का भी जो सीन है वो काफ़ी माहौल जो है वो गर्म हो गया था। मतलब ये बात मैं कर रहा हूँ 1945-46 की, उस टाइम पे काफ़ी चीज़ें जो है वो होनी शुरू हो गई थी। और ये जो प्रिंसिपल था ये अंग्रेज था, ये अंग्रेज था। तो कहीं भी ब्रिटिशर्स को भी समझ में आ ही गया था इस दौरान कि भाई 1-2 साल में हम, हमारा शायद अब यहाँ से बोरिया बिस्तर जाने वाला है। तो स्कूल को बंद कर दिया गया। उसके बाद इंडिपेंडेंस हुआ, इंडिपेंडेंस के बाद से वो कभी स्कूल खुला नहीं, धीरे धीरे वो बिल्डिंग वहीं रह गई, रहते रहते वो बंजर हो गई। और जब आसपास आबादी बसने लगी, लोकल लोग आने लगे, तो करीब 90 के दशक में वहाँ पे आसपास एक छोटा सा गाँव बस गया। धीरे धीरे लोग वहाँ जाने लगे और लोगों के हिसाब से कि वो कहानी आज तक वहाँ पर है, उस जो प्रिंसिपल था उसकी आत्मा आज तक वहाँ पर दिखाई देती है लोगों को, ये कहानी उसमें आज तक यकीन। मैं उस जगह पर एक्सीडेंटली पहुँचा था, क्योंकि उस जगह की पर्टिकुलर कहानी ना आपको इंटरनेट पे मिलेगी ना यूट्यूब पे मिलेगी, मतलब अगर आप रिसर्च करेंगे तो आपको इंटरनेट पे उसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। नहीं नहीं मिलती है, मैंने इसकी पूरी पढ़ी है डिटेल में, मिलती है मेबी, तो शायद कोई इधर कोई अपडेट हुआ होगा। तो मैं जब उस जगह पर पहुंचा था, एक पुरानी सी स्कूल की बिल्डिंग थी, तो मैंने सोचा कि यार ठीक है, मैं एक रेगुलर इन्वेस्टिगेशन है, मुझे पता है ज़्यादा कुछ तो होना नहीं है, बाकी देखते हैं आगे क्या सीन है। तो मैं रात में वहां पर रुका और वो दिन जिस रात की बात मैं कर रहा हूँ,
वो दिन मेरा काफी अच्छा गया था, मतलब नॉर्मल दिन गया था मेरा, जैसा रेगुलर डेज होते हैं. आई मीन यू हैव हैड अ गुड टाइम, गुड फूड, गुड स्टे, कोई ऐसी कोई जिंदगी में परेशानी है नहीं जिसकी वजह से मुझे लगता हो कि मैं दुखी हूँ या मैं डिप्रेस्ड हूँ या फिर कोई और प्रॉब्लम है मुझे इस तरीके की. तो ऐसा कुछ मुझे कभी ऐसा हुआ नहीं अब तक, तो सो फार नहीं हुआ है, टच वुड. और वो स्पेशली वो दिन भी मेरा ठीक ठाक ही गया, तो मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं कि हाँ यार ऐसा कुछ खराब जाने वाला है. रेगुलर इन्वेस्टिगेशन चल रही थी. जनरली क्या होता है कि लोगों को लगता है कि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन काफी एक्साइटिंग होती है, बहुत मजा आता है. नहीं, बड़ा लोनली टाइम होता है, अकेला होता है ज्यादातर बंदा अंधेरे में. हाँ, कुछ हो नहीं रहा, बैठे हुए आप क्या करें, बैठे हुए बस. सो करीब 1-1.5 बजे के आसपास मुझे याद है मैं अपना फोन चला रहा था और बस अपडेट वगैरह देख रहा था सोशल मीडिया के. एंड आई डोंट नो व्हाई, आई मीन फ्रॉम वेयर इवन आई हैव नो आईडिया. आई जस्ट स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट ऑल द नेगेटिव थिंग्स व्हिच हैज हैपेंड इन माय लाइफ. देखिए छोटे मोटे वाकयात तो हम सबकी ज़िंदगी में होते हैं, सक्सेस फेलियर हम सबकी ज़िंदगी का हिस्सा है. कुछ रिश्ते बनते हैं, कुछ टूट जाते हैं, कहीं पर आप रिजेक्ट होते हैं, ये सारी चीज़ें हम सबके साथ होती हैं. ऐसा नहीं कि कुछ मैं स्पेशल हूँ, ये हम सबकी ज़िंदगी का हिस्सा है. बट उस दौरान पता नहीं क्यों मैंने अचानक से मेरी ज़िंदगी में जितने भी फेलियर्स हुए हैं, जितनी भी बुरी चीज़ें हुई हैं, जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हुई हैं, मैं सिर्फ उनको याद करने लगा. आई मीन और मैं रुक नहीं रहा था, मैं बस याद करता ही जा रहा था. मतलब अरे यार ये मेरे साथ ही क्यों होता है, ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ. मतलब एक टाइम ऐसा आया कि मुझे ऐसा लगने लगा कि यार मैं ये पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन मैं कर ही क्यों रहा हूँ, ये क्या बेवकूफ़ी कर रहा हूँ मैं, इससे मुझे क्या हासिल होने वाला है, मैं क्या साबित कर लूँगा और मैं क्यों साबित करना चाहता हूँ दुनिया को. यू नो उस पूरे स्टेट ऑफ माइंड में मैं चला गया और मैं उस हद तक चला गया जहाँ पर मुझे लगने लगा कि नहीं यार मुझे अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेनी चाहिए, ज़िंदगी का कोई मोल नहीं, कोई वैल्यू नहीं है. और करीब 1-1.5 या फिर अगर मैं ठीक ठाक मुझे लगता है तो करीब 2 घंटे तक उसी स्टेट ऑफ माइंड में मैं वहीं बैठा रहा और बस मरने के तरीके ढूंढता रहा, सोचता रहा घूम घूम करके, यार मैं कूद जाऊं क्या स्कूल की छत से, क्या करूं, यहाँ पर खुद को मार लूं, चाकू लगा लूं. तो हमारे पास एक सर्वाइवल नाइफ भी होती है छोटी सी, तो क्या वो सर्वाइवल नाइफ हाथ में लेकर के बस चेहरे पर यहाँ यहाँ घुमा रहा हूँ, मुंह में दबा रखा है, सोच रहा हूँ जबान काट लूँ क्या पहले. मतलब इस तरीके के वियर्ड थॉट्स अपने बारे में आ रहे हैं. मतलब वो चाकू की, वो जो सर्वाइवल नाइफ की जो नोक होती है उसको, उस वक्त चश्मा नहीं लगा हुआ था मुझे, तो मैं आँखों के पास यहाँ रख के इस तरीके से कुछ, मैं आपको बताऊँ तो मान लीजिए ये कलम है, ये चाकू की नोक यहाँ रख के, और मैं सोच रहा हूँ कि यार अगर मैं इसे बहुत तेज़ी से अपनी आँख में डालूंगा तो क्या होगा, दर्द होगा या नहीं होगा. Suicidal thoughts आ गए पूरी, बहुत बहुत strong suicidal thoughts. And ये जा नहीं रहे थे, मतलब मैंने काफी कोशिश की पर ये जा नहीं रहे थे. अचानक मुझे ऐसा लगा कि यार मुझे एक सिगरेट पीनी है. मैं थोड़ी सिगरेट पीता हूँ बट मैं कम पीता हूँ, दिन भर में 1-2-3 इतना, उससे ज्यादा नहीं. मतलब 3 भी उस दिन के लेता हूँ जिस दिन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वाला कोई काम हो गया या ऐसा कुछ, मतलब स्ट्रेस तो क्या बोलूँगा, मतलब ज़्यादा आदत है नहीं. मुझे अचानक से लगा कि मुझे सिगरेट पीनी है और मुझे याद आया कि यार मैंने 2 सिगरेट्स आते हुए खरीदी थी और मेरी कार के डैशबोर्ड में रखी हुई है, सो लेट्स गो एंड स्मोक. सो मैं वहाँ से निकला, मैं अपनी कार में गया, कार मैंने बाहर लगाई थी, कार में गया, मैं गाड़ी के अंदर बैठा, मैंने डैशबोर्ड खोली. मैंने जैसे डैशबोर्ड खोला और मतलब गाड़ी के अंदर बैठा, गाड़ी का दरवाजा बंद किया, चाबी लगाई, इग्निशन ऑन किया, कैबिनेट लाइट ऑन की और डैशबोर्ड जैसे ही खोला मैंने, उतना मुझे ऐसा लगा कि मेरा सर बिल्कुल हल्का सा हो गया है. मतलब मुझे ऐसा लगा कि यार ऐसे मेरे बॉडी से कोई बोझ उतर गया हो, यू नो. एंड मुझे ऐसा लगा कि यार फक, मैं क्या सोच रहा था और मैं क्यों सोच रहा था. And I recalled everything, what happened in those couple of hours. I recalled everything. मैं बाहर निकला, मैंने सिगरेट जलाई, काफ़ी देर तक बस उस जगह को देखता रहा, सिगरेट पीता रहा. सिगरेट खत्म हुई, मैंने सिगरेट बुझाई, मैं अपनी गाड़ी में बैठा, चाबी लगाई, गाड़ी घुमाई और सीधा अपने होटल चला गया और मैं सो गया. अगले दिन मेरी हिम्मत नहीं हुई उस जगह पर जाने की,
मैं अभी फिलहाल नहीं जाना चाहता। इनफैक्ट टिल डेट मैं अब तक भी मुझे नहीं लगता कि मैं प्रिपेयर्ड हूँ। मुझे नहीं पता कि मेरे साथ वहाँ पर क्या हुआ, क्या वो एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी थी या कोई अनएक्सप्लेन मोमेंट था, या फिर मुझे कोई और फोर्स कर रहा था मेरे खुद की जान लेने के लिए, या शायद वाकई मैं उस दौरान कोई एक अजीब से स्टेट ऑफ माइंड में था। फिलहाल मैं ये बात नहीं जानता, इसलिए मैं उस जगह पर जाना नहीं चाहता बिकॉज, और मैं उस जगह पर दोबारा अकेला नहीं जाना चाहता। अगर मैं दोबारा जाऊंगा भी, जब भी जाऊंगा, चाहे 2 महीने में जाऊं, 6 महीने में जाऊं, साल में जाऊं या 5 साल में जाऊं, अगर मैं दोबारा जाऊंगा भी तो आई मेक श्योर कि मैं टीम को साथ में लेके जाऊं, बिकॉज वो खौफ मेरे अंदर अब तक है। तो कई बार ऐसे इंसिडेंसेस हो जाते हैं इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो शायद आपकी ज़िंदगी पर एक गहरी छाप छोड़ जाते हैं। तो अभी तक कोई ऐसी लोकेशन मिली जहाँ पे कोई आपने पैरानॉर्मल एक्टिविटी फील की हो, या ऐसी कोई साइटिंग फील की हो कि हाँ यार इधर प्रेजेंस तो है? नहीं, अब ये जैसे ये आप ये वाला जैसे आपका वाकया, इसमें तो बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, आपका अपना खुद का जो दिमागी जी तरीके कार है सोचने का, आप उस पर सबसे पहले तो इंसान उसी में चला जाता है कि यार हो सकता है कि मैं सबकॉन्शियसली उन चीज़ों को काफ़ी सालों से इग्नोर कर रहा था, अब मुझे एक ऐसा पॉइंट मिला, मैं अंधेरे में, सामने मेरे एक हॉन्टेड जगह है, लोग हैं नहीं, खामोशी है, मैं अकेला बैठा हूँ। अकेले बैठे बंदा अल्टीमेटली अपने बारे में ही सोचना शुरू कर देता है, अपने आप से ही बातें करना शुरू कर देता है कि तुम, फिर अब अपनी सच्चाई, अपनी रियलिटी को फेस करना शुरू कर देता है कि हाँ ठीक है, दुनिया के सामने तो मैंने ये एक सच्चाई पेश की हुई है, लेकिन असल सच्चाई क्या है मेरी, कि मिन्हाज अली असकरी आप बैठ के स्टूडियो में अब जिन की बातें करते हैं ये आपकी सच्चाई है, अब आप उसमें गिमिक करते हैं, नहीं करते, फलां करते हैं, ये एक दुनिया की सच्चाई बनाई हुई है। तो इस वाले चैप्टर में तो आपका ये वाला एंगल क्लियर नज़र आता है थोड़ा बहुत। और ये भी सच है कि इस तरह की जो एंटिटीज़ होती हैं, एनर्जी होती है, ये आपको इस नौयत पे लेके जाती है कि आपको अगर वो खुद से हार्म नहीं कर सकती तो वो उस तरह के सर्कमस्टांसेस आपके इर्द गिर्द बना देती है कि आप खुद ही अपने लिए एक क्रीचर खुद ही बन जाते हैं आप। बिल्कुल। लेकिन आपने कोई ऐसा आपके साथ तो नहीं हुआ कि कोई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन में कोई नहीं, मैंने अब भूत नजर आ गया हो? नहीं, अपैरिशंस तो मेरे साथ अब तक नहीं हुआ है। अब तक मैंने भूत देखा नहीं, और यकीन मानिए जहाँ तक रही बात, मतलब मुझे नहीं पता किस पे कितना लोग यकीन करेंगे, लेकिन हाँ जहाँ तक रही बात लोकेशंस की, तो खौफनाक से खौफनाक जगहों पर मैं अब तक हो चुका हूँ। मतलब मैं आपको सिर्फ इसी से बता सकता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में ऐसी इन्वेस्टिगेशंस के दौरान कुछ हादसे ऐसे हुए, मतलब मेरे दोनों पैर मेरे टूटे हुए हैं और दोनों में टाइटेनियम की प्लेट लगी हुई है, लेफ्ट और राइट। अच्छा, अल्लाह रहम करे, कैसे हुआ, क्या हुआ ये, मतलब इंसिडेंट क्या था ये? इन्वेस्टिगेशंस के दौरान कई बार फिसल गए, जैसे अभी मेरा लास्ट एक्सीडेंट हुआ था अक्टूबर में पिछले साल, जब मैं कौसानी नाम की जगह को इन्वेस्टिगेट कर रहा था, तो रात में मेरा पैर फिसल गया और मैं करीब 100 फीट नीचे खाई में जाके गिर गया, अपने जो हील बोन होती है उसके भरोसे, तो मेरी हील बोन जो है वो क्रैश हो गई। करीब 3-4 घंटे तक मैं वहीं पड़ा रहा, फिर सुबह में रेस्क्यू टीम आई, फिर उन्होंने मुझे खींच करके निकाला, मुझे दिल्ली लाया गया, फिर यहाँ सर्जरी हुई। और सेम चीज़ मेरे लेफ्ट पैर के साथ भी है, घुटने के पास एक टाइटेनियम की प्लेट लगी हुई है। मुझे 2 बार सांपों ने काटा है, एक बार वेनमस ने, मतलब एक बार जहरीले ने, और एक बार बिना जहरीले ने, नॉर्मल सांप ने। जब जहर वाले सांप ने काटा था उसका इन्फेक्शन मैं 6 महीने तक झेल रहा था, टचवुड की मुझे फैला नहीं वो जिस्म में, एंटीवेनम मिल गया, और लकली मुझे मिल गया, मतलब बिकॉज जहाँ पर मैं पहुँचा उन्होंने कहा भैया हमारे पास आखिरी ही पड़ा था, और उसमें से भी आखिरी में फुल डोज नहीं था, उन्होंने कहा हमारे पास आधा डोज है, हम आपको अभी लगा देते हैं, आपके लिए इतना हो जाएगा कि आप कहीं और पहुँच पाए 1-2 दिन में, और ताकि आपको एक अच्छे से ट्रीटमेंट मिल सके। तो इसके अलावा बैट्स या फिर जहरीले कीड़े, छोटे छोटे ऐसे कई अटैक्स हुए हैं, मतलब मेरे अगर आप पीठ में दिखा सकता तो मैं आपको दिखाता कि, और पेट के पास कई निशान है ऐसे। सो जहाँ तक मुझे लगता है कि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, मैं ये नहीं कहता कि ये चीज़ें नहीं होती, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है उन सारी जगहों पर जाने की, और चाहे वो टीम के साथ रहने की, चाहे फुटेज कैप्चर करने की, या फिर खुद बिना बस अकेले जा करके उस जगह को महसूस करने की, अब तक मैंने
एक भूत नहीं देखा, टू बी वेरी ऑनेस्ट. सो दिस हैज बीन द हार्श रियलिटी ऑफ माय जर्नी ऑफ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन सो फार. चले, थैंक यू जे, थैंक यू फॉर योर टाइम. आपको भी अभी अपने काम में बिजी हो जाएंगे दोबारा से. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन, और बहुत अच्छा लगा. मैं यूजुअली जो है वो हम लोग तो जिन भूत और लोगों के साथ वाकयात इनके ऊपर डिस्कशन कर रहे होते हैं, बिकॉज ऑफ यू बहुत सारे लोग आई एम श्योर जो स्केप्टिक माइंड वाले होते हैं उनको एक नया नैरेटिव भी मिला होगा कि यार हर चीज़ को एक ही एंगल से देखने के बजाय ज़रा कभी कभी आप लॉजिक्स और साइंस के नज़र से भी देखें. हर वक्त जिन और भूत इतने फारिग भी नहीं कि हर वक्त ही वो खड़े होते हैं कि चलो भाई आज हम इसको डराएंगे, भाउ आज इसको डराएंगे हु, और ऐसा भी नहीं है विच यू हैव सेड ऑलरेडी कि ये एग्जिस्ट नहीं करते, एग्जिस्ट तो करते हैं. सही है, थैंक यू सो मच जय. जिंदगी रही तो दोबारा स्ट्रीम करेंगे, और अगर मौका मिला तो आप हमारे मुल्क आएगा या हम आपके मुल्क आएंगे तो मिल बैठ के भी किसी दिन हम स्ट्रीम करेंगे. सच बताऊं मेरा मन तो बहुत है. कहते हैं ना इंसान की एक वो होती है कि भाई जिस जगह पर आपको सब लोग कह रहे हैं ना कि मत जाना मत जाना मत जाना, वहां जाने की ज्यादा इच्छा होती है. नहीं इंशाल्लाह ताला ऐसा टाइम आएगा कि जरा हालात थोड़े से ठंडे होंगे और फिर दोनों मुल्क के लोग जो हैं आपस में मिलेंगे जरूर, क्योंकि दोनों को लोगों को मिलने का बड़ा शौक है. पाकिस्तान मैं इंडिया आ चुका हूं तो मुझे पता है कि वहां पे कितना पाकिस्तानियों को रिस्पेक्ट दी जाती है जो लोकल्स होते हैं उनकी तरफ से. और बहुत सारे मेरे रिश्तेदार हैं या लोग हैं जो इंडिया से हमारे अच्छे वक्तों में पाकिस्तान आए तो उनको भी यहाँ पे उतनी इक्वल रिस्पेक्ट मिली. थैंक यू सो मच जय, थैंक यू. और अपना ख्याल रखिएगा, हम तो यही बोलेंगे कि जाइए इन्वेस्टिगेट कीजिए लेकिन बस खुद इन्वेस्टिगेशन के नज़र ना हो जाइएगा. कोशिश तो यही है. और बिल्कुल जाते जाते मैं बिल्कुल एक बात कहना चाहूँगा कि जैसा कि आपने कहा कि देखिए ज़िंदगी में भूत प्रेत का होना या ना होना, जिन का होना या ना होना, या जादू का होना या ना होना, ये तो अलग बात है. बट अगर आप कभी भी ऐसे सिचुएशन में पड़ें तो आप बस दोनों साइड देखने की कोशिश कीजिएगा, लॉजिक और मैजिक दोनों की, तब आप शायद एक बेहतर तरीके से ज़िंदगी को जज कर पाएंगे और ये हम सबके लिए बेहतर होगा. सो बस पे इतना ही कहना चाहूँगा एंड थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया मुझे, काफ़ी अच्छा लगा. ये पाकिस्तान में मेरा पहला इस तरीके का कोई भी इनिशिएटिव था, इंटरेक्शन था, तो जैसे ही आपने कहा मैंने बिल्कुल तुरंत हामी भर दी कि मैं बिल्कुल ये करने के लिए, और मुझे काफी खुशी हुई. तो शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू, दिल से शुक्रिया, थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज, बाय. ऑलराइट, ये हमारे सरहद पार गेस्ट थे जो कि इंडिया के लीडिंग पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हैं और इन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे जाके इन्वेस्टिगेशन की है, उन जगहों पे जो जहाँ पे अक्सर लोग कहते हैं कि नहीं जाना चाहिए इंसानों को या वहाँ पे जिन हैं भूत हैं इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं, और ये उधर जाते हैं और उधर अपना एक हाइपोथेसिस भी देते हैं जाके. खैर जनाब, रात के 1:30 बज चुके हैं और आई एम श्योर बहुत सारे लोग जो हैं वो ये शिकवा कर रहे होंगे, हमारा भाई आपने तो आज डराया ही नहीं हमें, हम तो डरने के लिए आए थे. तो चलें जनाब अपने नॉर्मल ट्रांसमिशन का आगाज करते हैं एंड वेलकम टू येट अनदर हॉरर स्ट्रीम. ऑलराइट, आप लोग जो है हमारे शो में शामिल हो सकते हैं और उसके दो तरीके हैं, हमेशा ऐसे बताता हूँ जैसे पहली दफ़ा बता रहा हूँ. सबसे पहले ये नीचे ईमेल एड्रेस चल रहा है official.minhajaliaskari@gmail.com, इस पे अपने साथ हुए वाकयात आप लोग हमसे शेयर कर सकते हैं और चंद ही मिनट के अंदर मैं आप लोगों के साथ, बल्कि चंद मिनट क्या, अभी ही मैं आप लोगों के साथ एक लिंक शेयर कर रहा हूँ, उस लिंक पे क्लिक करने के बाद आप लोग हमारी शो का भी हिस्सा बन सकते हैं अगर बनना चाहें. ये रहा,
ये लिंक मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। अब इस लिंक पे क्लिक करने के बाद आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं। जिन जिन लोगों ने अभी तक हमें सपोर्ट किया है उनका नाम शामिल करते हैं। राफिया खान, थैंक यू सो मच। अहमद, बहुत बहुत शुक्रिया। डबल ए, थैंक यू। एहतिशाम, क्या हालात हैं, थैंक यू। राफे शाह खान, थैंक यू राफे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जी, तो हमारे इस YouTube चैनल को और हमारे इस प्रोग्राम को अगर आप लोग सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसके दो तरीके हैं। हर चीज़ के हमने दो तरीके रखे हुए हैं, शो में शामिल होने के दो तरीके, सपोर्ट करने के दो तरीके। जो सपोर्ट करना चाहते हैं, और सपोर्ट का मतलब आप लोग समझ गए हैं, यही है सपोर्ट का मतलब, और कोई नहीं है। हमें आपके कंधे की ज़रूरत नहीं है, हमें आपके उस बैक पॉकेट में रखे हुए वॉलेट के अंदर जो दौलत आपने जमा की हुई है, एटीएम के अंदर बचा के रखी हुई है, उस पे हमारी कड़ी नजर है, यूं करके। तो अगर आप लोग करना चाहते हैं तो पाकिस्तान से बाहर जितने भी लोग हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं वो लोग हमें सुपर चैट और सुपर स्टिकर के जरिए अपनी सपोर्ट भेज सकते हैं, और जो लोग पाकिस्तान में हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, पाकिस्तानी बॉयज एंड गर्ल्स, अंकल्स एंड आंटीज, बच्चाज एंड बच्चीज, वो लोग भी हमें सपोर्ट कर सकते हैं। आपका दिल चाह रहा है ना, बड़ा बहुत दिल चाह रहा है, बिना भी हम सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। तो ये लीजिए वो नंबर जहां पे आप लोग अपनी सपोर्ट हमें भेज सकते हैं, 03111577846, वो नंबर है जहां पे आप लोग अपने जैस कैश और इजी पैसा के जरिए अपनी सपोर्ट भेज सकते हैं। अच्छा जी, थैंक यू चैट। चैट आपके लिए एक बात कहनी है। थैंक यू सो मच, आप सब इतनी देर तक रहे, आप लोगों ने तसल्ली से, बड़े इत्मीनान से, बड़े रिस्पेक्टफुली एक दूसरे के साथ बैठ के बात सुनी। आई एम श्योर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो होता है सबका, और उसको हर कोई रिस्पेक्ट करता है, लेकिन डिसरिस्पेक्टफुल नहीं हुए, सो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपने ऊपर ही चैट ओपी कर दीजिए, LNHS आर्मी ओपी कर दीजिए अपने ऊपर, खुद ही अपने टैप कर लें अपने आप को। नहीं, शो खत्म नहीं हुआ भाई, शो खत्म नहीं हुआ, शो कैसे खत्म होगा, शो खत्म थोड़ी करेंगे। हाँ, गेस्ट चले गए, उनको जाना था इसलिए चले गए। अच्छा जी, फर्स्ट ईमेल की तरफ बढ़ें या ईमेल से पहले चले हम अपने पहले कॉलर्स को शामिल कर लेते हैं, क्योंकि बहुत देर से लोग जो हैं वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं और शायद अब वो गन शन भी निकाल के बैठे हैं कि हमें तो कॉल पे लल्ले, अबे लल्ले। सही है, राकेश मोहन हमारे साथ मौजूद है। राकेश, अगर आपको आवाज़ आ रही है तो काइंडली अपना माइक एक दफ़ा ऑन ऑफ कीजिए ताकि हमें पता चल जाए कि आपको आवाज़ आ रही है। ओके, राकेश को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम राकेश, कैसे हैं आप? राकेश चले गए, राकेश आए, राकेश चले गए, ऐसा हुआ। राकेश का वाकया बड़ा खतरनाक था। अच्छा जी, ईमेल की तरफ बढ़ते हैं। ओहो, म्यूजिक भी तो हमें चेंज करना होगा ना, म्यूजिक हमें चेंज करना है, एक सेकेंड। ये सही है म्यूजिक, अस्सलाम वालेकुम मिनहाज भाई। यासिर यूनुस हैर, उम्मीद है आप ठीक होंगे। मैं अपने बाबा जान की स्टोरी आपसे शेयर करना चाहता हूँ, एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम राइटिंग एन ईमेल। काफ़ी स्टोरीज हैं मेरे पास, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुई आपको ईमेल करने की। खैर, कमिंग टू द स्टोरी, मेरे बाबा का सऊदी अरब में बिजनेस था गोल्फ कार्ट का, जो बैटरीज पे चलती हैं कार्ट्स। जापान की एक कंपनी के साथ मिलके वो काम करते थे। बाबा का बेसिकली काम ये था कि सऊदीया में डिफरेंट सिटीज़ से जो शेख जिन्हें गोल्फ कार्ट्स की ज़रूरत होती थी वो ऑर्डर करते थे, और फिर उनके ऑर्डर के मुताबिक वैसी गोल्फ कार्ट उन्हें प्रोवाइड की जाती थी, और जब डिलीवर करने होते थे तो वो कार्ट और जब डिलीवर करनी होती थी वो कार्ट तो बाबा साथ जाते थे उनके पैलेस या विलाज में डिलीवर करने। ऐसे ही एक बार उन्हें एक कार्ट ताइफ वैली साइड
पे ताइफ वाली साइट पे डिलीवर करनी थी और अर्जेंट बेसिस पे करनी थी, सो वो इशा के बाद ही निकल गए। रास्ते में एक इलाका आता है जिसे वादी तुवल कहा जाता है, माजरत कि अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ। वहाँ कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है और सिंगल रोड है आने जाने का, और दोनों अतराफ में जंगल टाइप बना हुआ है। बाबा ने हमें बताया कि जब वो जा रहे थे और उस रास्ते से गुजरे तो उन्होंने अपनी लेफ्ट साइड पे एक चीज़ देखी। चांद की रोशनी काफ़ी थी और कोई स्ट्रीट लाइट भी नहीं थी, तो वो चीज़ काफ़ी क्लियर नज़र आ रही थी। बाबा ने एक इंसान नुमा कोई मखलूक देखी जिसकी हाइट नॉर्मल इंसान से थोड़ी सी ज़्यादा थी, और वो एक कमरे जितना पत्थर दोनों हाथों में दाखिल के लिए जा रहा था, और वो मखलूक बगैर कपड़ों की थी। बाबा कहते हैं उसके जिस्म पे कोई भी कपड़ा नहीं था और वो बहुत आराम से उस पत्थर को धक्का दे जा रहा था। बाबा ने अपनी कार की स्पीड थोड़ी स्लो करके देखा तो काफी खौफनाक मंजर था वो। बाबा ने और जो बंदा बाबा के साथ था दोनों ने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दिया और वहां से जल्दी से निकल गए। जब मेरे वालिद ताइफ वाली साइड पे पहुंचे, वो गोल्फ कार डिलीवर की और वहां के एक मुकामी बंदे से ये मंजर बयान किया, तो उसने बताया कि यहाँ पे ऐसी एक्टिविटीज होती रहती हैं, आप बेहतर है कि रात का सफर अवॉइड करें। मेरे वालिद ने बस वापस घर आने की और तब हमें कुछ नहीं बताया। बाबा को कुछ दिन बुखार रहा लेकिन नॉर्मल बुखार था। जब बाबा ठीक हुए तो उन्होंने हमें ये वाकया सुनाया। ये वाकया 2008 का है। बाकी स्टोरीज मैं आपको इंशाल्लाह कॉल पर भी सुनाऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू यासिर। अच्छा जी, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ। मुराद मुनव्वर हमारे साथ मौजूद हैं। मुराद, अगर आपको आवाज़ आ रही तो काइंडली अपना माइक एक दफ़ा ऑन ऑफ कीजिए ताकि हमें पता चल जाए कि आप तक हमारी आवाज़ पहुंच रही है। ऑलराइट, चलें तला को शामिल करते हैं। तला, अस्सलाम वालेकुम तला, कैसे हैं आप? तला अपना माइक ऑन कर लीजिए प्लीज। ओके, चले जी, तला को हमारी आवाज ही नहीं जा रही शायद। साजिद हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम साजिद, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम इनार से, होपफुली आपको आवाज ठीक आ रही होगी मेरी। बेहतर आ रही है, बड़ी थोड़ी सी दबी भी आ रही है। हां प्रोबेबली अब ठीक हो जाएगा जी। किधर से कॉल कर रहे हैं? जी राजे, मैं जर्मनी से बात कर रहा हूँ। जर्मनी से जी, क्या वाक्य है जो आप शेयर करना चाहेंगे? ऐसा वाक्य नहीं है, बट आई हैव बीन फॉलोइंग योर शो सिंस क्वाइट अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, प्रोबेबली सिंस जब से पेंडेमिक स्टार्ट हुआ है। तो रियली लाइकिंग योर शो, और स्पेशली आज की स्ट्रीम जो है वो खासतौर पर काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, क्योंकि इसमें डिफरेंट परस्पेक्टिव जो हैं वो खुलकर सामने आए हैं। और काफ़ी टाइम से मैं कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा था आपके साथ। सो आई रिमेंबर यू वंस शेयर्ड योर इंसिडेंट्स रिलेटेड टू यूएसए, आपका विजिट था कुछ हिस्टोरिक गोस्ट टाउन के हवाले से, गोस्ट टाउन्स, और कुछ आपने ग्रेवयार्ड का भी जिक्र किया था। सो सिंस देन जो है वो मेरे माइंड में भी एक काइंड ऑफ हिस्टोरिक एक चीज थी जो कि मैं शेयर करना चाह रहा था। So basically the town I'm living in Germany, it's quite a small town aur kafi historic hai, aur it's kind of a village actually, aur history kafi iski deep hai, aur in fact it is like more than 1500 years old. So yahan par bhi ek graveyard hai jahan par as a volunteer main kafi der tak jo hai services deta raha hu apne town mein. तो यहाँ पर हमारे पास कुछ ऐसी ग्रेवयार्ड्स थी जो कि इनफैक्ट 800 BC
1680 तक जो है वो अभी तक एज इन मौजूद मौजूद है। है जी। वाओ वाओ तो काफी हिस्टोरिक एक्साइटिंग होती है इन चीजों की भी। और इनफैक्ट जिस घर में मैं रहता हूँ इट्स क्वाइट अ ओल्ड हाउस, 1768 का ये बिल्ड है और मैं अटक में रहता हूँ इस घर की, और इट्स ऑल वुडन। तो लाइक वो फीलिंग टू बी पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री इज ऑल्सो अ ग्रेट फीलिंग इंडीड। तो एक्चुअली इस तरह इनडायरेक्टली डायरेक्टली तो मेरा इन चीज़ों से कोई इस तरह का सामना नहीं हुआ, बट इवन इन माई टाउन जो लोग हैं यहाँ पे दे बिलीव कि उनको इस टाउन में भी रहते हुए दे फील द प्रेजेंस ऑफ द ओल्ड पीपल दे यूज्ड टू लिव, क्योंकि वॉर्स भी देखी हैं इन लोगों ने। इवन मेरे टाउन में एक टनल बिल्ड है जो कि एक्चुअली इसीलिए बनाई गई थी कि इन केस जब वॉर हुई थी टू सिक्योर द रेजिडेंस ऑफ द टाउन, तो उस टनल में जो है उनको फिर सिक्योर किया गया था। और वो आजकल एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है, पीपल कम है एंड विजिट दैट टनल एज वेल। सो एज सच कोई इंसिडेंस मेरे साथ पर्सनली नहीं हुआ हुआ। एंड वन मोर थिंग इन द एंड, आई बिलीव आपने शायद देखा ही होगा, देर इज अ शो ऑन यूट्यूब एज वेल, बस फीड अनसॉल्व। अगर आपने वो देखा हो तो उसमें पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस करते हैं वो, एंड इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग कि इन द एंड दे ऑलवेज कंक्लूड कि रादर उनको एक्चुअली में कोई फाइंडिंग मिली भी है या नहीं। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। और यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, एंड आई लिव अलोन इन जर्मनी एंड व्हेनेवर आई कुक आई ऑलवेज लिसन टू योर शो, सो इट्स अ गुड टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी एंड एज वेल और काफी इंफॉर्मेटिव है। सिंस आई एम लिसनिंग योर शो काफी चीजें सीखने को ही मिलती हैं, नॉट रिलेटेड टू हॉरर स्टोरीज बट और भी बहुत सारी चीजें, लाइक हाउ टू कम्युनिकेट विद पीपल, हाउ टू एक्चुअली एक सर्टेन सिचुएशन में आप जिस तरह से डील करते हैं लोगों को। सो या इट्स क्वाइट अ बिग लर्निंग फॉर मी एज वेल। थैंक यू सो मच साजिद, थैंक यू। और मैं हमेशा जो हमारे पाकिस्तानी यूथ बाहर होती है तो उसको मैं एक चीज बोलता हूँ कि आप जर्मनी में, इसका ये हरगिज मतलब नहीं कि आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, इसका ये मतलब है एग्जैक्टली कि आपके पास ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं ये नहीं कह रहा कि बस अब बस अपना हर वक्त ही अपना मुल्क 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 करते रहें, लेकिन अपने एक्शंस ऐसे रखें कि लोग पूछने पे मजबूर हो जाएं कि यार तुम किधर से हो ब्रो, तुम उर्दू में पूछें आपसे, जर्मन जर्मन उर्दू में पूछें, ब्रो तुम किधर से आए हो, यू आर सो गुड ब्रो। सही है, या दैट्स ट्रू। अपना थैंक ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो यू, मच, आप भी अल्लाह टेक हाफिज, केयर, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज। क्यों नहीं पूछ सकते भाई जर्मन उर्दू में, जब पाकिस्तानी पहुंच के वहां पे जर्मन सीख रहे होते हैं तो वो भी तो पूछ सकते हैं ना, हल्का ना लिया करें भाई, उर्दू बड़ी जबरदस्त जबान है यार। अच्छा जी, एक सेकेंड रुकिए। ये एक ईमेल है जिसको हम पढ़ना चाह रहे हैं, चलें जी बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ईमेल की तरफ। अस्सलाम वालेकुम मिनहाज, मेरा नाम दानिश है, मैं लांडी टाउन में एक कंपनी में एज अ डिस्पैच ऑफिसर जॉब करता हूँ। पहले मैंने एक वाकया शेयर किया था इस कंपनी का। एक्स वाई जी कंपनी बिल्कुल गैर आबाद इलाके में है और कंपनी के साथ ही एक बहुत बड़ा और पुराना कब्रिस्तान है। कंपनी और कब्रिस्तान के बीच से एक दीवार है, बस वो दीवार भी 6 फिट की होगी। मिनहाज वाकया कुछ यूं है कि एक न्यू हायरिंग हुई थी एक लड़की की, वो टीनेजर थे, डेटा एंट्री की जॉब के लिए आया था, लड़का आया था सॉरी। वो लड़का जब नया आया था तो हंसता मुस्कुराता रहता था, मगर जैसे जैसे दिन गुजरे तो वो खामोश तबीयत होता जा रहा था। फिर उसे कंपनी की पॉलिसीज के मुताबिक 1 वीक के बाद नाइट शिफ्ट में जाना था, मगर वो लड़का डर रहा था, पर उसे मजबूरन नाइट शिफ्ट करना पड़ गई।
एक दो दिन बाद वो मुझसे मिला तो उसने बताया कि सर, इस कंपनी में बहुत कुछ है जो मुझे अक्सर नज़र आता है। कभी कोई चीज़ मुझे गिरा देती है, या कभी चीज़ें खुद गिर जाती हैं, या फिर कभी ऐसा लगता है कि पीछे से कोई गुजरा है या किसी ने मेरा नाम पुकारा है। खैर, वो नया था, उसे कुछ दिनों में ये चीज़ें दिखने लग गईं। मैं उस कंपनी में बहुत पुराना हूँ तो मुझे ये सब पता था, क्योंकि मैंने ये चीज़ें महसूस भी की हैं और अपने सीनियर से भी सुनी थी। कुछ दिनों बाद वो लड़का कंपनी छोड़कर चला गया। एक हफ्ते बाद उस लड़के से मुलाकात हुई और मैंने उससे पूछा कि तुमने जॉब क्यों छोड़ दी, तो उसने फिर बताया, मैं एक बहुत लंबा चौड़ा इंसान देखा जिसकी गर्दन कब्रिस्तान की दीवार से ऊपर से निकली हुई थी, तकरीबन 7-8 फिट तक सिर्फ उसकी बहुत लंबी गर्दन थी और ऊपर नॉर्मल फेस था, बालों से भरा हुआ। मिनाज, उस जगह पे बल्ब्स ख़राब हो जाते हैं, बस एक लाइट है जो कब्रिस्तान की तरफ है, बस वहाँ के मालिकान को भी सब पता है और उस जगह के बारे में, बस ज़रूरत के वक्त जाने की इजाज़त है, ना वहाँ कैमरा लगाने की इजाज़त है और ना ही गैर ज़रूरी जाने की इजाज़त है। ऑलराइट, कब्रिस्तान की दीवार के उस पार उन्होंने एक शख्स को देखा और वो कह रहे हैं कि उसकी गर्दन नजर आ रही थी। चले, हो सकता है ऐसा हुआ। खैर जनाब, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ। एंड अब्दुल्ला सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल्ला, अगर आपको आवाज आ रही तो काइंडली अपना माइक ऑन कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम मिनाज भाई, आवाज़ आ रही है मेरी? जी परफेक्ट आ रही है। किधर से कॉल कर रहे हैं आप? जी मैं इंडिया से कॉल कर रहा हूँ। अच्छा, इंडिया के कौन से शहर से? ये बॉम्बे के पास एक सिटी है पुणे, अगर आपने सुना होगा तो। जी जी बिल्कुल सुना है। क्या वाक्य है? अभी आज आपके ही मुल्क के गेस्ट आए हुए थे हमारे पास। जी जी जी, मैं वही सुन रहा था, जय अलानी जो आए थे, काफ़ी इंटरेस्टिंग था। मैं नॉर्मली आपको, मैं पहले डॉक्टर सोलंकी से स्टार्ट किया था सुनना, फिर एक दिन आपका और उनका मैंने कोलैब देखा, तो फिर आपका भी मैं फॉलो करने लग गया, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा आपका कंटेंट होता है, एंड आई होप यू गो फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ। तो गेटिंग टू द पॉइंट मिनाज भाई, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अच्छा। जो मैंने प्रॉपरली मतलब देखा है, आई मीन कई लोग फील करते हैं कि पोजेस हो गए या कुछ हो गया, बट मैंने ये आँखों से देखा है। तो इट्स ऑल सो राइट, करेंटली आई एम 41 एंड दिस गोज बैक टू से 90s, लेट 90s की बात है ये। आई मस्ट बी इन फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग और 12th स्टैंडर्ड में था मैं। तो एक वीकेंड था जब हमारे सब रिश्तेदार, पप्पू वगैरह, हम लोग सब बाहर गए थे खाना खाने, जैसे ऐसी होटलिंग करने के लिए। तो मेरे कजन्स, दो कजन्स और मैं, हम लोग घर वापस पहले आ गए, मतलब वो लोग थोड़ा सा लेट आ रहे थे पीछे, हम लोग पहले ही घर आ गए। तो अराउंड 10 o'clock की बात है ये, ज़्यादा भी लेट नहीं हुआ था रात को। तो जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि हमारा घर का सेटिंग कैसा है, दैट्स इम्पोर्टेंट। हमारा जो घर है वो इंडिपेंडेंट बंगलो टाइप है, नीचे किराएदार एंड फर्स्ट फ्लोर पर हम रहते हैं, और उसके साइड में मेरी पप्पू का घर था जो सेम स्ट्रक्चर था, एंड हम लोग का सेपरेटेड है बाय अ बाउंड्री वॉल। तो मैं अपनी बाउंड्री में खड़ा था जहाँ पे आई कैन सी मेरी पप्पू का घर, एंड मेरे दो कजन्स थे जो मेरा घर देख सकते थे, उस तरफ थे वो लोग। तो हम लोग बात कर रहे थे एंड मैंने एक एंटिटी देखी क्लियरली, वो पप्पू के मेन गेट से लेके उनके जो ऊपर वो फ्लोर पे रहती है वो गेट पे अंदर घुसी और इतनी ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया कि मेरे कज़न्स पीछे पलट के देखे और मैंने भी देखा। तो वो एंटिटी जो थी थोड़ा सा, मतलब मैं बोल सकता हूँ, आप कह लीजिए कि 5 seconds की स्पीड में हार्डली मेन गेट से लेके जो ऊपर का गेट है जहाँ से मेरी पप्पू का ऊपर जहाँ जाते हैं फर्स्ट फ्लोर पे, वहाँ से ट्रैवल करके और दरवाजे को ज़ोर से खोल के बंद किया। तो वो एंटिटी का थोड़ा सा लॉन्ग फेस था, एलोंगेटेड था फेस, और जो बाल थे घुंघराले टाइप के थे थोड़े से,
और बहुत 5 सेकेंड्स की स्पीड में। तो अब मैं देख के थोड़ा सा, क्योंकि मैंने क्लियरली देखा था वो चीज़, तो मैं थोड़ा डर गया। बट मैंने सोचा कि मैं कुछ बोलता नहीं हूँ, बिकॉज ये लोग बिलीव करें ना करें, आई मीन मेरा क्या कुछ इल्यूजन ना हो करके। तो उतने में मेरा एक जो कज़न खड़ा था, वो इस तरीके से खड़ा था कि उसकी साइड दोनों तरफ थी, मतलब वो मेरी फूफू का भी देख सकता था घर और हमारा भी देख सकता था। तो एक यू कैन से कि 2-3 मिनट का साइलेंस था, और एक कज़न ने तो देखा ही नहीं था, वो प्रॉपरली मेरी तरफ देख रहा था। तो उस कज़न ने बोला मेरे कि तूने कुछ देखा क्या अभी जाते हुए? तो मैंने बोला यार हाँ मैंने देखा, अभी यहाँ से एक एंटिटी इस टाइप की दिखी। तो बोला मैंने भी देखा। तो तब जाके कन्फर्म हुआ कि हाँ मेरा कोई इल्यूजन नहीं था भाई, इसने भी देखा है। तो मतलब मैं पागल वागल नहीं हूँ जो मुझे यू नो ऐसे कुछ हो रही है, हिप्नोटिक वो जो बोलते हैं ना, इल्यूजन्स हो रही है। तो फिर जो कज़न ने नहीं देखा था वो बोला तुम लोग झूठ बोल रहे हो, डरा रहे हो मेरे को। तो फिर मैंने बोला भाई तूने ही तो देखा, इतनी ज़ोर से गेट बंद हुआ है और इसने भी देखा और मैंने भी देखा और सेम डिस्क्रिप्शन हम दोनों दे रहे हैं, तो दोनों और तेरे सामने हमारी कोई प्लानिंग भी नहीं हुई है, जो कभी कभी डराने के लिए करते हैं ना लोग, तो कुछ तो बात होगी। तो फिर हमने क्या किया कि चलो ठीक है ऊपर जाके देखते हैं कि क्या है और क्या नहीं है। फिर ऊपर जाके हम लोग डरते डरते गए आयतुल कुर्सी पढ़ते हुए, बट कुछ दिखा नहीं वहाँ पे। तो ये मुझे वो, हालांकि बहुत ओल्ड किस्सा है, बट मुझे क्लियरली याद है कि मैंने बहुत क्लियरली वो एंटिटी देखी थी, एंड टू यू नो सपोर्टेड मेरे कज़न ने भी देखी थी। तो ये मैंने सोचा एक बार शेयर करता हूँ आपसे। चलें, थैंक यू अब्दुल्ला, थैंक यू सो मच। थैंक यू मिनाज भाई, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। चले जनाब, नेक्स्ट कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। मानी हमारे साथ मौजूद हैं, और मानी जो हैं वो वही हरकत कर रहे हैं जो हम यहाँ बैठ के कर रहे हैं। मानी कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप मिनाज भाई? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। किधर से आप ज्वाइन कर रहे हैं, और जो आप कर रहे थे वो करें? हेलो, मैं कह रहा हूँ वालेकुम सलाम, किधर से आपने ज्वाइन किया हमें? वैसे ही लगा लें, हाँ ज्यादा बेहतर है। अब आ रही आवाज? हाँ अब आ रही आवाज। बेसिकली मेरा ये ब्लूटूथ कनेक्टेड था तो इसलिए। खैर मैं वैसे पहली बात तो ये कि मैंने आपका शो कभी भी लाइव नहीं देखा, एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं कभी भी किसी कहीं भी लाइव नहीं गया, तो आई वाज नॉट एक्सपेक्टेड के यार इस तरह का कुछ होता होगा। डोंट माइंड कि यार पता नहीं, शायद किसी के अपने मतलब बंदे होते होंगे, यू ना बीइंग अ कराची वाला, मतलब थोड़ी नेगेटिव थॉट। सारे बंदे कहां से लाऊंगा मैं? नहीं मतलब आई हैव नो आइडिया अबाउट इट ना, आई नो समवन जो आपकी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, मैं नाम नहीं लूंगा, बट मुझे ये नहीं पता था। अच्छा ये जो मैंने लिया था, जो आप बात कर रहे थे, ये मैंने आपको देख के लिया है। व्हेन आई वाज इन दुबई तो मुझे किसी ने गिफ्ट किया था, वो मैंने किसी को दे दिया था, क्योंकि पाकिस्तान लेके आते हुए मुझे डर लग रहा था कि यार ये सिक्योरिटी में यू नो फंस ना जाऊं, क्योंकि बैन वैन था उस टाइम पे। ये मैंने कुछ दिनों पहले ही लिया है। मानी आपने एक ऐसी बात कर दी कि लोग जो है ना वो मेरे पे नहीं लगाएंगे, वो कहेंगे फॉलो करने के लिए, आपको फॉलो करने के लिए नहीं लिया, मैं अपनी ही हैबिट छुड़वाने के लिए यू नो किसी और सेंस में मैंने लिया था। खैर मेरी स्टोरी जो मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, पता नहीं किस तरीके से मैंने, जैसे आपकी वीडियोस देखी हैं, जो लोग जिस तरीके से ईमेल भेजते हैं या अपनी कहानी सुनाते हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई किताब पढ़ रहा हूँ। तो मेरी इतनी अच्छी उर्दू तो नहीं है कि मैं वैसे बयान कर सकूं। आप कंफर्टेबल होके बताइए। ओके, कुछ बड़ी नहीं है। सन 2000 में, अभी तो मैं खैर कहीं और रह रहा हूँ, मेरे फादर ने एक अपार्टमेंट लिया फेडरल बी एरिया में, आयशा मंजिल में। अभी भी वो अपार्टमेंट वही है और वो हमारा ही है, वो किसी को रेंट आउट किया। तो वो अपार्टमेंट लिया और उस घर में काम करवाया, हम वहाँ मूव इन हुए। जब मूव इन हो रहे थे तो वो ग्राउंड फ्लोर पे अपार्टमेंट है मेन आयशा मंजिल में, सोसाइटी का नाम नहीं बताऊंगा, मैं फर्नीचर मार्केट जो है आयशा मंजिल की, वो वही वही सोसाइटी है। अब वो 2-3 है उनमें से एक है, ठीक है। तो वहां पे जब हम मूव इन कर रहे थे तो हमारे ग्राउंड फ्लोर पे अपार्टमेंट के सामने ही एक दरख्त था, पुराना था, तो उसमें चमगादड़े वगैरह वो सब थी। तो अबू ने कहा कि इसे कटवा देती, क्योंकि वो घर के एंट्रेंस के सामने ही थी, तो वो कटवा दिया। हम लोग मूव इन हो गए। तो उसके बाद जो है छोटी छोटी चीजें होती रही, चीजें मिसप्लेस हो जाना या कुछ ये हो जाना। तो फिर अब्बू तो मेरे चले गए, क्योंकि माय फादर लिव्स इन यूएस, ही वेंट टू यूएस इन 80s,
तो वो आके जरा फंस गए थे, देन ही वेंट बैक. तो मैं, मेरी मदर रह रहे थे, अच्छा मेरी सिस्टर भी यूएस चली गई थी, तो इट वॉज जस्ट मी एंड माई मॉम. तो फिर ऐसे हुआ कि कुछ कुछ ऐसा लगता था है, अच्छा अब ये भी लगता था कि दिमाग का कोई फतूर है. एक दफा ये हुआ, मैं दोस्तों के साथ बाहर गया हुआ था, अम्मी घर पे थी, लाइट चली गई हमारे कराची में, तो खैर अभी बेहतर है बट पहले तो दौर में बहुत लाइट जाती थी. तो अम्मी बैठी थी और उन्होंने घर का गेट खोला और वो गेट पे ही बैठ गई, जो मार्बल का वो जो स्लैब बना हुआ था वो उधर बैठ गई, और कोई छोटा सा बच्चा वहां से गुजरा. तो जो अंधेरा था तो अम्मी ने बच्चे को आवाज लगाई, उसने आके अम्मी को इतनी जोर का थप्पड़ मारा, मेरी अम्मी की हालत खराब हो गई और वो बच्चा फिर गायब हो गया. अब अम्मा ने घर आए बताया तो मैंने बोला खैर शायद अम्मी ने कुछ ओवर थिंक कर लिया होगा या ऐसा कुछ होगा. उसके बाद चीजें मिसप्लेस होना, फिर मुझे एक दफा रात को 3 बजे अपने घर के एक मिरर में कुछ बैक साइड पे कोई चेहरा नजर आया, और ये सारी चीजें होती रही. मैं बड़ा इन चीजों पे, मतलब मैं मानता था बट मुझे सेम टाइम ये लगता था कि नहीं यार इट माइट बी कि ना मेरी ये सोच है, ऐसा शायद ना हो, मैं ऐसा ओवर थिंक कर रहा हूँ. खैर ये सब चलता चलाता रहा. फिर 2015 में मेरी मदर यूएसए चली गई, मेरे डैड और सिस्टर तो ऑलरेडी यूएस में थे, मेरी मॉम 2015 में चली गई. उसके बाद हाँ मैं अब भी अकेला. तो इन 2016 आई ऑल्सो वेंट टू दुबई, मैं तकरीबन 4.5 साल वहां था. तो मैं वहां चला गया. अच्छा फिर मैं करता था कि साल में एक आध चक्कर लगा लेता था. अच्छा मुझे इतना, जैसे लोगों को बड़ा होता है ना, जैसे लोग अब्रॉड रहते हैं यू नो दुबई या कहीं भी यूरोप में, तो उन्हें बड़ा होता है ना घर जाता है बंदा साल में एक बार. अच्छा मुझे ये चीज नहीं होती थी क्योंकि मेरा कोई था ही नहीं पाकिस्तान में. तो मैं आता जाता रहता था. उसमें एक दफा ये हुआ, अच्छा मुझे अक्सर ये फील होता था जब मैं सोता था, जब मेरी आदत है मैं रात में सो नहीं पाता. इवन जब मैं दुबई में था और मैं मॉर्निंग जॉब करता था, तो उधर भी रात को 3-4 बजे तक जागता था, फिर भी 3-4 घंटे में सुबह उठ के 7-8 बजे निकलता है. तो मैं जब देर से सोने की आ रही थी, मुझे लगता था किसी ने टांग खींची. अब ये भी लगता था कि मेरे दिमाग का फुतूर हो गया, शायद किसी ने टांग खींची या मैं ऐसा ओवर थिंक कर रहा हूँ. एक दफा जब मैं पाकिस्तान आया हुआ था, इट वॉज इन 2017 आई बिलीव, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है बट दिसंबर का ही महीना होगा. तो मैं आधी नींद में था आधा जाग रहा था, किसी ने मेरी टांग खींची, तब मैं कंप्लीटली सोया नहीं था और मैं अपने पलंग से 2 फीट बाहर आ गया. अब फिर मैं सुबह 10 बजे तक फिर नहीं सोया. खैर लॉन्ग इन शॉर्ट के फिर मैं वापस दुबई गया, और वहां जो मेरे बॉस थे उनके एक दोस्त आते थे, एक ओमानी शख्स था, अरबी था, उसे इंग्लिश आती थी और अरबी आती थी. तो मैंने उससे उसको सब बताया, तो उसने कहा कि अच्छा, क्योंकि वो ये सब चीजें करता था, वो यू नो वो सब जानता वहां था, तो उसने बोला मैं ठीक है कल बताऊंगा. नेक्स्ट डे वो शख्स आया, मैंने उससे पूछा कि अच्छा भाई आपने मालूम किया मेरा ये मसला असली है या क्या है. तो उसने मुझे बताया कि मेरे घर के सामने, अच्छा मैंने उसे कोई इन्फो नहीं दी थी, सिर्फ इतना बोला था मेरे साथ ऐसे ऐसा हादसा हुआ है. अगले दिन उस शख्स ने आके, उसका नाम सऊद था, मैं उसका ओरिजिनल नाम बता रहा हूँ, सऊद ओमानी, उसका मैंने मोबाइल में भी कई नंबर सेव है. उसने मुझे आके बताया तुम्हारे अपार्टमेंट के सामने एक दरख्त था जो तुमने कटवा दिया था. तो मैं शॉक था, मैंने बोला हाँ कटवा दिया था. उसने बोला उसमें एक जिन की फैमिली रहती थी और जब आपने वो कटवाया तो वो आपके घर में आ गए. तो वो ही थे, टांग खींचना, चीजें मिसप्लेस हो जाना. मेरे फादर जब यूएस से आते थे तो अपनी चीजें हमें टच नहीं करने देते, मतलब नहीं तुम्हें दी तो पता नहीं फिर कहाँ हो जाएगी. अक्सर ये होता था मेरी बाइक की चाबी खो जाए, मतलब जब मुझे बाहर निकलना है, I have to go somewhere and then I'm looking for my key and my key is gone. तो फिर जब उस शख्स ने बताया कि ऐसा ऐसा है तुम्हारे घर में, तो मैंने कहा उससे कोई खतरा है? तो कह रहे कब से रह रहे हो? मैंने बोला भाई 15-17 साल हो गए इस फ्लैट में रहते हुए. बोले कभी कोई जानी नुकसान हुआ? होगा नहीं हुआ. तो बोले अभी भी क्यों होगा? बोलते वो जब उनके बच्चे हैं, जो जिनकी फैमिली है, जो उस शख्स ने मुझे बताया था उनके बच्चे हैं, वो ऐसा तंग वंग करते हैं, तुम जाओ तो जरा उनसे माजरत कर लेना. फिर मैं कराची आया, फिर मैं वहां किसी और से मिला, एक और हजरत थे उनसे मिला, तो उन्होंने भी तस्दीक की ऐसा है घर में. मैं गया, जब उसके बाद जब मैं पाकिस्तान दोबारा आया तो मैंने जाके उस रूम में माजरत की, जैसे भी मैंने की, अभी तो मुझे याद भी नहीं मैंने एग्जैक्ट क्या वर्ड्स कहे थे. और उसके बाद से टांग खींचना या कुछ नजर आना या लगना कि कुछ गुजर गया, ये सारे वहम खत्म हो गए. फिर 2019 में मैं आखिरी बार जब पाकिस्तान आया था, आई हैड नो प्लान्स टू कम बैक टू पाकिस्तान. मैं जब आया था तो मैंने बोला अब ये फ्लैट पड़ा पड़ा है, मैं साल में एक आध बार आता हूँ नहीं आता हूँ, अपार्टमेंट रेंट आउट करूँ. तो मैंने जो है वो अपार्टमेंट रेंट आउट कर दिया और मैं दुबई आ गया. फिर कोरोना आया एंड एवरीथिंग वेंट रॉन्ग. तो अब मैं, मुझे 6 महीने हो गए वापस पाकिस्तान आए हुए, तो अब मैं वहां नहीं रह रहा क्योंकि जिनको मैंने अपार्टमेंट दिया था उनसे मैंने एग्रीमेंट किया था, 2 साल का ऑफिशियल एग्रीमेंट था, तो मैं उनसे घर नहीं ले सकता था. तो अब मैं कहीं और रह रहा हूँ.
तो ये छोटी सी स्टोरी थी मेरी जो ये जिन्नात से रिलेटेड थी, जो मेरे घर में अभी भी हैं, दे आर स्टिल देयर बट दे डोंट नो हाउ मेनी मोर। तो जो अभी जो लोग रह रहे हैं क्या उनकी कभी कोई ऐसी शिकायत आई कि भाई? मैंने ये चीज भी पूछी थी जो यहाँ पर कराची में जो एक हजरत है, मैंने उनसे पूछा था तो उन्होंने मुझे बताया था कि उनकी नाराजगी तुम लोगों से थी क्योंकि आप लोगों ने उनको मतलब मेरे वालिद ने दरख कटवाया था तो डेफिनेटली वो जो, जो 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 भी था वो हमसे रिलेटेड था। मेरे किराएदार रह रहे तो मैं तो उनसे मिल अच्छे लोग हैं, मिलता भी हूँ, तो कभी उन्होंने नहीं कहा कि नहीं हमें कुछ फील हुआ। मेरा एक दोस्त था, मेरी कहानी के अंदर मेरे दोस्त हंसते थे इस बात पे, तो मेरा एक दोस्त था वो एक दिन मेरे घर आया हुआ था मेरी वालदा के यूएस जाने के बाद, तो मेरे घर आया हुआ था तो वो बैठा हुआ मेरे कंप्यूटर पे कोई गेम खेल रहा था और मेरे कंप्यूटर के बैक साइड पे मेरा बेड था तो मैं बेड पे बैठा हुआ था, रात के 9 बज रहे थे, कोई लेट नाइट नहीं हो रहा था, वो गेम खेल रहा था और सडनली जहाँ पे पूरा लकड़ी का पूरा सेटअप हुआ हुआ था हमारे अपार्टमेंट में, कंप्यूटर सब अंदर फिट हो जाते, कीबोर्ड का पूरा सब कुछ ऑलरेडी फिक्स था, वहां पर किसी ने जोर का पंच मारा हो ना लकड़ी पे, इतना ही जोर की आवाज आई, मगर बंदा बहादुर था, वो डरा नहीं, उसने सिर्फ मुड़ के मुझे देखा, वो थोड़ी देर बैठा रहा, फिर उसने कहा चल यार मैं जा रहा हूँ, तो वो चला गया। तो इस तरह के कुछ किस्से हैं जो मेरे एक दो दोस्तों ने फील किए हैं। चलें, थैंक यू सो मच मानी, थैंक यू सो मच आपका, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। ऑलराइट, अभी तो 1.5-2 घंटे की स्ट्रीम हुई है, अभी तो टाइम बाकी है। चलें जनाब, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ईमेल की तरफ, और ये ईमेल तो शायद इतनी लंबी नहीं है जितनी लग रही थी। सही है। अस्सलाम वालेकुम मिनहाज, आज मैं आपको अपनी खाला के एसटी होने वाला वाकया के बारे में बताऊंगी, अच्छा साथ होने वाले वाकये के बारे में बताऊंगी। मेरी मामा को मिलाकर टोटल 10 बहन भाई हैं और मेरी मामा दूसरे नंबर की हैं। जब मेरी मामा की शादी नहीं हुई थी तो मेरी सबसे छोटी खाला तकरीबन 6 या 7 साल की थी और खेल कूद की शौकीन थी। मामा बताती हैं कि खाला को अकेले रूम में खेलना पसंद था और वो रूम भी लॉक करके खेलती थी। उन्हीं खाला पर शक जब हुआ जब वो एक दफ़ा किसी काम से उनके प्ले रूम में गईं तो खाला किसी से बात कर रही थी। मामा ने नोट किया कि वो बहुत से बच्चों की के साथ खेल रही हैं। मामा ने दरवाज़ा नॉक किया तो आवाज़ आना बंद हो गई और खाला गुस्सा करने लगी। मैं बताती चलूं कि नानी के घर में बहुत पहले एक बुज़ुर्ग रहा करते थे और बहुत अच्छे थे, उनकी कब्र भी उसी घर में है। जब मेरी मामा ने नाना को ये बात बताई तो सबसे पहला शक उन्हें उन्हीं बुज़ुर्ग पे गया, तो नाना ने एक बाबा को बुलाया। उन्होंने कहा कि इस घर में कुछ बच्चे रहते हैं और खाला की इनसे दोस्ती भी हो गई है। सब बहुत परेशान हुए और उनका उतारा भी किया गया, तो वो बच्चे उस वक्त चले गए, पर वो बच्चे नानी की छत पर रहते हैं और कभी कभार दिखते भी हैं। फिर बाद में सब ठीक हो गया और फिर बाद में जब सब बहन भाइयों की शादियां हो गईं तो घर बिल्कुल सुनसान हो गया, पर छोटी खाला की उम्र निकले जा रही थी और उनके रिश्ते आते और ख़त्म हो जाते। खाला अपने आप को बुरा समझने लगी और दिमागी तौर पर बीमार रहने लगी। वो बैठे बैठे अपने बाल नोचती रहती जिसकी वजह से उनकी गंज भी हो गई। सब समझते थे कि शादी की वजह से ये हालात हो गए, पर बात कुछ और थी। एक दफ़ा हमारी फैमिली और खाला की फैमिली नानी के घर रहने आई हुई थी। जब सोने लेटे तो एकदम से मेरी आपी के एक स्मेल से आंख खुली। उन्होंने देखा कि मेरी छोटी खाला के बेड के करीब एक शेडो टाइप चीज़ खड़ी है जिसकी आंखें बॉल की तरह आंखों की आई बॉल्स की जगह खाली है और उसमें से कीड़े निकल रहे हैं और वो पूरा एक स्केलेटन है। आपी ने चीखने की कोशिश की तो आपी की आवाज़ बंद हो गई और वो चीज़ आपी को घूर के देखने लगी। आपी ने बहुत मुश्किल से कमर खाला को हाथ मारा जिससे वो उठ गई और वो चीज़ गायब हो गई। आपी ने ज़ोर से चीख मारी जिससे सब लोग उठ गए। आपी से पूछा
आप ही से कुछ कहा नहीं जा रहा था और वो बहुत डरी हुई थी। मामा ने उन पर फिर पढ़ के फूका और अपने पास सुला लिया। सुबह आप ही ने सबको ये बताया तो खाला ने कहा कि उन्हें भी महसूस होता है कि उनके साथ कोई है, पर उन्होंने किसी से ये बात कभी शेयर नहीं की थी। नानी का बहुत पहले ही इंतकाल हो चुका था, जिसकी वजह से खाला को खाला को बड़ी खाला अपने साथ मज़ारों और बाबाओं के पास लेके गईं। एक बाबा को घर पर भी बुलाया तो उन्होंने कहा कि इसके साथ एक गैर मुस्लिम मर्द है जो इस पे आशिक है, जिसकी वजह से इसकी ना शादी होती है। खाला बहुत डरने लगी थी और नानी के घर में सबने डर के मारे आना ही छोड़ दिया था। वो कोई रुकता भी नहीं था, दिन में भी उस घर में खौफ सा महसूस होता था। खाला का उतरा करवाया गया, जिसकी जिम्मेदारी मेरे सबसे छोटे मामू और मेरी खाला ने ली। खाला को अजीब अजीब शक्लों के लोग दिखते थे। खाला का उतरा एक बंद कमरे में होता था, जिसमें अंधेरा होता था और सिर्फ एक मोमबत्ती जल रही होती थी। खाला को उसके सामने बिठा दिया जाता था और कमरे में कोई नहीं होता था। बाबा बाहर बैठे पढ़ाई करते थे और मामू और खाला साथ बैठे होते थे बाबा के साथ। अंदर खाला को कैंडल में अजीब अजीब शक्लें दिखती थीं। ये मामला कम से कम एक साल चला और मेरी खाला ठीक होने लगी और आहिस्ता आहिस्ता पूरी ठीक हो गई। फिर बड़ी खाला को उन्हीं दिनों डेंगू हुआ, जिससे वो रातों रात हॉस्पिटल पहुंच गई। खाला सबको भूल गई थीं, बस मेरी छोटी खाला को पहचान रही थीं और दीवारों की तरफ देख के गालियां दे रही थीं, जैसे कोई सुन रहा हो। कहती कि मेरी बहन के करीब नहीं आना, जो करना मेरे साथ करो। खाला को दूर नहीं जाने देती थी और दीवारों और इधर उधर देख के थूकती थी। उनके मरने से एक घंटे पहले उन्होंने ज़ोर ज़ोर से दुरूद का विर्द करना शुरू कर दिया और कहने लगी कि वो मेरी कब्र खोद रहा है, बस तैयार होने वाली है। ये बात वो बार बार कहती और ठीक एक घंटे बाद उनका इंतकाल हो गया। उनके इंतकाल के बाद मेरी खाला का इतना अच्छा रिश्ता आया और उनकी शादी हो गई। पर उनकी शादी के कुछ अरसे पहले एक कॉल आई थी। मिन्हाज बताती चलूं कि मेरी बड़ी खाला के फ्लैट में एक खातून रहती हैं जिन पे हाजिरी होती है। ये कॉल उनके शौहर की थी, जिसमें वो कह रहे थे कि उनकी वाइफ पर खाला की हाजिरी हुई है। उनके बच्चों से उनकी बात कराई गई तो खाला की वॉइस ऐसी थी जैसी थी वो बहुत बीमार होकर कॉल पर सिर्फ अपने बच्चों को कॉल कर रही थी। अपनी खाला के बाद आगे की ईमेल मुझे समझ नहीं आ रही। बड़ा ट्विस्टेड ये वाकया था। जो मैंने समझा है अभी तक, वो मैं अगर आप लोगों को समझ नहीं आया तो मैं रिपीट कर दूं। मैं ईमेल भेजने वाली हैं, उन्होंने जो बताया वाकया वो ये बताया कि उनकी जो सबसे छोटी खाला थी, जिस ज़माने में उनकी वालदा जो कि सेकंड नंबर पे थी अपनी 10 बहन भाइयों में, छोटी खाला को जो है वो खेलने कूदने का बड़ा शौक था और उनको अजीब बात ये थी कि अकेले खेलने का शौक था। तो एक दोपहर जब इनकी वालदा उन खाला के उस प्लेइंग एरिया की तरफ गई तो उन्होंने कमरे के बाहर खड़े होकर कई सारे बच्चों की आवाज़ सुनी, जो कि कमरे के अंदर से जिस जगह उनकी छोटी खाला थी वहाँ से आ रही थी। हैरान हुई कि ये कौन से बच्चे आ गए। जब नॉक किया, दरवाज़ा खोला तो वहाँ कोई नहीं सिवाय खाला के। अब खाला जो है वो बड़ी गुस्से में आ गई कि आपकी वजह से मेरा खेल डिस्टर्ब हो गया और ये हो गया। जब पता करवाया तो पता चला कि उनकी नानी की छत पे जिन्नात के बच्चे रहते हैं, जिनकी इनकी छोटी खाला से दोस्ती हो गई। अब ये बात जो है फैमिली के लिए बड़ी प्रॉब्लमेटिक थी। इससे पहले भी नाना के घर में
एक बुजुर्ग रहा करते थे और वो बड़े काफी नेक थे, और यहाँ तक कि उनकी कब्र जो है वो उसी घर के अहाते में है। अब वो बताती हैं कि वक्त के साथ साथ एक भाई, दो भाई, बहन, सबकी शादी होती गई सिवाय उस छोटी खाला के। एक टाइम ऐसा आ गया कि उनको ये लगने लगा कि शायद वो दिखने में अच्छी नहीं, जो हमारे यहाँ अक्सर ऐसा होता है, और उनको ये लगने लगा कि उनके ना दिखने अच्छे दिखने की वजह से उनके रिश्ते नहीं आते। फिर ये बात और बढ़ना शुरू हो गई कि बैठे बैठे वो अपने बाल काट लेती, अजीब व गरीब हरकत करने लगती। जब बुज़ुर्ग को दिखाया गया तो पता चला कि उन पे कोई एक गैर इस्लामी जिन आशिक हो गया है जो इनको अपने कब्जे में लेना चाह रहे हैं। वही किया जो हर फैमिली करती है, फौरन अमल का सीन ऑन हो गया। एक बाबा आया करते थे उनके घर में, जो इनकी खाला के ऊपर जो भी मसले मसाइल थे उसका वो काट ढूंढ रहे थे। तो तरीक़ेकार ये था कि खाला, वो छोटी खाला जो पजेस थी, वो एक कमरे में उनको बंद किया जाता था अकेले, अंधेरे में सिर्फ एक मोमबत्ती जल रही होती थी, और वो बुज़ुर्ग जो हैं वो कमरे के बाहर बाकी सारे बहन भाइयों के साथ बैठ के कुछ पढ़ते थे। उस पढ़ाई की वजह से जो अंदर मौजूद खाला थी उनको कुछ अजीब व गरीब चीज़ें उस मोमबत्ती की रोशनी में नज़र आती थी। ये तकरीबन एक सवा साल तक चलता रहा और खाला जो हैं वो ठीक होती गईं, और एक पॉइंट ऐसा आया कि छोटी खाला बिल्कुल ठीक हो गई। लेकिन उसी दौरान जो बड़ी खाला थी जिन्होंने जिम्मेदारी ली थी, उनकी तबीयत अचानक ख़राब हो गई, उनको डेंगू हो गया और डेंगू की वजह से वो हॉस्पिटल चली गई। अजीब बात ये थी कि वो बड़ी खाला की याददाश्त बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, वो किसी को नहीं पहचानती थी सिवाय उस छोटी खाला को, अपनी छोटी बहन को। और अक्सर कमरे में, उस वार्ड में जब वो थी, वो एक मखसूस जगह को देखती रहती और उस जगह पे देख के गालियां देती कि मेरी इस छोटी बहन को मत तंग करो, जो करना है मेरे साथ करो। यहाँ तक कि वो किसी गैर मखलूक चीज़ के ऊपर थूकती भी थी। इंटरेस्टिंग पार्ट ये आया कि जब मेरी खाला का इंतकाल हुआ, इनकी खाला का इंतकाल हुआ, तो उससे एक घंटे पहले उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि वो मेरी कब्र खोद रहा है, वो मेरी कब्र खोद रहा है। रिपीट करती गई और फिर एक पॉइंट पे कहने लगी कि मेरी कब्र खुद चुकी है, और ये कहते कहते उनका इंतकाल हो गया। अब वो कहती हैं कि उनके इंतकाल के फौरन बाद मेरी खाला का, जो छोटी खाला थी जिनके मसले मसाइल, असल में मसले उनके साथ थे, उनका एक बहुत अच्छा रिश्ता हो गया, शादी हो गई और वो अपने घर चली गई। लेकिन बाकी जो बहन भाई थे, अब वो बीमार पड़ने लगे। वो घर जो है जिसमें वो खाला रहती थी, यानी कि नाना नानी का घर, वो बिक चुका है, और उसके बिकते ही सारे मामलात सही होना शुरू हो गए। मामूओं की तबीयत बेहतर हो गई, वो खाला अपने घर चली गई। लेकिन इस सारे सिलसिले में हमने अपनी बड़ी खाला को खो दिया। Sorry to hear that. चलें जी, हया, थैंक यू सो मच फॉर योर सुपर चैट वंस अगेन, थैंक यू। अच्छा जी, ज़रा स्ट्रीम की तरफ नज़र डालें तो इतने सारे लोग हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं माशाल्लाह से आज, और लाइक्स भी अच्छे खासे हैं, थोड़े बहुत रह गए हैं। तो आप प्लीज़, अगर आप चाहें तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, करें फौरन। चाहें क्या मतलब होता, हम डिक्टेटरशिप पे बिलीव करते हैं, करें चले फौरन, लाइक करें वीडियो, मैं कह रहा हूँ लाइक करें वीडियो। अच्छा जी,
बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ एंड ओसामा मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, होपफुली इनको आवाज आ रही है। अस्सलाम वालेकुम ओसामा, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम मिनाज भाई, कैसे हैं? ठीक हैं आप? मैं अलग अलग लाख शुक्र, किधर से कॉल कर रहे हैं आप? जी मैं इस टाइम ऑस्ट्रेलिया में हूँ और मेरा ताल्लुक पाकिस्तान में मंडी भाउद्दीन से है। अच्छा, तो क्या वाक़या है? जी मैं आपसे वाक़या शेयर करता हूँ और मैं इसके ऊपर आपका थोड़ा ओपिनियन भी लेना चाहूंगा क्योंकि आपका सॉरी आपका इस चीज में थोड़ा एक्सपीरियंस है। तो वाक़या कुछ ऐसा है कि मैं बहुत छोटा होता था, आई एम 25 नाउ। तो हम चार बहन भाई हैं, तो हम एक घर में नया घर में शिफ्ट हुए, उसको हमने दोबारा बिल्ड किया, कंस्ट्रक्शन की। तो हमने जब वो घर बनाया तो जो मेरा सबसे बड़े भाई हैं जिनका नाम अताउल मुसव्वर है, तो वो उस टाइम स्कूल में थे, 9th क्लास में थे जब हमने घर बनाया। तो जो हमने घर बनाया तो उस भाई में थोड़ी चेंजिंग आने लग गई, मैं तो बहुत छोटा था उस टाइम। जो जब वो कॉलेज में गए तो और कुछ ज्यादा चेंजिंग, वो थोड़े परेशान रहने लगे एंड देन सडन ऐसे हुआ कि वो घर छोड़ के चले गए एकदम। यानी कि कॉलेज से वापस नहीं आए, कहीं दूर पता नहीं कितने किलोमीटर उन्होंने की नहरों के अंदर से, यानी कि वो वॉक करते करते एक दूसरे शहर पहुंच गए जो कि 2 घंटे की ड्राइव पे था। मैं मंडी भाउद्दीन से ताल्लुक हूं तो वो झेलम चले गए वॉक करते करते एंड उनको कोई पता नहीं है। अब हम परेशान, एक रात गुजर गई, नेक्स्ट दिन हमें वहां से वो जब किसी ने रापता किया जहां पे वो थे, उन्होंने उससे पूछा भाई कहां के हो, तो उसने नंबर बताया, पापा के फोन नंबर बताया, तो लोगों ने कॉल की तो हम उन्हें तब लेकर आए। हम बड़े परेशान कि ये क्या बात है, हमने तो हमें लगा कि शायद कोई मेंटली कोई प्रॉब्लम चल रही है इसके साथ, स्ट्रेस में है स्टडी की वजह से। तो हमने डॉक्टर्स को चेक करवाया तो उन्होंने, डॉक्टर ने ऐसी स्ट्रेस रिलीफ की मेडिसिन वगैरह दी, तो उन्होंने मेडिसिन ऐसी देना शुरू की। हमने तवज्जो ही नहीं की कि ये भी बात हो सकती है। तो ऐसे फिर टाइम गुजर गया थोड़ी देर के लिए, फिर ठीक हो गया, फिर एकदम फिर जू जू और बड़े होते रहे, उनकी उनकी पर्सनैलिटी में और तब्दीलियां आने लग गई, अकेले सोचते रहना बातें करते रहना, ठीक है चीजें, कभी गुस्सा इतना गुस्सा आना चीजें तोड़ देनी। हम और परेशान कि ये क्या है, ऐसा मामला है, ना कोई घर में अल्लाह का शुक्र है हर चीज पूरी है, कोई परेशानी नहीं, माशाल्लाह स्टडी में वो बहुत अच्छे थे। अच्छा फिर एक ऐसा वक्त आया कि उन्होंने स्टडी छोड़ दी कि मैंने पढ़ना ही नहीं है। मेरे घर वाले परेशान, फादर परेशान कि ये, क्योंकि मेरे फादर सिविल इंजीनियर, उनका पूरा फोकस कि बच्चे हमारे पढ़े, अब वो परेशान कि इतना लाइक स्टूडेंट है और अब ये कह रहे हैं मैंने स्टडी नहीं करनी, ये क्या बात हुई। तो उन्होंने गुस्सा किया उनके साथ कि ये, अब वो आगे से कोई जवाब नहीं थी देते, हमें कुछ समझ ना आए। फिर ऐसा हुआ कि हम उनको इस तरह इस्लामाबाद भी चेक करवा रहे थे साइकेट्रिस्ट के पास कि क्या प्रॉब्लम है। तो एक दिन मैं उनके खुद साथ था, मैं मेरी वालदा साथ थे, हम इस्लामाबाद में थे, तो वो इस तरह, अच्छा ये जो इस्लामाबाद का वाक्य, इससे पहले भी वो एक दफा जा चुके थे बट वो सुबह गए थे तो शाम को आ गए, हम परेशान थे, सुबह काफी दूर गए शाम को वापस आ गए, तो हम थोड़ा रिलैक्स हो गए कि चलो आ गए। ये थर्ड टाइम ऐसा हुआ कि हम इस्लामाबाद गए डॉक्टर को चेक करवाने। अच्छा डॉक्टर के पास जाते थे कुछ बोलते नहीं थे क्योंकि उन्हें कोई प्रॉब्लम था भी नहीं, बट डॉक्टर तो यही कहते थे कि अच्छा इसको स्ट्रेस है, ये है, दवाइयां देनी उनको दवाइयां। अब इस बात को भी 5-6 साल हो गए थे, वो रेगुलर मेडिसिन ले रहे थे क्योंकि हमारे तो जहन में भी नहीं था कि कोई इस तरह की एक्टिविटी भी हो सकती है या ये भी कोई मामला हमारे साथ हो सकते हैं। एंड देन क्या हुआ, इस्लामाबाद में हम डॉक्टर को चेक करवाया और वहां पे उनको एकदम इतना गुस्सा आया कि वो डॉक्टर पे ऐसे एकदम उठे हैं और वहां से वो बिल्कुल हॉस्पिटल से भाग के बाहर चले गए। मैं उस टाइम बहुत छोटा था, 7-8 साल का होऊंगा, और मेरी वालदा थी साथ, हम उनके पीछे भाग रहे हैं, लोगों को बोल रहे हैं इन्हें रोको इसको पकड़ो, अब वो रुक नहीं रहे और वो तेजी तेजी रोड पे भाग रहे हैं ना, जा रहे हैं दूर जा रहे हैं। अच्छा हम परेशान, हम अब उनको इतना, वो इतने तेज थे कि हम उनको पकड़ ना सके और वो गलियों में से होके पता नहीं कहाँ चले गए, उनके पास फोन भी नहीं था। हम इतने परेशान, हम इस्लामाबाद में, वहां मेरी खाला होती हैं, हम उधर रुके 3 दिन, हम ढूंढते रहे, पुलिस को बताया, हमें 3 दिन हो गए वहां पे, हमें नहीं पता चला। हम वापस आ गए फिर हम अपने घर आ गए और खालू को बोला, पुलिस को बोला कि आप देखें। तो 3-4 मैं वापस आ गया, मामा मेरी उधर ही नहीं, वो एक
चार पांच दिनों बाद वापस आई, और तो जो ही हम वापस आए, अच्छा जब हम वहां इस्लामाबाद में थे, फिर हमें लोगों ने बताया कि यार आप किसी से पता करें, किसी बाबा के पास जाएं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हम इतने परेशान थे, तो मामा ने जाके पूछा, उन्होंने कहा अच्छा हम आपको पढ़ाई बताते हैं, आप पढ़ें तो इंशाल्लाह आ जाएगा। तो हमने पढ़ा, एंड जब हम वापस आए तो उसके दो दिनों बाद पुलिस को एक रोड के साइड पे वो गिरा हुआ मिला, उसके कपड़े सारे फटे हुए थे। एंड देन पुलिस ने उसने उससे पूछा, उसका नंबर बताया, वो फिर उन्हें हम गए वहां पे, उनकी इतनी हालत खराब थी कि वो दो दिन हॉस्पिटल में रहे वहां पे। और वो कहते हैं, वो जब बताते हैं अपना किस्सा कि मुझे कोई एक ताकत है जो मुझे बस चलाती रहती थी, जंगलों में लेके जाती थी, मुझे भूख लगती थी तो दरख्त से शतूत मुझे तोड़ के देती थी, और तोड़ता था मैं खुद, मैं खाता था, पैरों में जूतियां नहीं थी, बस ऐसे कहते मैं चार दिन जंगलों में ही वहीं सोता था रात को और फिरता रहता। ये वो खुद बताते हैं। वापस आते हैं, आके रोने लग जाते हैं ऊंची ऊंची आवाज में कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब ऐसे बिल्कुल उन्हें कोई होश नहीं थी। जब वापस आते हैं, अच्छा वापस आते हैं, फिर एकदम ठीक हो जाते हैं, बिल्कुल नॉर्मल, फिर अपना, फिर उन्होंने इस वाक्य के बाद वो बिल्कुल ऐसे नॉर्मल हो गए, अपनी स्टडी कंटिन्यू की, वो फिर मास्टर्स में उन्होंने एडमिशन ले लिया और वो स्टडी कंटिन्यू करने लग गए। अच्छा इन मामलात में क्या हुआ, जब हम ये फिर हम बाबा लोगों के पास गए, हर किसी के पास जाते थे परेशानी, तो वो बताते थे कि आपके घर में कोई चीजें, आपके घर, हमने नया घर बनाया, क्या आपके घर में कोई चीजें हैं जिसकी वजह से ये इसके ऊपर परेशानी है। अच्छा मेरे वालिद साहब इस चीजों पे यकीन नहीं थे करते, कहते थे नहीं ऐसी, मेरी वालदा परेशान रहती थी। अब एक दिन क्या हुआ कि हमारा जो ऊपर वाला पोर्शन है, हम नीचे रहते थे तो ऊपर कोई भी नहीं था होता, ऐसे खाली था, तो ऊपर वाले पोर्शन में एक जो हमारा पीछे कमरा है उसमें ना काफी सामान पड़ा था, ऐसे जैसे एक एक्स्ट्रा रूम आपका होता है उसके ऊपर सामान। एकदम से क्या होता है, उस टाइम में ना बाबा लोगों ने बताया था आप अपने घर में ना ये आपको पता वो कोयले पे रख के धूनी उसको बोलते हैं, आप वो दें। तो मेरी वालदा वो देने लग गई 7 दिन कि आप दें और आपको इससे मसला ठीक हो जाएगा। अच्छा जो ही जिस दिन वो आखिरी दिन था, 7वां दिन था, तो मेरे हमारे घर के बैक साइड के कमरे में रात को, जिसमें कोई एंट्रेंस नहीं है दरवाजे के अलावा, एक अटैच बात है, दैट्स इट, कोई नहीं है कि कोई आके उसमें, एकदम उस कमरे को आग लग जाती, बिल्कुल पूरा कमरा जल जाता है, उसके अंदर जितना सामान है, खिड़कियां सब जल जाती हैं, और हम फिर सारा बड़ा पूरे घर वाले मोहल्ले वाले मिलके उस कमरे की आग को पानी से हम बुझाते, बड़ी परेशानी। अच्छा फिर इस तरह गुजरता रहा, इलाज बाबे बताते रहे, फिर हम रुक गए कि यार ये पता नहीं शायद वैसे ही है, हमारी हमारी हम गलत सोच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर अच्छा फिर मैं काफी लंबी स्टोरी कह रहा हूँ, फिर ऐसा हुआ कि मैं भी थोड़ा इसका बड़ा हो रहा था। अब एक दिन क्या हुआ कि एक दिन ना जब वो भाई दोबारा गए मेरे, जाने से पहले ना वो चक्कर काटते थे, वो घर में ना ऐसे ही गोल गोल चक्कर काटते रहे, और मामा को कहते थे मैंने चले जाना है, मैंने चले जाना है। मामा बड़ी परेशान कि मतलब कहाँ चले जाना है, स्टडी कर रहे हो, सब ठीक है, क्या क्या कह रहे हो। वो आगे कुछ नहीं, वो मुझे कहती इतना कहते थे, वो मुझे कहती है यहाँ से चले जाओ, वो मुझे कहती है यहाँ से चले जाओ। अब मामा भी परेशान कि क्या मामला है, और कभी चीजें पैक करने लग जाना अपनी, फिर ठीक हो जाना, तो बड़ी परेशानी इस तरह घर में। तो एक दिन क्या हुआ, अच्छा मैं आपको बता दूं कि वो 5 वक्त के नमाजी थे, बहुत नेक जिसे कहते हैं पूरे मोहल्ले, मतलब वो इस तरह नेक थे कि मैं अगर उनके साथ से, मैं छोटा था तो मैं गली में जब कभी खेलने जाता था तो उनको पता नहीं था चलता कि मैं उनके साथ से गुजर रहा हूँ, यानी कि गली में जाते थे तो उनकी नजरें नीचे होती थी, नीचे होती। तो क्या हुआ, वो इस तरह कहते थे मैंने चले जाना है। अच्छा एक दिन क्या हुआ, सुबह उठे हैं तो मेरा जो बड़ा भाई है वो फादर के साथ बिजनेस जाता है, शॉप पे जाता है, उनके साथ खुलवाता है, तो वो उस दिन सो रहा था, तो ये मेरा बड़ा भाई कहता है कि चलें मैं जाके आज ना खुलवा लेता हूँ, अपने जो पैसे थे वो भी घर रख के आ, फोन भी घर रख के, और बोला कि मैं शॉप पे जा रहा हूँ पापा के साथ खुलवा के, तो मैं आता हूँ वापस और फिर मैं आके नाश्ता करूंगा। मामा कहते यही वाला भाई जिसके साथ ये मसले हो रहे थे, जी बिल्कुल ये मसले हो रहे थे, ये शॉप पे गए बिल्कुल ठीक, शॉप खुलवाई है पापा के साथ, पापा को बोल रहा है कि अच्छा जी गोदाम खुलवाया, कह रहे हैं जी अच्छा मैं वापस जा रहा हूँ, पापा कहते हैं चले ठीक है। पापा का सूट भी पहना हुआ था क्योंकि अब उस दिन मशीन लगी हुई थी, तो वो कहता कि मैं पापा का सूट पहन लेता हूँ, मैं आके प्रॉपर चेंज करके फिर यूनिवर्सिटी जाऊंगा। अच्छा शॉप खुलवा के वापस आए हैं तो मिन्हाज भाई वो वापस नहीं आए अभी तक। इस बात को 15 साल हो चुके हैं, मैं अब 25 का हो गया हूँ और इस बात को 15 साल हो गए हैं, वो उसके बाद वापस नहीं आए।
हमने इतनी जगह पता की है 6 साल जो पहले जब वो गए हुए थे ना, पहले 6 साल हमें कोई पीर ये कहता था कि इस टाइम वो लड़का दाता दरबार में है, अभी गाड़ी लेके पहुंच जाओ आपको मिल जाएगा। हम गाड़ी फौरन करवाते थे, दाता दरबार जाते थे, पूरा दाता दरबार घूमना। अभी पीर ने कहना नहीं नहीं अभी वो दूसरी साइड पे है, हमने दूसरी साइड पे भागना, हमें नहीं मिलना, शाम को वापस आ जाना। मतलब कोई मेरे ख्याल से कोई पंजाब के इर्द गिर्द कोई पीर हो और हम उसके पास ना गए हो शायद, तो मैं कहता हूँ ये गलत ना होगा। हम हर किसी के पास गए। मेरे फादर ने 4 साल सूरह बकरा, किसी ने बताया आपने सुबह पढ़नी है, मेरे फादर 4 साल सुबह लगातार उठ के सूरह बकरा पढ़ते रहे। मेरी वालदा को जो जिसने कुछ बताया हम सब पढ़ते रहे। जब मेरा भाई गया है लोगों ने कहा घर छोड़ दो, हम घर छोड़ के चले गए किराए पे, अपना बड़ा घर बनाया हुआ हमने अपना घर छोड़ दिया, हम किराए पे चले जाए कि आपका बेटा आ जाएगा। हम 6 महीने वहां रहे, भाई नहीं आया, एंड देन हम फिर वापस आ गए कि यार इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वापस आए, घर बेचने लगाया, घर नहीं बिका, फिर हम वापस आ गए। अच्छा वापस आए, अब इस बात को देखें 14-15 साल हो गए हैं, अभी भी अब किसी के पास पूछते हैं किसी से तो वो ये कहते हैं कि है जिंदा पर किसी के कैद में है। अच्छा उससे ये हुआ इन 14 सालों में कि हमारा कारोबार भी खत्म हुआ, डाउन हुआ, मुझे कई दफा दबाव महसूस हुआ अपने घर में, इवन ऑस्ट्रेलिया में, इवन मैं रावलपिंडी में थोड़ी देर था स्टडी के लिए, वहां भी मेरी मदर को अभी तक थोड़ा दबाव महसूस होता है। हमारा कारोबार बिल्कुल मतलब आप ये कह ले ऊपर से नीचे आया है, तो ये काफी तब्दीलियां आई हैं। अब ये समझ नहीं आता कि ये क्या मामलात हैं और ये जो अभी तक हल नहीं हो रहा या ऐसा क्या है। अब इस बात को तो हमने तस्लीम कर लिया है कि ये जो भी है अल्लाह की रजा है और अल्लाह जब चाहेगा तो वो आ जाएंगे। अब हमने इनके किसी बाबा और किसी इनके पास भी जाना छोड़ दिया है। मैं बड़ा आया हूँ तो मुझे भी कुछ चीजों की समझ आई है कि देखें वाकई कुछ मामलात में आपकी मर्जी नहीं होती है, बस आपको अल्लाह की फैसलों पे सब्र करना चाहिए। तो अब ये है, तो आप, मैं चाह रहा था कि आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है। तो अब तकरीबन आप कह रहे हैं 15 साल हो गए, वो जो भाई आपका उस दिन निकला उस गोदाम से तो वापस कभी नहीं आया। कभी नहीं आया, उनको फोन नंबर भी याद है अब फादर के, अभी तक वही फोन नंबर है, हमारे घर का फोन नंबर वही है, घर का पता वही है। हमारा मंडी बहुदीन एक छोटा शहर है, सारी उम्र सब जानते हैं। वो जब गए थे तो वो मेरे ख्याल से 23-24 ईयर्स ओल्ड थे, और अब आप लगा ले 15 साल की बात है, 15 साल पहले की बात हो तो देख लें तकरीबन 2005-2006 की बात। मैं अब बहुत छोटा होता था उस टाइम जब वो गए, 9-10 साल का होता होगा जब वो गए। जो अभी रिसेंटली आपको पता चला, वो ये पता चला कि वो जिंदा हैं लेकिन किसी की कैद में। ये अब कई सालों से जिसके पास भी अभी भी क्या होता है कि देखें घर वाले हैं वो बेचारे याद तो करते हैं, तो कोई भी अभी भी हल्का सा कहता है ना कि वो बड़ा जी ठीक बताता है, वो बंदा उसके पास जाए वो आपको सही बताएगा, तो वो ना अभी मुझसे छुप के अभी भी हल्का सा कह देते हैं अच्छा यार पता करना जरा, ये नाम है, ये वालदा का नाम है, पता कर लो। तो अभी भी जब पता करते हैं तो वो यही कहते हैं लोग के जी जिंदा है बट किसी की कैद में है, ये कहते हैं उसको कुछ याद नहीं है। तो मैं कहता हूँ ये आजकल इंटरनेट के दौर में कैसे पॉसिबल है कि कोई इंसान जिंदा है और कुछ पता नहीं है। उनके शनाख्ती कार्ड से भी, मैं आपको बताऊं हमने पता करवाया कि ये आईडी कार्ड था उनका, इस नाम का कोई नया आईडी कार्ड तो बना होगा ना, तो हमने अपने रिसोर्सेज से पता करवाया, साल पहले की बात है, उन्होंने कहा नहीं इस नाम का दोबारा आईडी कार्ड नहीं बना। नहीं जो मुझे लग रहा है वो ये लग रहा है कि उनको कोई मेंटल प्रॉब्लम होगी। और मैं एक ऐसा केस जानता हूँ, जो मैं एक जगह पे काम करता था तो उनके भाई के साथ हुआ था, सिमिलर केस हुआ था, और वो जो उसका भाई था वो मेंटली थोड़े से वो थे, चैलेंज थे, सही है, और उनको अपना फ़ोन नंबर याद था, अपने घर का एड्रेस याद था, जो बेसिक जो बड़ी इम्पोर्टेंट इमरजेंसी वाली चीज़ें होती ना SOS वाली, वो चीज़ें उनको याद कराई हुई थी। यहाँ तक कि उसका जो कपड़े होते थे
तो उसके टैग के ऊपर भी वो लोग जो है ना अपनी तरफ से नंबर लिख दिया करते थे कि अल्लाह ना करे अगर वो भूल जाए तो उसके कपड़े कोई चेक करे तलाशी ले तो उसमें नंबर निकल आए। तो वो इसी तरीके से एक दिन निकला घर से और कुछ ये कह के कि मैं बाहर जा रहा हूँ ज़रा सिगरेट पीने या ऐसी ऊट पटांग बात करके वो बाहर निकल गया और वो फिर नहीं आया, कई महीनों तक नहीं आया। जिधर मैं काम कर रहा था वो बेचारा भाई उसका था वो परेशान, वो कभी हॉस्पिटल जाए तो कभी मॉर्चरी जाए तो कभी पुलिस स्टेशन जाए तो कभी जेल जाए, ऐसी ऐसी जगहों पे जहाँ पे अक्सर इस तरह के लोग मिल जाते हैं, नहीं मिला। कई महीनों बाद वो भाई जो है देखा कि बाइक पे बैठा हुआ आ रहे हैं, सब खुश हो गए। जो बंदा उनको उसको लेके आया तो उससे पूछा कि ये मिला कहाँ से, तो पता ये चला कि वो ये जो कैंट स्टेशन पे आपका जिना हॉस्पिटल है वो कह रहे वो वहां पे था और वहां के गेट पे खड़ा हुआ था और कह रहे मैं क्योंकि मेरा मरीज जो था वो वहां पे हॉस्पिटल आया था तो मैं हफ्ते डेढ़ हफ्ते से कंटिन्यूसली इस हॉस्पिटल में आना जाना मेरा हो रहा था तो मैं देख रहा था कि ये बच्चा जो है उस गेट पे खड़ा हुआ और इसके कपड़े बिल्कुल चेंज हुए हुए, जो कपड़े वो पहन के गया था घर से वो चेंज हुए हुए, इसके शेव बड़ी हुई, बाल बड़े हुए और ये मुझे वही नजर आया। और कभी ये वो नहीं होता था कि होता है ना हमारे यहाँ वो भीख मांगने वाले अपनी एक स्पॉट बनाते हैं कि भाई हमारा ये स्पॉट है हम यहाँ से भीख मांगेंगे, वो कहते हैं ना इसने कभी भीख मांगी ना कुछ। किताब जो था ये किताब पढ़ता रहता था, तो इसके बाद किताबें थी वो किताबें पढ़ता रहता था। तो कह रहे मैंने इस एक दिन ऐसे ही से पूछ लिया कि भाई तुम क्यों मतलब दिखने में भी और बात करने में भी तुम मुझे सही लग रहे हो, कोई अच्छे फैमिली से लग रहे हो, कोई फकीर नहीं लग रहे। तो फिर उसने ऊट पटांग बातें करना शुरू कर दी, ऑब्वियसली वो अपने सेंसेस में नहीं था लेकिन उसको बस एक नंबर याद था। वो कहता कि वो बार बार जो है ना नंबर बार बार बता रहा था, नंबर बार बार बता रहा था। तो फिर उस शख्स ने उस नंबर पे कॉल की तो वो इनके भाई का नंबर था, तो उसके जरिए इनको घर का एड्रेस मिला और वो आ गए। लेकिन ये मैं केस बता रहा हूँ कि उसको वो मेंटल प्रॉब्लम थी, हो सकता है। बिल्कुल, सॉरी टू कट यू, मैं ये कह रहा हूँ कि देखें मेरे भाई ने जब स्टडी छोड़ी है ही वाज गुड इन स्टडी और उन्होंने जो बीए के एग्जाम दे रहे थे, स्टडी छोड़ दी बीए के एग्जाम दे रहे थे, फिर उनको जो प्रॉब्लम हुई उर्दू में तो उन्होंने दिए, उनकी एक कंपार्ट आ गई। अब वो कहते हैं कि मैं बीए पूरा इंग्लिश में दूंगा, उन्होंने फिर वो जो ठीक हो गया इंग्लिश में दिया एंड ही माशाल्लाह ही पास ही वेरी यू नो गुड नंबर, उन्होंने अच्छे नंबर लिए एंड देन ही स्टार्टेड स्टडीइंग इन एमबीए। तो मैं आप देखें कि मतलब वो ये नहीं था कि उनको मेंटली मतलब आप जिस तरह कह रहे हैं, मैं इनको भी जानता हूँ हमारे मोहल्ले में ऐसे लोग हैं बिल्कुल जो थोड़े से डिस्टर्ब है, उनके कपड़ों में लिखते हैं, बट वो आते जाते थे, सफर करते थे, फैसलाबाद जाते, मतलब हम बिल्कुल ठीक, कोई अल्लाह माफ करे ऐसा था ही नहीं कि आप कहें कि 1% भी मेंटली प्रॉब्लम हो। बस जब इनके ऊपर ये ऐसा आता था एक दोरा सा फेज आता था तब लगता था ऐसा कि कोई चीज है, जैसे गुस्से में आ जाना एकदम, चीजें तोड़ना और इस तरह चले जाना, और आके फिर ये कहते थे कि मुझे नहीं समझ आती, मुझे कोई चीजें लेकर जाती हैं और मुझे उनकी आवाजें सुनाई देती हैं, मुझे कहती हैं चले जाओ यहाँ से, जाओ अब तुम यहाँ रह नहीं सकते, इस तरह की वो कहते थे। तो इससे तो यही लगता था कि वाकई कोई है ऐसे मामला घर में है या इनके तो साथ। आप लोगों ने आप लोगों ने एक आई थिंक ऐप भी है और एक फेसबुक पेज भी है जो लोगों के लिए ही बनाया गया है कि जो मिसिंग पर्सन होते हैं उनके लिए वो पेज बनाया गया है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग एक ऐप भी है, मुझे उस ऐप का भी नाम याद नहीं आ रहा, अगर किसी को याद हो तो प्लीज़ चैट पे बता दे। इन जगहों पे या फॉर देट मैटर आप लोगों ने कभी सोशल मीडिया पे उनकी तस्वीर डाली, ट्विटर, फेसबुक, ये वो जगहें जहाँ पे आप डालेंगे तो आई एम श्योर आपको कोई ना कोई लिंक ज़रूर मिलेगा। मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ, हमने ये जब थोड़ा सोशल मीडिया थोड़ा इन होने लगा है दोबारा ये 2012-13 में,
हमने सोशल मीडिया पे भी मैंने अपने प्रोफाइल से लोगों को भी बोला शेयर करो, हमने की। बट इससे पहले जब वो गए थे उस विद इन वन ईयर एंड टू ईयर्स हमने उनके पंफलेट, उनकी तस्वीर, उनका नाम, एड्रेस, अपने एड्रेस और नंबर के साथ पंफलेट किए और हम हर इलाके में उसको देख कर आए, लगा कर आए गलियों में, मेन मेन रोड पे, क्या आप इस शक्ल के, इस नाम के लड़के को देखें तो प्लीज हमसे राबता करें। हमने टीवीज पे, लोकल टीवीज पे एड चलवाए कि अगर आप कोई देखें, क्योंकि देखें उनको नंबर याद था, तो जिस जब वो इस्लामाबाद में लापता हुए तो उन्हें जब वो किसी कोई मिले तो उन्होंने बताया कि ये मेरे फादर का नंबर है, ये मंडी बहाउद्दीन में रहते हैं, प्लीज आप इनसे राबता करो, इन्हें भुलाएं, पुलिस को बताया। तो अब भी देखें हमने लगाए इतनी ज्यादा, उनके पोस्टर्स लगाए हर जगह पे लगाए, पर हमें किसी का फोन नहीं आया कि हमने, कोई होता ना कोई एक बंदे की कॉल आई हो, कहो कि हमने आपके बेटे को देखा है, किसी की। मेरे फादर पहले 2 साल रोज सुबह बाइक लेकर अपने शहर के इर्द गिर्द के हर गांव में जाते थे तस्वीर लेकर कि आपने इस बेटे को तो नहीं देखा, इस लड़के को कहीं देखा हो। कोई एक बंदा कहता था अच्छा मुझे लगता है मैंने देखा है, वो यहाँ से गया है, अब दोबारा आएगा तो मुझे नंबर दे दे, मैं हम आपको बता देंगे, बट कोई कॉल नहीं थी आई दोबारा कभी। आई थिंक सबसे पहले तो जैसा कि आपके वालिदैन ने वो उम्मीद नहीं छोड़ी, आप भी उम्मीद नहीं छोड़ें। मैं दोबारा से आपको बोलूँगा कि सोशल मीडिया की पावर बहुत है, सही है। हम एक ऐसे टाइम पे हैं जहाँ पे आपको एक ऐसा मीडियम मिल गया जिसके ज़रिए बहुत सारे मिरेकल्स हुए हैं, बहुत सारे हुए हैं। तो कीप ट्राइंग, और अगर मैं किसी काम आ सकूं किसी भी तरीके से तो यू हैव माय ईमेल एड्रेस, आप मुझे ईमेल कीजिए, मैं जिस हद तक काम आ सकूंगा मैं कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड अगर कोई सुनने वाला, अगर वो मुझे फेसबुक पेज और एप्लीकेशन कोई मेंशन वगैरह कर दें ताकि नो मैं उसको ऊपर देखूं, एंड देन तो कोई पोस्ट वगैरह लगाएं। वो आप एक काम कीजिएगा, आप गूगल करें, आपको आई एम श्योर मिल जाएगा, और फेसबुक पे भी मिल जाएगा आई एम श्योर। अभी मैं देखता हूँ कि चैट पे शायद कोई हमें बता दे, तो अगर वो बता देगा तो आपको भी पता चल जाएगा, मैं वैसे भी अनाउंस कर दूंगा, सही है। थैंक यू सो मच विराज भाई, मे गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड वन, बाय। ये सबसे तकलीफ दे चीज है, मेरी गाड़ी चोरी हुई थी, गाड़ी जिसकी वैल्यू उस टाइम पे 4,20,000 रुपए थी, वो मेरी नज़रों के मुझसे छीनी गई थी और वो मेरी नज़रों के सामने गई थी और गायब हो गई, फिर रोड पे निकल गई। और तो मुझे उस 4,20,000 की वाइट कलर की ऑल्टो पे इतना अफसोस हुआ था कि मैंने पूरा कराची अलग अलग कपड़े पहन के, अलग अलग हुलिये बना के, क्योंकि ऐसी ऐसी जगहों पे मुझे जाना पड़ा था अपनी गाड़ी को खुद तलाश करने के लिए, तो मेरी नज़रें हर वक्त ढूंढती थी एक क्या वाइट कलर की ऑल्टो 4,20,000 की जो मैंने ली थी। यहाँ पे एक औलाद की बात हो रही है, वो माँ और वो बाप जब तक इस दुनिया में है ना, वो नज़रें तलाश करती रहेंगी। This is sad. अगर किसी कोई हमारी इस हवाले से हेल्प कर सकता है, कोई भी किसी भी हवाले से, तो काइंडली आप ईमेल कीजिए। और उसामा, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप अभी तक हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, आप मुझे official.minhajaliaskari@gmail.com पे अपने भाई की शक्ल, जो पिक्चर है वो, कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है, और अपनी एक इन्फॉर्मेशन, चाहे अपना नंबर ना दें लेकिन अपना ईमेल एड्रेस दे दें, कि कोई और थर्ड पर्सन कोई अल्लाह ताला वसीला बना ले शायद किसी तरीके से, तो ताकि मैं एटलीस्ट कम्युनिकेट कर सकूँ। चलें जी, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ईमेल की तरफ। और क्या टाइम हो गया, 2:26 की स्ट्रीम हो चुकी है, आधे घंटे की और स्ट्रीम करेंगे और उसके बाद हम आप लोगों से इजाज़त चाहेंगे।
अगर आप लोग हमारी इस YouTube चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको मालूम है कि मैं आगे क्या कहने वाला हूँ, तो खुद ही सुनने से पहले सुपर चैट और सुपर स्टिकर का इस्तेमाल करें, वरना इजी पैसा और जैस कैश का इस्तेमाल करें। आई समझ, ये मेरा एरिया है, यहाँ पे एंट्रेंस नहीं करने का, वरना चार दो दिन की जिंदगी है, चार दिन की कर दूंगा। आई एम एंग्री। सॉरी, थोड़ा सा जरा बहुत सैड सा हो गया था, इसलिए मुझे ऊंची हरकतें करनी पड़ जाती हैं। अमित बासु हमारे साथ मौजूद हैं। अमित साहब, अगर आपको आवाज आ रही तो काइंडली अपना माइक ऑन कीजिएगा प्लीज। हेलो, कैसे हैं सर आप? बहुत दिनों बाद आपने कॉल की। बहुत बढ़िया, बहुत ठीक ठाक है, सब चल रहा है। जबरदस्त। हाँ। सेहत कैसी है आपकी? हाँ, हम लोग ठीक है इधर पे जी। क्या वाक्य है जो आप आज हमसे शेयर करना चाहेंगे? हाँ, अब इंसिडेंट तो शेयर करना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले एक बात है। अभी थोड़ी देर पहले एक भाई ने जो कॉल किया था मेरे से पहले, तो वो जो चीज जो है मिनाज भाई, एक्चुअली जो मेंटल हेल्थ जो है ना, हम लोग उसको ना सीरियसली नहीं लेते हैं। जैसे वो भाई भी बोल रहे थे कि बहुत मतलब पढ़ाई में बहुत अच्छे थे हैं, उनके भाई हैं, ये सब, लेकिन पढ़ाई के साथ ये सब के साथ मेंटल हेल्थ का कोई रिलेशन नहीं है एक्चुअली। मतलब हम लोगों का ह्यूमन माइंड इतना कॉम्प्लेक्स है, और कब किसको कहा मतलब कौन सा है हेल्प चाहिए ये कोई बता नहीं सकता है। सही, मतलब सही। हम लोगों का मतलब लोगों को देखने का जो नजरिया जो है ना, ये ही इज द नॉर्मल पर्सन समथिंग लाइक दैट, लेकिन उसमें भी बहुत माइन्यूट इश्यूज होते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। किसी को स्ट्रेस है, किसी को कुछ है, तो ये जो हेल्प जो है ना, मेंटल हेल्प जब भी कोई प्रॉब्लम होता है, वो जब लो क्वांटिटी में रहता है, तभी उसको मतलब हम लोगों को हेल्प सीक करना चाहिए, नहीं तो वो जब ये स्नोबॉलिंग इफेक्ट हो जाता है एक्चुअली, जो हल्के करके ग्रो करता रहता है, हाँ, जो बाद में आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तो ये तो है, मतलब ये मतलब सभी से मैं गुजारिश करूंगा कि किसी को भी ऐसे कुछ है तो वो तुरंत साइकियाट्रिस्ट या कोई मेंटल, एटलीस्ट किसी को कुछ नहीं है मतलब अपने जो करीबी लोग हैं उनसे बात करें, अपने दोस्तों से बात करें। अपने सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है मिनाज भाई, आजकल ना हम लोग किसी से कुछ शेयर नहीं करते हैं जी। अपने आप में चीजों को दबा के रखना ना, ये बहुत मतलब हानिकारक है, ये बहुत ही हार्मफुल है। ये जो भी है, अभी मैं अपना एक इंसिडेंट के बारे में बताता हूँ। ये हम लोगों का जब कॉलेज टाइम का इंसिडेंट है। एक्चुअली कलकत्ता में दो बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज है, एक जादवपुर यूनिवर्सिटी है जहाँ पे मैं पढ़ता था आर्किटेक्चर, और हम लोग और एक था बी कॉलेज, शिवपुर बी कॉलेज। वो एक्चुअली कलकत्ता और हावड़ा दो ट्विन सिटी है, तो बीच में से हुगली रिवर जो है, हुगली रिवर है, उसका जो वेस्टर्न बैंक है, वेस्टर्न बैंक में आपका ये हावड़ा है और ईस्टर्न बैंक में कलकत्ता है। सही, ऐसा है, ट्विन सिटी। तो बी कॉलेज जो है, बी कॉलेज बहुत पुराना कॉलेज है, मतलब ब्रिटिश टाइम में है, 1896 ऐसे कुछ टाइम में है वो एस्टेब्लिश हुआ था। सही। मतलब 150 साल हो गया है उसका, मतलब इंडिया में फोर्थ इंजीनियरिंग कॉलेज है वो, इतना पुराना है। और मतलब बहुत बड़ा कैंपस है उसका, मतलब 125 एकड़ का होगा,
इतना बड़ा कैंपस है, और उसके बाजू में ही आपका बोटानिकल गार्डन है, मतलब एशिया का सबसे पुराना बोटानिकल गार्डन, सबसे बड़ा बोटानिकल गार्डन, वो भी इसका एक पार्टी है। तो उसके अंदर आपको मतलब सब कुछ मिल जाएगा, वो ब्रिटिश टाइम का है ना, उसके अंदर सिमेट्री भी है एक, मतलब उन लोगों का। तो बहुत ही मतलब स्पेशल काइंड ऑफ प्लेस है। अच्छा, उसका भी एक ये बता रहा था, मेरे जो हम लोगों का जो कॉन्टेम्पोररी जो बैच जो पढ़ता था, अभी क्या है आर्किटेक्चर में बहुत ज्यादा हम लोग मतलब नेटवर्क बहुत, स्टूडेंट नेटवर्क बहुत ज्यादा था, बहुत नीटेड है, तो हम लोगों का उन लोगों का कॉलेज के बारे में, ये सब के बारे में सब कुछ मालूम होता था। हम लोग मिलते भी थे बीच बीच में, डिफरेंट आपका जो कॉलेज फेस वगैरह होता है वो सब में भी जाते थे। तो हम लोगों का एक दोस्त था उधर पे, उसका इंसिडेंट है ये। तो हम लोग के आर्किटेक्चर में क्या होता है, ये थोड़ा अनकन्वेंशनल किस्म का स्टडी है। मतलब जैसे आप लोगों का जैसे इंजीनियरिंग का रेगुलर स्टडी होता है, उससे इसमें टाइम एंगेजमेंट बहुत ज्यादा होता है, और मतलब ग्रुप ग्रुप एक्टिविटी बहुत ज्यादा होता है। तो और ज्यादातर काम हम लोग बहुत रात रात जाग जाए नाइट आउट मार के काम करते थे, सब ग्रुप बना के या इंडिविजुअल भी ऐसे करके। तो रात को ही काम वाम, स्टूडियो वर्क जो होता था रात को ही काम करते थे। तो मेरा जो एक दोस्त था उधर पे बी कॉलेज वाला, तो वो क्या कर रहा है, उन लोगों का जो हॉस्टल था उसके सामने एक बहुत बड़ा ग्राउंड था, मतलब आपका स्टेडियम वेडियम बना हुआ ऐसे, ये ग्राउंड था। तो उन लोगों का जो हॉस्टल है वो सेकंड फ्लोर में रहता था, मतलब जी प्लस टू बिल्डिंग था, बहुत पुराना बिल्डिंग। तो दैट वाज ओवरलुकिंग द ग्राउंड, सही। तो वो अपने रूम में काम कर रहा है, ड्राइंग ये सब कर रहा है, और उस टाइम हम लोग सब हाथ से ड्राइंग करते थे, अभी तो सब कंप्यूटर में ये हो गया है, ड्राइंग बोर्ड पे काम कर रहा है। और उसका जस्ट बाजू में ही खिड़की है, तो खिड़की से वो ग्राउंड दिखाई दे रहा है। तो ये रात को करीब आपका 1 बजे ऐसे कुछ टाइम का होगा, तो वो काम कर रहा है, बीच बीच में उसका नजर जा रहा है खिड़की पे और बाहर देख रहा है। तो वो देख रहा है कि वो जो ग्राउंड जो है ना, ग्राउंड में एक लड़की घूम रही है, सही। तो वो देख रही है कि इधर पे लड़की घूम रही है, वो अपना काम कर रहा है बीच बीच में देख रहा है ऐसे करके। तो वो देखा कभी गैलरी पे बैठ रही है वो लड़की, हाँ कभी ग्राउंड पे है ऐसे करके। तो वो काम करते करते अचानक से एक बार नजर घुमाया तो देखा कि वो लड़की जो है वो खिड़की पे खड़ी है ग्रिल पकड़ के। तो एकदम अचानक से देख के वो बेहोश हो गया। तो वो नेक्स्ट डे जो है, नेक्स्ट डे उसको मतलब बाकी का जो आसपास का रूम के जो लोग है उसको मिला कि वो बेहोश होके गिरा पड़ा हुआ है जमीन पे, सही। तो एक ये इंसिडेंट है, और ये इंसिडेंट के बाद तो बहुत ही चर्चा हो गया, हाँ कि वो ऐसे स्पिरिट दिखाई दिया। तो उसी बाद उसी ईयर का फेस्ट में हम लोग भी गए थे बी कॉलेज में, तो हम लोगों का भी वो सभी बाकिया हो रहा था। ये मेरा पर्सनल इंसिडेंट है, तो वो सब बाकिया हो रहा था, हम लोग आपस में बात कर रहे थे कि ये दिखाई दिया है, चलो हम लोग भी देखते हैं करके। हम लोगों ने तीन चार लोगों, चार लोगों का एक ग्रुप, हम लोग ही मतलब बात करते करते हम लोग घूम रहे थे कैंपस में, फेस दूसरे जगह पे हो रहा था, हम लोग कैंपस में घूम रहे थे। तो घूमते घूमते ना हम लोग एक मतलब थोड़ा अलग ही किस्म का एक जगह है, उससे दूर थोड़ा उधर पे लोग नहीं जाते हैं, तो हम लोग उधर पे चले गए। उधर पे काफी ज्यादा पेड़ वगैरह है, मतलब जंगल किस्म का बना हुआ है, और वो जो है ना हुगली रिवर जो है वो रिवर साइड में ही है, बैंक में ही है वो वाला जगह। तो हम लोग उधर पे घूम रहे हैं, जा रहे हैं,
अचानक हम लोगों ने देखा कि एक थोड़ा खाली जगह है, उधर पे एक लड़की जो है, एक लड़की व्हाइट ड्रेस में, छोटी सी लड़की व्हाइट ड्रेस में खड़ी है उधर पे, और उसके चारों तरफ थोड़ा मतलब एक आग का एक जैसा होता है ना, वो घूम रहा है उसके चारों तरफ। मतलब वो देख के मतलब हम लोगों को जैसे वो जो था ना, सीने में एक धक्का लगता है, मतलब सडनली तो आपका ब्लड रश होता है ना, मेरा तो ऐसे हो गया वो चीज देख के, एकदम सडनली वो देख के अभी हम लोग स्टील हो गए। तो अगर उस दिन उधर से हम लोग भाग जाते तो एक बहुत बड़ा कॉन्फ्यूजन और डाउट हम लोगों का माइंड में रह जाता, लेकिन मतलब इंसिडेंट ऐसे हो गया था कि हम लोग उतना मतलब स्पेल बाउंड हो गए थे, तो हम लोग रुक गए उधर पे, अनइंटेंशनली रुक गए। तो ये देखा और मतलब नोटिस किया ये कि वो जो लड़की है वो बच्ची लड़की नहीं है, शी इज एन एडल्ट वन, व्हाइट कलर के ड्रेस में है, वो जैसे गाउन जैसा ड्रेस होता है ना वैसे है, इंसानी है, वो घुटनों पे खड़ी है, ठीक है, सही। और जो आग जो घूम रहा है चारों तरफ, दैट इज उसका बॉयफ्रेंड है, वो थोड़ा डार्क कलर का ड्रेस में है इसलिए उसको दिखाई नहीं दे रहा है, और वो जो है ना वो मॉस्किटो रिपेलेंट कॉइल होता है ना, उसका धुआं निकल रहा है, वो जला के वो आसपास घुमा रहा है। मतलब ये तो जो बंदे वो उधर पे वो जो मतलब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड उधर पे बैठे थे, तो मच्छर ने परेशान कर रहा है, दे आर हैबिचुएटेड, ये मतलब ये लोग ये ट्राई कर चुके हैं, तो बाय देयर हैबिट दे आर डूइंग दिस थिंग। लेकिन मतलब मजे के बात ये है कि अगर उस दिन हम लोग मतलब भाग जाते उधर से ये चीज ना देख के, तो ये इंसिडेंट हम लोग भी बोलते थे कि हम लोग भी ऐसे भूत दिखाई दिया उधर पे। और यही चीज जो है, यही चीज बातों बातों में फैल जाता, चुड़ैल है और आसपास ऐसे मतलब स्पेशल किस्म का, मतलब आसपास आग घूम रहा है, आग जैसा घूम रहा है, वो तो कॉइल था। इस कॉइल की वजह से बहुत सारे लोग, शायद मुझे लगता है इस कॉइल की वजह से आधे ज्यादा लोग तो जिन्नात ही बना देते हैं। आग घूमती आग नजर आ रही थी, पता चला वो कॉइल है। थैंक यू अमित साहब, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। तो यही है कि मतलब हम लोग अगर कुछ डर जाते हैं ना किसी चीज से, उसको देखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा, उसको दोबारा से टैली करना चाहिए, देखना चाहिए कि जो देखा है, क्योंकि आगे जाके इन्फॉर्मेशन ऐसी तो पास हो जाती है फिर। वही है। थैंक यू सो मच अमित साहब, बहुत शुक्रिया, चलो बहुत बहुत शुक्रिया, और दुआ में याद रखिएगा, थैंक यू। सच अ स्वीट कॉलर, हमेशा इनसे बात करके मजा आता है, ऐसा लगता है कि किसी, देखिए मेरे घर में ना दादा दादी नाना नानी मेरे वालिद, यहाँ तक कि मेरे ताया भी नहीं है, यहाँ तक कि मेरे मामू भी नहीं है, मेरी बड़ी बहन भी नहीं है, वालदा हैं अल्लाह मियाँ उनको हयात करे, और मेरे सास ससुर हैं वो भी मेरे वालिदैन की ही तरह हैं, लेकिन जो बुजुर्गों से बात करके मज़ा आता है ना, तसल्ली जो मिलती है, मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली चंद चैट पे लोग ऐसे होते हैं जो हाय, वो अगर मुझे मिल जाए ना ये चैट पे लोग जो लोगों का मजाक उड़ा रहे होते हैं, कसम से मैं उनके साथ इतना बुरा करूंगा कि जिंदगी भर उनकी जब भी लोग शक्ल देखेंगे तो वो मजाक बन के रह जाएंगे। बड़े बड़े दावे करते हुए नजर आते हैं, हम मुसलमान हैं, हम पाकिस्तानी हैं, जहां उनको अपनी मजहब और जहां अपने पाकिस्तानी दिखानी होती है वहां पे वो अपना जानवरपना दिखा देते हैं।
All right, जनाब, बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट ईमेल की तरफ। अस्सलाम वालेकुम मिन्हाज, कैसे हैं आप? मैंने कुछ टाइम पहले एक कैश एंड कैरी में जॉब स्टार्ट की। शुरू में सीनियर वर्कर्स ने मुझे स्टोर्स में लगा दिया और मेरी नाइट शिफ्ट होती थी। मैं रात 9 से सुबह 6 बजे तक स्टोर में उधर ही होता था। उधर हर चीज़ का अलहदा स्टोर बना हुआ था और सब स्टोर की जिम्मेदारी मेरी थी। मैं डेली रात को लॉक चेक करता था कि सब स्टोर सही तरीके से बंद हैं। एक दिन मिन्हाज, मैं स्टोर्स का लॉक देखने गया तो एक स्टोर में किसी के रोने की आवाज़ आ रही थी। मैं थोड़ा परेशान हुआ कि गार्ड और मेरे अलावा उधर कोई भी नहीं है, और मिन्हाज वो स्टोर था गोश्त का। उधर फ्रीजर्स बड़े बड़े रखे हुए थे जिसमें गोश्त रखा हुआ था, और उस जगह पे इतनी ठंड होती थी, इतनी ज़्यादा कि इंसान दूर उधर ज़्यादा देर रुक नहीं सकता था। मैंने गौर से सुना, उधर ही से आवाज़ आ रही थी और वो एक बच्चे के रोने की आवाज़ थी, और उस टाइम उस जगह सिर्फ मैं ही था। मैंने नज़रें नीचे करी और चुप करके उस जगह से बाहर गार्ड के पास आ गया। उसको ये सब बताया तो उसने कहा कि सब यही कहते हैं, जो भी जूनियर आता है उसको इसीलिए नाइट शिफ्ट दी जाती है ताकि सीनियर्स ये मामलात और इस तरह के वाकयात से बच सकें। आज भी उस कैश एंड कैरी के स्टोर से उसी तरीके से रात को उसी डिपार्टमेंट से बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। ओके, अच्छा जी, स्पिल्ड टीयर, थैंक यू सो मच। वकास रांझा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया फॉर योर सुपर चैट। अच्छा जी, चैट की तरफ बढ़ते हैं आज। आज क्या मतलब अब, और जो जो लोग हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, अपनी अटेंडेंस, अपनी हाजिरी लगाइए। फरियाल जबीन, मिन्हाज भी अपना कोई वाक़या सुनाए, खुदा का खौफ करें फरियाल। मैं अपने वाक़यात सुना सुना के ना, मुझे लग रहा है कि वो इंडियन ड्रामे चल रहे हैं। बस चार हैं मेरे वाक़या, वही मैं सुनाता रहता हूँ, कब तक सुनाऊँगा। सलमान बशीर, थैंक यू। हसन अली, बहुत बहुत शुक्रिया। असद, थैंक यू। ANA, थैंक यू। फरा मुजम्मिल, आपका भी शुक्रिया। शाह इरफान, दानिश, आशुतोष शर्मा, मुनीब अहमद, मुदस्सर, एसन, रेहान, इर्तिजा, अमल एंड हमजा, सैल, हादिया, नुमान शेख, जैन खान, जैन नसीर, आमना, निदा नसीम, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एक सेकेंड रुकिएगा। इल्का, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉन्ट्रीब्यूशन, थैंक यू फॉर योर ईजी पैसा। थोड़ी सी कल की बात करें, कल के शो की आप लोगों ने बड़ी सुनने में आप लोगों को पसंद आया। कल के शो का एक मैं आपको चीज बताता हूँ। कल एक वो है, क्या कहते हैं उसको, अरे यार मैं तो एक तो अल्फाज भूलने लगा हूँ, पता नहीं क्या हो गया। कन्फेशन है कल के शो के लिए, कन्फेशन है, जो कल हमारा फ्राइडे को लेट नाइट हॉरर शो हुआ। मैंने पूरे शो में जो 2.5 घंटे हमने शो किया, उसमें हार्डली 2 मिनट या 3 मिनट चैट अपने सामने रखी। कल मैंने आप लोगों की चैट देखी नहीं,
सिर्फ उस वक्त देखी जब आप लोगों के नाम शामिल करने थे, उसके बाद मैं हटा देता था, जिसकी वजह से शायद मेरा फोकस रहा। अब जो फ्राइडे को शो हुआ करेगा उसमें हम चैट बंद कर देंगे। आप पूरे दिन अपनी मौज मस्ती करते रहें चैट पे, पूरे हफ्ते करते रहें, सिर्फ फ्राइडे वाले दिन हमारी चैट ऑफ हो जाएगी, ताकि जो मस्करे आते हैं वो छट जाएं, उनको मौका ना मिले अपना चिचोरापन दिखाने का। दूसरा, जो लोग प्रोग्राम सुनने चाहते हैं वो फिर फोकस करेंगे प्रोग्राम पे। बाकी आप मंडे ट्यूसडे वेंसडे जब जब हो स्ट्रीम, उसमें आप सुनिएगा, एंजॉय कीजिएगा, अपनी तरफ से आप अपनी ट्रोलिंग करेगा, अपना मजाक करेगा। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस होता है यार कि तहजीब भूल जाते हैं सब। अपनी एक लिमिट होती है ना, एक बाउंड्री होती है, उसको भूल जाते हैं हंसने के चक्कर में, हंसाने के चक्कर में, कूल बनने के चक्कर में असल में। तो वो क्योंकि घर में तो कूल बन नहीं सकते, घर में फूल होते हैं, ऐसी आईडीज के पीछे बैठ के रैंडम चैट पे कूल बन सकते हैं, दैट्स अबाउट इट। नहीं मिस्टर शिराको, ऐसा होता नहीं है ना, लोग नहीं बंद करते, क्योंकि कुछ लोगों को नहीं आता बंद करना, कुछ लोग नहीं कर पाते, इसीलिए फ्राइडे वाले दिन जो है वो हम सिर्फ फ्राइडे वाले दिन बंद करेंगे चैट। अच्छा है ना, ज़रा पूरा रेडियो फॉर्मेट आ जाए, जो आप लोग पहले रेडियो पे सुनते थे उसमें आप लोग मैसेजेस तो नहीं देखते थे, आप सिर्फ मेरी आवाज़ सुन रहे होते थे, यार अपने दोस्त अहबाब के साथ बैठ के जो तफरी कर रहे होते थे वो कर रहे होते थे, वो ऑन एयर नहीं आती थी। अब अनफॉर्चुनेटली हम ये यूट्यूब पे कर तो रहे हैं, तो उस पर कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, और वो ड्रॉबैक एक ही है कि ये लोगों के अपने भाषण चलते रहते हैं, जिन उनको लगता है कि उनकी उनका कमेंट करना बहुत ज़रूरी है, तो उनको ये बता देना चाहिए ना कभी कभी कि ये राइट हर वक्त नहीं होता। अच्छा जी, प्रोग्राम चूँकि ख़त्म होने में अभी 10 मिनट बाकी हैं, तो हम अपने लास्ट कॉलर को ले लें। अमीन, अगर आपको आवाज़ आ रही तो काइंडली, बल्कि अमीन को तो नहीं आ रही। सैयद जैदी है हमारे साथ, अरे जैदी साहब हैं भाई, जैदी साहब को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जैदी साहब, अपना माइक ऑन कर लीजिए प्लीज़। ये वैसे हमारी रिचुअल हो गया 3 शो से कि लास्ट कॉलर हमेशा जैदी साहब होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए, तबीयत कैसी है आपकी? मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र बिल्कुल जबरदस्त, ठीक ठाक, मजे में। अच्छा चले, मैं आपका प्रोग्राम शुरू से देख रहा हूँ आज का भी, और बड़ा इंटरेस्टिंग और बहुत इंफॉर्मेटिव था। थैंक यू। ये लास्ट का टाइम मिला है आपके साथ, तो टाइम ज्यादा नहीं है, तो मैं आपको एक छोटा सा वाक्य बताता हूँ, लेकिन ये कि नेक्स्ट टाइम अगर आप मुझे थोड़ा सा अर्ली मौका दे देंगे तो मैं आपको बड़े ही जबरदस्त 2-3 जो मेरे साथ गुजरे हैं, लेकिन वो जरा लेंदी हैं, तो अच्छा। वो मैं आपको सुनाऊंगा। अभी आपको मैं छोटा सा ही बताता हूँ कि मैं जिस एरिया में पैदा हुआ था, कराची में वो रजिया का इलाका है, 400 क्वार्टर, वहां पे मैं पैदा हुआ था। तो जो हमारा पुराना मोहल्ला था, तो वहां पे एक फैमिली थी, उनके आधे घर वाले हैदराबाद में रहते थे, आधे कराची में रहते थे। तो उनके बेटे की शादी हुई। अच्छा, वो लोग जो थे वो कारोबारी अफराद हजरात थे, और पैसा वैसा बहुत था उनका, और तो जब उन्होंने शादी की तो उन्होंने ये किया कि उन्होंने पूरे मोहल्ले को, क्योंकि उन्होंने कहा भाई यही मेरे रिश्तेदार है, तो उन्होंने पूरे मोहल्ले को बस करके उन्होंने कहा था कि जी आप हमारे साथ हैदराबाद चलेंगे शादी, क्योंकि हैदराबाद में कर रहे थे। तो सबको बड़ा मजा आया, पूरे मोहल्ले के लोग। अच्छा, जब मोहल्ले के लोग गए थे तो उसमें हर उम्र के हजरात थे, ज्यादा तो लड़के ज्यादा गए थे। अच्छा, हमारे वक्त में जब हम छोटे थे तो एक हायरार्की का सिस्टम होता था जो अब नापैद हो गया है। मिसाल के तौर पे जो 20-22-25 साल की उम्र के लड़के थे वो हमें बिल्कुल हटा देते थे, अपने पास से खड़ा नहीं होने देते, समझे ना?
और उसके बाद फिर 16-17 वाले, यानी वो यानी यूनिवर्सिटी कॉलेज मैट्रिक सेकेंडरी स्कूल फिर प्राइमरी स्कूल, वो एक लेवल ये था लड़कों का दोस्तों का। तो खैर हम वहाँ पे गए हैदराबाद में, तो सारा दिन तो बस में ड्राइविंग करते हुए पहुंचे, पूरी बस हायर करके हम लोग गए थे, उन्होंने किया था। जब हम वहाँ पहुंचे तो उन्होंने एक एक दिन हमें स्टे कराया, अगले दिन दिन के वक्त वो थी। सिंध में और पंजाब वगैरह में आपको पता है दिन के वक्त ज्यादा शादियों का रिवाज होता है, तो वो दिन में वो शादी वादी थी। उसके बाद क्या नाम है, अगले दिन वलीमा भी था, तो उन्होंने हमें 2-3 दिन ठहराया था सबको, बड़ा लंबा चौड़ा इंतजाम किया हुआ था। तो खैर वो मुख्तसरन ये कि जो वो हो रहा था, तो शाम के बाद जब वो रुख्सती वगैरह तो हो गई थी, तो उन्होंने इंटरटेनमेंट के लिए मुख्तलिफ काम किए हुए थे, कुछ खवातीन को भी बुलाया गया था, मुजरा वजरा टाइप की चीज थी, और वो उस टाइप का भी कराया था इंतजाम। हम तो छोटे थे, तो जिस घर में हम लोगों को ठहराया हुआ था उसी की गली में उन्होंने हमें सबको कहा कि आ जाए जी आप लोगों को कोल्ड ड्रिंक पिलाते हैं। उस जमाने में आप लोग तो बड़े लकी हैं कि फ्रिज के अंदर आपके यहाँ 2-2 लीटर की बॉटल्स होती हैं, आप स्प्राइट की और मुख्तलिफ फ्लेवर की और कोका कोला की। उस जमाने में कोल्ड ड्रिंक जो थी वो बड़ी उनका बड़ी नायाब चीज होती थी। तो क्या नाम है, वो सबको उन्होंने कहा जी कि आइए जी कोल्ड ड्रिंक का इंतजाम है। तो वो उसी गली के अंदर एक शॉप बनी हुई थी जो दिन में लस्सी बेचती थी, मैं बिकती थी उसमें, और शाम को कोल्ड ड्रिंक वोल्ड्रिंक का। तो उन्होंने स्पेशली उनको कहा कि भाई ये मेहमान आए हुए हैं, इनको कोल्ड ड्रिंक पिलाओ सबको। तो जो बड़े लड़की उम्र के लड़के थे वो एक साइड पे खड़े हुए थे, इंतजार कर रहे थे, क्योंकि मजमा काफी था, सबको एंटरटेन करना था उन्होंने। उसके बाद वो फिर दूसरी उम्र के लड़के थे, उसके बाद दूसरी, आखिर में हमारा ग्रुप था जो हम, मैं उस वक्त मेरा ख्याल है 12-14 साल का था। तो हम खड़े हुए थे, तो अच्छा वो ऐसा था कि वो दुकानों एक लाइन से दुकानें बनी हुई थी 3-4 स्टेप्स के ऊपर, जैसे हैदराबाद में आपको पता है दुकानें ऊंची होती हैं और सड़क नीची होती है, तो दुकानें ऐसी बनी हुई थी और सारी बंद थी, सबकी बाहर की लाइट्स तो जल रही थी मगर दुकानें बंद थी, उनके वो स्टेप्स थे बस। तो और वो दुकान जिसमें वो दुकान खुली थी कोल्ड ड्रिंक की, वो चल रही थी, और उसमें वो कोल्ड निकाल निकाल के उनके वर्कर्स जो थे वो सबको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। और वहीं पर एक पान का खोखा भी बेचारा लेके बंदा बैठा हुआ था, वो पान का जैसे खोखा नहीं होता छोटा सा बाहर जो रख लेते हैं लोग कैबिनेट टाइप की, तो वो ऐसी वो कैबिनेट रखे वो भी बैठा हुआ था कि चलो उसके पान वान की भी सेल हो जाएगी, लोग उससे पान वान भी ले रहे थे। तो हम सबसे छोटे लड़कों का ग्रुप जो है ना सबसे आखिर में खड़ा हुआ था जहां पे दुकानें खत्म हो रही थी, और वो हमें उन्होंने कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी दे दी और हम सब चुस्कियां लेके वो कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे। तो हमारी नजर पड़ी कि जो आखिरी दुकान है उसके कॉर्नर के ऊपर बिल्कुल जो स्टेप्स बने हुए हैं वो 4 स्टेप्स थे जमीन से छत तक के लिए, उसके ऊपर हमने देखा कि एक बंदा बैठा हुआ है। अच्छा अब ये रात का तकरीबन 9-10 बज रहे थे, खाना वाने के बाद की बात है ये, तो हमने उसको, छोटे लड़के थे हम सारे के सारे, उधर जाके खड़े हो गए उसके सामने। अब जब हम उसके सामने खड़े हुए तो हमने बात नोट ये की कि वो बंदा जो था, मुझे नहीं पता आप इसको मैं सही से एक्सप्लेन कर पाऊंगा या नहीं, लेकिन वो बड़ा इंग्लिश में उसके लिए लफ्ज है लैंकी, बड़ा सही लैंकी सा बंदा था, कि उसके हाथ और पैर बहुत लंबे थे और टॉर्सो जो उसका धड़ होता है गर्दन से लेके नाफ तक जो हिस्सा होता है उसे इंग्लिश में टॉर्सो कहते हैं। तो टॉर्सो जो था वो क्या नाम है, शॉप बहुत नॉर्मल बच्चे जैसा था, हाथ और पैर बड़े लंबे लंबे थे, बड़ा अनयूजुअल सा था, और यानी वो तकरीबन 7 फुट की उसकी हाइट होगी, यानी फुल बॉडी की उसकी। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसका जो सर और चेहरा था वो बहुत छोटा था उसकी हाइट और जिस्म के हिसाब से, और गंजा था वो, सर मुंडा हुआ था उसका, टिंड कराई हुई उसने। तो अब वो बैठा हुआ और वो अजीब सा उसका हुलिया, गंदा सा कमीज सलवार पहना हुआ, कॉलर मुड़े हुए, आस्तीनों पे से कफ से उसकी आस्तीनें फटी हुई,
शलवार के पांचे भी फटे हुए, ऊंचे ऊंचे उठे हुए, और आप यकीन करेंगे इतने लंबे लंबे पैर थे उसके कि मैंने अपनी जिंदगी में किसी इंसान के इतने लंबे पैर नहीं देखे, नंगे पैर बैठा हुआ। और एक बोतल उसके हाथ में थी कोल्ड ड्रिंक की, और अब उसने कैसे दी, क्या किसने दी, मुझे नहीं पता। एक और अजीब बात यह थी कि उसका जो अपर लिप था नाक से नीचे, वो कट लगा हुआ था ऐसे, जैसे आप पता नहीं, शायद आपकी नजर से कोई बच्चा ऐसा गुजरा हो, कोई इंसान बीच से कट हुआ हुआ। जी बिल्कुल, वो स्प्लिट होता है ना जैसे, ऐसे कट लगा हुआ था। तो वो कट लगा हुआ है, गंदे संदे होलिये में है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टॉल है, हाथ पैर बड़े लंबे लंबे हैं, वो सबसे टॉप वाले स्टेप पे बैठा हुआ था, एड़ियां उसकी सबसे जमीन पे रखी हुई थी, बट स्टिल हिज नीज वॉज टचिंग हिज चेस्ट। अंदाजा लगाइए कितना लॉन्ग, इतने लॉन्ग लेग से, और टॉर्सो वो छोटा था उसका, क्योंकि हमें उस वक्त तो एहसास नहीं हुआ जब तक वो बैठा हुआ था। और वो हमें बस सर नीचे किए हुआ था, और उसकी जो सर की जो हड्डियां होती है ना, जो आपकी जो सर की हड्डियां होती है, बाद लोगों का आपने देखा होगा सर बड़ा खूबसूरत होता है, बड़ा स्मूथ होता है गंजे अफराद, और बाद लोगों का शायद आपने देखा होगा कि अफ्रीकन लोगों के जो मैंने अक्सर इंग्लैंड में देखेंगे, जब वो शेव करते हैं तो उनके सर की हड्डियां नजर आ रही होती है, सेंटर बोन नजर आ रही होती है, साइड की हड्डियां नजर आ रही होती है, बट उसकी जो बोन्स जो है वो बाहर बहुत बुरी तरीके से निकली हुई थी, ऐसे जैसे पता नहीं क्या किसी ने उसको इतना मारा है कि उसकी हड्डियां बाहर निकल रही हैं, सर की हड्डियां गोल पत्ती। तो ये अच्छा हम देख रहे हैं गौर से। अच्छा, और मैं यकीन करेंगे, मैं क्योंकि बहुत कम उम्र था और अपनी ग्रुप के लड़कों में भी कम उम्र था, तो यानी अपनी ग्रुप में भी मैं सबसे कम उम्र था, तो मेरा एक कजन ब्रदर भी था, वो भी साथ खड़े हुए थे मेरे, तो मैं उनका बाजू पकड़ के खड़ा हो गया डर के मारे। मैं उस बंदे को होलिया देख के मैं डर रहा था कि अजीब सी है उसकी, अजीब टॉल आदमी, गंदा ठंडा सा मुंह उसका, क्लीन शेव, क्लीन हेड उसका, और उस पर हड्डियां निकली हुई और मुंह उसका कटा हुआ ऊपर से, और वो हमें निगाह उठा के ऐसे देखता था, ऐसे करके सर झुका के बैठा हुआ था घुटनों में मुंह दिए हुए, और वो कभी कभी सर उठा के हम लोगों को देखता था। और वो जो हमारे साथ के जो लड़के थे वो जरा शरारती थे, उन्होंने मजाक मजाक करना शुरू कर दिया, छेड़ना शुरू कर दिया। किसी ने उसको कहा कि शाह दौला का चूहा है, पता नहीं आपको ये बात पता हो या ना हो, एक नहीं नहीं पता, खास किस्म के बच्चे पैदा होते हैं जिनका धर बड़ा होता है, सर बहुत छोटा होता है। नहीं, अब वो बात क्लियर हो गई, अब वो पता नहीं अब पैदा होते कि नहीं होते। अब रिसेंट टाइम में एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी जिसमें बताया गया था कि वो बनाए जाते हैं बिजनेस पर्पसेस के लिए। अच्छा, वेल इट्स न्यू टू मी, तो वी विल टॉक लेटर सम टाइम, आई वुड लव टू हियर अबाउट दिस फ्रॉम यू। तो एनीवे, तो वो उसको तो किसी ने उसको कहा शादोला का चूहा, शादोला का, जो हमें उस वक्त पता था उसी हिसाब से लड़कों ने मजाक उदाक किया। उसने हमें घूर के देखा 2-3 दफा, और लड़के वड़के उससे काफी छेड़छाड़ रहे। उसके बाद उसने जब घूर के देखा और लड़के नहीं माने, और उसमें हमारी जो ग्रुप में एक लड़का था वो जरा हमसे उम्र में बड़ा था, वो जो होते ना जरा स्मार्ट पैंट्स, वो उस टाइप का था, तो वो कुछ ज्यादा ही कहने में कॉन्फिडेंट था, तो वो उससे छेड़छाड़ करने लगा। तो उसने देखा उसको और वो घुटने मोड़ के ना, यानी उसने पहलू बदल लिया हमारी तरफ से जैसे इग्नोर करने के लिए। और अच्छा, मैं डर रहा था, मैं अपने जो कजन ब्रदर था मैं उनका बाजू पकड़ के, मैं मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी कुछ होने वाला है, ये मारेगा कुछ करेगा या पता नहीं क्या करेगा। जब काफी देर होने लगी तो उसने, जब छेड़छाड़ हो गई काफी, तो उसने, किसी ने कहा कि अबे देख इसका मुंह भी कटा हुआ है, होंठ कटा हुआ है इसका, ऐसे करके कहा, जिसपे हमारी नजर पड़ेगी इसका, हाँ वाकई होंठ कटा हुआ ऊपर से। तो जैसे ही वो कहा तो किसी ने कहा होंठ कटा है, होंठ कटा, होंठ कटा, ये तो होंठ कटा जिन है, आपको पता बच्चे तो इस तरह की बातें करते हैं। तो वो कहने लगे होंठ कटा जिन है। तो वो जो स्मार्ट लड़का जो था उसने कहा कि ये होंठ कटा जिन नहीं है, अल्लाह मियां ने इसकी होंठ ऐसा बनाया है ताकि इसकी स्ट्रॉज के अंदर आ जाए, नलकी आ जाए। मजाक उड़ाया कि ये इसका जो ये अल्लाह मियां ने इसको बना के ऐसे भेजा, इसका होंठ काट के ताकि नलकी इसी में आ जाए।
उसके ऊपर उसने उसको आंखें उठा के और जिन नजरों से देखा, तो मेरा ख्याल है आधे लोग जो थे वो फारिग हो चुके होंगे ट्राइगर के अंदर, ये समझ लीजिए आप, जो उसकी निगाहें थी जो उसमें, उनकी पेप्सी की बोतल दोबारा भर गई। हाँ वो मतलब आप यकीन करेंगे, मेरा तो, मैं तो पहले से डर रहा था, मैं तो उसका हुलिया हुलिया देखी, मैं 12-14 साल की उम्र थी, मैं हुलिया हुलिया देख के वो डर रहा था, तो मैं तो छुप के खड़ा था, आधा आधा मैं बाहर था आधा अंदर था, और मेरा जो कजन ब्रदर था वो बार बार मेरे कंधे पे हाथ रख के मुझे लिपटा रहा था अपने साथ, वो समझ रहा था कि ये डर रहा है, तो वो लेकिन हम लोग वहीं खड़े हुए थे, तो वो छेड़छाड़ बढ़ने लगी बढ़ती रही, उसने वो जो भी कोई चीज थी उसने थोड़ा सा घुटने मोड़ के हम लोगों की तरफ पीट करके बैठ गया, तो वो जब पीट करके बैठा तो वो जो था वो स्मार्ट टाइप का जो कॉन्फिडेंट लड़का था, सबसे ज्यादा बदतमीजी कर रहा था, उसने अपने पैर के पंजे से जूते जो पहना हुआ था उससे उसकी पसली के अंदर एक टो किया हल्के से ना उसको, तो जब उसने टो किया तो उसने हाथ के इशारे से, मुंह से कुछ नहीं बोला, हमने उसको कुछ नहीं सुना कि वो कैसे बोला क्या, उसने ऐसे करके ना यूं किया इशारे से कि दफा हो जाओ चले जाओ, लेकिन क्या नाम है वो करने लगा। जब उसने ये किया तो हमारे जो बड़े उम्र के जो लड़के उड़के खड़े होते उन्होंने किसी ने देखा और उसने हम सबसे कहा चलो इधर हटो इधर से, क्यों तंग कर रहे हो उसको। अच्छा उन्होंने वो जो बड़ी उम्र के जो लड़के आए थे उन्होंने उसको मेरा ख्याल नजर भर के देखा भी नहीं कि उसकी हेयत क्या है, उसका क्या, उसका सारी फिजिक वगैरह किसी ने कोई नोट नहीं किया, उन्होंने हम लोगों को हटा दिया, चलो इधर क्या बदतमीजी कर रहे हो तुम, ये उन्होंने फील कर लिया कि कोई फकीर वकीर टाइप की चीज बैठी हुई है और ये जो है इसके साथ मस्तियां कर रहे हैं। तो उसने हम सबको उन्होंने कहा चलो चलो, उस जमाने में हम रॉब बहुत होता था बड़े लोगों का, तो चलो इधर से हटो ये, तो हम लोग उन्हीं में जाके मिल गए। इतने में वो जो साहिब खाना थे उनका बड़े वाले अंकल जो थे उन्होंने आवाज दे के कहा भाई किसी और को कोल्ड ड्रिंक चाहिए, सबको मिल गई, तो सबने कहा कि हाँ जी वो सबने पी लिया, भाई चले घर चले, तो वो बाकायदा उन्होंने दुकान इन्हीं के लिए खोल के रखी हुई थी, तो वो हम सब जब चल पड़े, अब हम वो चल पड़े तो वो ऐसे ही काफिला जा रहा था, उसी गली के एंड पे उनका घर था, तो हम लोग जा रहे थे, तो वो जो लड़के जो थे ना वो जो हमारे वाले वो छोटे वो दो तीन पीछे रह गए, और उन्होंने याद क्योंकि मैंने नहीं देखा फिर क्या हुआ क्या, क्योंकि या तो किसी ने उसको कोई कंकर पत्थर मारा या वो किसी ने कहा कि जो मट्टी वट्टी फेंकी है उसके ऊपर उछाली है या उसको जाके कोई टच वच किया है या क्या किया है कि अच्छा। अब हमारे ग्रुप के जो बड़े वाले हजरात थे वो मेरा ख्याल है कोई 10-20 फिट तक पहुंच चुके होंगे मीटर तक, और ये आखिरी कॉन्वॉय में हम थे। आप यकीन करें कि जैसे मुझे नहीं पता कि अगर आपने कभी बहुत धूल के अंदर कोई जानवर तेजी से दौड़ता हुआ करीब से देखा हो, क्योंकि वो हैदराबाद की सड़कें कच्ची थी सारी, एक धूल सी उड़ी है चारों तरफ और जो वो भागा है और उसने उसको उस लड़के को जो स्मार्ट पैंट जिसको मैं कह रहा हूं उसको गर्दन सिर्फ गुद्दी से पकड़ा एक हाथ से, और गुद्दी से पकड़ के उसने उन लड़कों के ऊपर उछाला है जो सबसे उम्र के आगे सबसे आगे चल रहे थे 20 फीट आगे, और सिर्फ गुद्दी से, जैसे मेरा ख्याल है आप किसी गुड़िया को हम उठा सकते हैं, इवन छोटे बच्चे को भी शायद हम ऐसे नहीं उठा सकते। उसने सिर्फ गुद्दी से पकड़ा, उसको यूं घुमाया और घुमा के जो उसने फेंका है उन लड़कों के ऊपर, तो वो उनकी कमर के ऊपर जाके उल्टा जाके गिरा है वो लड़का। और सबसे अजीब बात यह है कि वो मुझे नहीं अंदाजा हुआ कि वो किस स्पीड से वहां से उस स्टेप को छोड़ा है, टर्न अराउंड एंड ही रैन, तेजी आएगा क्योंकि आप कह रहे हैं ना मट्टी धूल उड़ेगी, तो धूल तो हवा की वजह से उड़ती है, कोई तेज चीज उससे गुजरे हाँ, तो वो मट्टी उड़ती है ना, वो ऐसी तेजी से गया है वो, और उसने जाके उसको गर्दन से उठा के मेरी आंखों का हम सब देख रहे, मतलब मेरा ख्याल है जो आगे जाने वाले थे लोग थे सिर्फ उन्होंने नहीं देखा,
बाकी इवन जो हमसे उम्र के बड़े लोग थे जो हमारे साथ इन्वॉल्व नहीं थे, उन्होंने भी अपनी आंखों से देखा। उसने उठा के उसको दीवार पे जैसे मारते ना, पड़ाक करके मारा उसको उठा के, और वो मुंह के बल गिरा है लड़का, और उसके बाद मुंह से उसके झाग निकलने लगे, और वो तो बस ये समझ लेंगे उसका क्या हाल हुआ। और वो खड़ा जब हुआ फिर हमने उसको फील किया कि उसकी शलवार उसके मेरे ख्याल पिंडलियों तक पहुंच, क्योंकि वो नॉर्मल साइज की शलवार पहना हुआ था इंसानों वाली, और शलवार उसकी वो टखनों से बहुत ऊपर थी पिंडलियों तक, और कमीज भी बहुत ऊंची छोटी सी थी, और लंबे लंबे बाजू जो उसके घुटने तक आ रहे थे ऑलमोस्ट, और वैसे ही उसके टांगे, और इतना सा धड़ और छोटा सा हेड उसका। और फिर क्या हुआ, वो जो वापस जब वो उसने उठा के पटका है तो जो आगे मर्द हजरात जा रहे थे उन्होंने पलट के देखा कि क्या हुआ, और जाहिर सी बात उन्होंने उसको उठाया तो किसी ने कहा कि पागल है पागल है, रहने दो ये पागल है ये पागल है। तो वो जो मोहल्ले के भी लोग भी बाहर भी खड़े हुए थे, कुछ वैसे ही खड़े हुए थे कुछ, वो आए उन्होंने कहा ये पागल वागल नहीं है भाई, इसको मत छेड़ो, ये पागल नहीं है, ये बहुत कम लोगों को यहाँ नजर आता है, ये पागल नहीं है, आप बस निकल जाओ यहाँ से सबके सब। तो अब वो वहां पर तो रंग में भंग पड़ गया कि मैं एक मेहमान की क्या नाम पसलियां टूट गई थी, नक्शीरपुर उसके सारा मुंह का बेड़ा गर्क हो गया था उस लड़के का, क्योंकि वो उसको ऐसे बेदर्दी से उठा के उसने पटका था कि उसकी बाद में सुनने में आया है कि जी कई पसलियां टूटी हैं उसकी, और क्या नाम है उसकी नाक वाक टूट गई है, और सर्वर फट गया और क्या हो गया पता नहीं। और वो बड़ा यानी वो, और कोई उसने एक लफ्ज नहीं मुझे निकाला, बस वो देखता रहा, जब उसको छेड़छाड़ ज्यादा हो गई तो उसने उठा के पटका। मेरे ख्याल लोगों का कहना ये था कि ये इंसान नहीं है, ये इंसान नहीं है, इंसान इस तरह के नहीं होते, और इस हुलिये के और इस बिहेवियर के। और उन्होंने जो लोकल लोग थे उन्होंने कहा कि भाई सुना है कि इस टाइप का एक बंदा है उधर कभी कभार नजर आता है, लेकिन हम लोग उसका मुंह लगते हैं ना, उसे छेड़ते हैं ना, उसे बात करते हैं, लेकिन ये सुना गया है कि यहाँ कभी कभार ये मौजूद होता है। तो ये ऐसा वाक्य हुआ था, तो मैंने कहा ये छोटा सा वाक्य आपको सुना दूं। थोड़ा सा अर्ली टाइम दे देंगे तो मैं आपको बहुत जबरदस्त एक वाक्य बताऊंगा, एक दो वाक्य आते हैं। ओके डेफिनेटली थैंक यू। ओके जी अल्लाह जनाब, जाने का वक्त आ चुका है, लेकिन मैंने सोचा था कि आज आपको एक जाते वक्त एक बहुत मशहूर आलम दीन है उनका एक किस्सा सुनाऊंगा। बहुत मशहूर हैं वो, ज़रवली उनका नाम है, गुलशन रब मेडिकल के पीछे एक मस्जिद है, उधर वो होते हैं, अब होते हैं कि नहीं होते, एक ज़माने में मैं उस इलाके में रहता था चाहिए, तो उनकी मस्जिद का जो गुंबद था और उस गुंबद पे जो स्पीकर लगा हुआ था वो आप समझें कि मेरे कमरे की खिड़की तक पहुंचता था, तो मैं बड़ा फजर के टाइम पे जब फुल वॉल्यूम पे जब अजान होती थी ना तो मैं तिल मिला के उठ जाया करता था। शायद एक वजह वो भी है कि मैं अब लेट सोता हूँ शायद, खैर तो उनका एक वाक्या है जो काफ़ी मशहूर है, जो उनकी खुद की ज़बानी उन्होंने बताया। हाँ मुझे पता है ज़रवली साहब का इंतकाल हो चुका है, लेकिन उनका एक काफ़ी मशहूर वाक्य है कि जब वो उस मस्जिद में आए, शुरू शुरू की बात है, तो एक उनको मस्जिद के आते में ही एक लड़का नज़र आया, और वो लड़का जो था उनकी बड़ी वो करता था, तिमारदारी करता था, उनके साथ साथ बैठता, और वो लड़का जो था वो असर के टाइम पे आता और इशा तक जो है वो मस्जिद में रहता, और वो मस्जिद के सारे काम भी करता, साथ साथ उनकी टांगे भी दबा देता, उनके कंधे भी दबा देता, और उनके साथ साथ रहता, उनका बयान सुनता, उनकी बातें सुनता,
उनको उस वक्त उसका शौक था सब्स चाय का, जो जैस्मिन टी अब मिलने लगी हर जगह, तो वो जो है उनके लिए वो भी बना के ले आता। तो कहते हैं मुझे ये शुरू शुरू में तो सही लगा, अच्छा लगा कि यार एक लड़का है जो आता है और मेरी इतनी मोहब्बत करता है मुझसे और ये सब। फिर उनको थोड़ा सा अजीब सा लगने लगा। और वो कैसे, वो इस तरीके से कि वो कहते हैं कि जब वो असर के टाइम पे आता तो उसकी शक्ल थोड़ी अलग होती, फिर जैसे जैसे टाइम गुजरता और मगरिब का टाइम होता तो उसकी शक्ल थोड़ी और तब्दील हो जाती, और इशा के टाइम तक उसकी शक्ल बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाती। अब जब इन्होंने ये नोट करना शुरू किया तो इनको आइडिया हुआ कि ये कोई मामला अजीब सा है, तो उन्होंने उससे बातें करना शुरू की। बातों से पता चला कि वो एक लड़का है जो उसी गुलशन के इलाके में रहता है और उसके वालिद साहब हैं, उनका एक बिज़नेस है और वो दिन भर जो है उनके बिज़नेस में होता है, और जैसे ही वो असर का टाइम होता है तो वो अपना बिज़नेस से वापस इस मस्जिद में आ जाता है और इनकी इनका बयान सुनता है, इनकी तिलावत सुनता है और इनके साथ जो लोग होते हैं उनकी बातें और ये सब, उनकी मस्जिद की भी सफाई करता, काम करता। एक दिन वो कहते हैं कि मैं एक अजीब मसले में फंस गया, और मसला ये था कि एक और आलम दीन थे जिनके पास एक नुस्खा था और वो नुस्खा किसी को देते नहीं थे, और वो जो आलम दीन थे वो पाकिस्तान के किसी एक और कोने में थे। तो ये बड़े परेशान थे कि मुझे वो किसी तरीके से वो नुस्खा चाहिए, और वो बड़ा एक मुसलमानों के लिए और उनकी मस्जिद में जो नमाजी आते हैं उनके लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ थी, और वो किसी तरीके से ना वो ट्रेस हो पा रहे थे आलम दीन और ना ही उनसे वो नुस्खा लिया जा रहा था। तो ये परेशान बैठे हुए थे, तो उस लड़के ने आके पूछा कि आप आज परेशान हैं तो क्या माजरा है। तो कहते हैं, उन्होंने अपना प्रॉब्लम बताया जरवली साहब ने, तो वो कहते हैं कि अच्छा आप मुझे बताइए कि मैं किस तरीके, मैं मुझे वो बताते, वो खुद बता रहे हैं कि उसने मुझसे पूछा कि अच्छा वो किधर रहते हैं, तो उन्होंने बताया कि वो फलाना शहर में रहते हैं। तो उन्होंने फिर उसने पूछा कि अच्छा उनका घर किस तरह का दिखता है, कहते हैं इस तरह का दिखता है। फिर कहते हैं कि वो आपको कमरा पता है कि किस कमरे में वो रखा हुआ है नुस्खा जो है, तो वो कहते हैं हाँ फलाना कमरे में रखा हुआ है, और फलाना कमरे के अंदर बिल्कुल दरवाजे के सामने अलमारी है, अलमारी के उल्टे हाथ या सीधे हाथ ऐसी किसी उस जगह पे वो रखा हुआ है। तो कहते हैं कि उस लड़के ने मेरी आंखों के सामने हवा में हाथ यूं किया है, और उसने जब हाथ नीचे किया तो वो नुस्खा उसके हाथ में था, और उन्होंने वो दे दिया उसको, जरवली साहब को दे दिया। और उसके बाद जो है वो कहते हैं कि वो मैंने प्रिंट करवाया और सब जगह बांटा। उसके बाद उन आलम दीन से भी बात हो गई, उन आलम दीन को सारा किस्सा बताया कि इस तरीके से मैंने मदद ली एक जिन से। उस वक्त तक उनको ये पता चल चुका था कि ये कोई जिन है, ये कोई इंसान नहीं है। तो वो आलम दीन भी बड़े खुश हुए, और उन्होंने पूछा भी कि उन्होंने बल्कि जरवली साहब ने उनसे कहा कि आप मुझे बता दीजिए इसका हदिया क्या है, मैं आपको जो भी हमने प्रिंट करवा के लोगों को दिया तो आप मुझे बताइए कि इसका हदिया क्या है, मैं आपको भिजवा दूँ। तो उन्होंने कहा कि इसका कोई हदिया नहीं है, आप ये मेरी तरफ से मुफ्त है और आप इसको जितना बांट सकते हैं बांटें। तो कहते हैं ये वाकया हो गया, लेकिन उनके दिमाग में ये चलता रहा कि यार ये जिन हैं और ये कैसे इसने किया और ये सब फलन। तो कहते हैं एक दिन मैंने उसको अपने कमरे में बैठे हुए थे जरवली साहब, तो उन्होंने उनको बुलाया कमरे में उस लड़के को, तो वो लड़का आया और कहते हैं उसने आते ही दरवाज़ा लॉक किया, मैंने उसको हुक्म दिया कि दरवाज़ा बंद करो, दरवाज़ा बंद किया। तो कहते हैं जैसे ही वो पलटा तो मैंने उसको यूं करके पकड़ लिया और बिल्कुल अपने करीब लेके आ गया, कह रहे हैं कि इतना करीब लेके आ गया कि नाक से नाक तकरीबन टच होने वाली थी, और कहते हैं कि तुम हो कौन, अपनी सच्चाई बताओ। तो कहते हैं मेरी आंखों के सामने
वो लड़का एक लड़की के रूप में चेंज हो गया। और कहते हैं कि प्रॉपर उसके लंबे बाल, लड़कियों वाले नक्श, कपड़े भी उसने वही लड़कियों वाले पहने हुए। और फिर उसने उन्होंने पूछा कि क्या मावजर है तुम्हारा, क्या सच्चाई है? तो कहते हैं कुछ नहीं, मुझे आपकी बातें, आपका बयान, आपकी तिलावत सुनने का बहुत शौक़ है, मुझे अच्छा लगता है, तभी मैं आपके इस जगह पे आ जाती हूँ। उसके बाद ज़रब अली साहब ने कहा कि जब मुझे उसकी पूरी सच्चाई पता चल गई और उसने खुद अपनी सच्चाई और अपनी जो असलियत थी वो बता दी, तो फिर वो एक नॉर्मल हो गया और फिर वो आता रहता था, लेकिन हम उसको इतना इंटरटेन नहीं करते थे। फिर एक, चूंकि वो आलमे दीन थे तो उनका ये अमल वमल से कोई ताल्लुक नहीं था। तो कहते हैं एक और मेरे टीचर उस्ताद आए, तो मैंने अपने उस्ताद को ये सारा किस्सा बताया, तो उन्होंने कहा कि जितना हो सके उस मखलूक से दूर रहो, क्योंकि तुम्हें इनसे बात करने का, इनसे बचने का तरीक़ा नहीं आता, तो ज़्यादा बेहतर है कि ऐसी मखलूक से ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी। वो जो औरत जो अपना रूप बदल के मर्द के रूप में आती थी, वो असल में गुलशन की साइड पे या उसी के इर्द गिर्द एक फैमिली बकायदा रहती थी, जिनका बिजनेस था प्रॉपर। उन्होंने बिजनेस भी बताया था, कपड़े का था या लकड़ी का था कोई ऐसा। और बकायदा वो लड़का, वो लड़की या जो भी आप उसको जिन या परी या जिन्नी जो भी कहें, वो बकायदा उस घर में अपने फैमिली मेंबर्स के साथ रहते थे इंसानों के रूप में, और उनका बिजनेस था, वो वहाँ जाते थे, दुकान थी, काम करते थे, और उसके बाद वापस मस्जिद में आते थे। आप सोचिए कैसे कैसे वाक़यात, कैसे कैसे किस्से हैं लोगों के पास। और ये तो मैंने आपको एक वाक़या बताया ज़रब अली साहब का, इसके अलावा लातादाद किस्से हैं जो और दीनी हमारे शुरफा हैं उनके साथ हुए हैं। बल्कि अभी जब मैं कल परसों एक स्ट्रीम ऐसी इंटरनेट देख रहा था मैं, तो हज़रत अली का भी एक वाक़या सामने आया, और आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को तो पता ही होगा, लेकिन जिनको नहीं पता वो मैं जल्दी से बता देता हूँ, कोई बात नहीं अगर टाइम थोड़ा सा आगे हो रहा है, कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काफ़िला किसी जगह से वापस आ रहा था, तो वो अपने घर की तरफ रवाना दवा थे, तो एक टाइम आया कि उन्होंने एक बंजर ज़मीन की तरफ रुकना पसंद किया। उन्होंने कहा, ख्वाहिश जाहिर की कि हम इधर अब आराम करते हैं। तो सहाबा इकराम ने जब उस जगह को देखा और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, तो उन्होंने पूछा कि ये कौन सी जगह है, तो किसी सहाबी ने बताया कि ये फलाना, उसका नाम उस जगह का ये था, और उन्होंने ये भी कहा कि इधर रुकना हमारे लिए बेहतर नहीं, बल्कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वो नीचे उतरे, उनसे पूछा तो उन्होंने ये बोला कि ये आपके और आपके लश्कर के लिए जगह ठीक नहीं है। तो फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर हम इधर ही कयाम करेंगे। बताया गया कि उस जगह पे एक कुआं था और उस कुएं में पानी था, तो बताया गया कि उस कुएं के अंदर एक बहुत ख़तरनाक जिन रहता है, और वो इतना ख़तरनाक है कि वो किसी को भी इर्द गिर्द रहने नहीं देता, आने नहीं देता, बसने नहीं देता, जिसकी वजह से उस पूरे जंगल को जो है वो बयाबान हुआ हुआ था। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को ये टास्क दिया कि वो जाएं और उस कुएं से पानी लेके आए। जब हज़रत अली उधर पहुंचे तो वो जिन उस कुएं से, उन्होंने अपना एक
डोंगा या बाल्टी या जो भी पानी के लिए चीज डाली तो वो वापस किसी ने ऊपर फेंक दी और उसके अंदर से इफरीत जो सबसे पावरफुल जिन सबसे खतरनाक जिन कहा जाता है सबसे खतरनाक वो उसके अंदर से निकला और उसने एक जोरदार चीख मारी। वो इतनी जोरदार उसकी आवाज थी कि पूरी जगह पे वो आवाज गूंजी। तो ये जो वाक्य है ये हजरत अली की बहादुरी के ऊपर है कि वो कितने बहादुर थे कि उन्होंने उस इफरीद जिन का आमना सामना हुआ तो हजरत अली ने बोला कि तुम इस्लाम कबूल कर लो वरना मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। जिस पे मुकालमा हुआ और फिर उस जिन ने उनकी बात नहीं मानी और वो आगे बढ़ा अटैक करने के लिए जिस पे उन्होंने एक ही वार में उसको ख़त्म कर दिया। उसके बाद फिर उन्होंने वही मटका जो है पानी का उसमें कुएं में डाला तो फिर से किसी ने बाहर फेंक दिया और इस दफा फिर एक जिन बाहर निकला। बल्कि नहीं, इस दफा जिन बाहर नहीं निकला, दो तीन दफा उन्होंने वो कटोरा पानी का नीचे फेंका और किसी ने बाहर फेंक दिया। तो जब ये दो तीन दफा होने लगा हुआ तो फिर हजरत अली ने कहा कि ठीक है मैं इस कुएं के अंदर जाऊंगा। रस्सी बांध के उनको नीचे उतारा गया तो जैसे वो नीचे गए तो वो रस्सी टूट गई, मतलब काट दी गई। और फिर अब वो बताते हैं कि अंदर से आवाजें आ रही हैं चीखने चिल्लाने की और भयानक आवाजें। थोड़ी देर के बाद हजरत अली बाहर निकले उस कुएं से जिसमें उन्होंने 20,000 जिन्नात को उसी वक्त ख़त्म किया और जो बाकी पूरी एक बटालियन थी जिन्नात की जो उस कुएं में रह रही थी और जो उसके फॉलोअर्स थे उस इफरीत जिन के, उन्होंने इस्लाम कबूल किया। तो ऐसे ऐसे वाक़यात गुज़रे हैं, ऐसे ऐसे किस्से, ऐसे ऐसे शाकार मिरेकल्स। अगर हम कभी अपने मज़हब की बात करें, जो मशहूर जंग है ना हज़रत अली की, वो ये वाली है जो इन्होंने जिन्नात से जंग लड़ी थी, तो ये वाली थी। खैर जनाब, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अपना ख्याल रखिएगा। आज की स्ट्रीम में मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अभी मुहर्रम 9-10 मुहर्रम गुजरी और बड़े सुकून के साथ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, सुकून के साथ गुजर गई। लेकिन छोटे मोटे वाकयात फिर भी सुनने को आए। लेकिन मैं कोई, देखिए मैं अपने कोई आपको ना वो नहीं बता रहा, जस्टिफाई नहीं कर रहा ना, मैं कोई अहले तशी नहीं हूँ, बल्कि मैं अपने आप को ये कहता हूँ क्या मैं बस एक मुसलमान हूँ। अब आप लोग खुद ही डिसाइड कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ लोग डिसाइड करते हैं ना कि यार ये अच्छा मुसलमान है या ये बुरा मुसलमान है, या ये शिया है या सुन्नी है, या ये है फलाना, लोग डिसाइड करते हैं। हमारे पास ये राइट पता नहीं अब रहा नहीं है। जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है लोगों के पास ये राइट आ गया कि वो डिसाइड करते हैं कि ये बंदा फलाना है, ये बंदा फलाना है। बस इतना कहना चाहूंगा कि अपने अंदर रिस्पेक्ट पैदा कीजिए, सब्र पैदा कीजिए, पेशेंस पैदा कीजिए और दूसरे बंदे के लिए एहतराम पैदा कीजिए, वो चाहे कोई भी हो। एक छोटी सी एग्जाम्पल है, छोटा सा बच्चा होता है ना 5-6 साल का, 8 साल का, उसको अगर आप डांट के मार के कुछ चीज सिखाने की कोशिश करेंगे ना तो वो कभी नहीं सीखेगा, बल्कि उसको नफरत हो जाएगी उस चीज से। वही चीज अगर आप प्यार मोहब्बत
इज्जत दे के, उसको रिस्पेक्ट दे के, उसको सिखाने के बजाय उसको बताने की कोशिश करेंगे ना, तो वो जल्दी अडेप्ट कर लेगा। कुफर के फतवे लगाना, रंगत के धोंस जमाना, तू ऐसा तू वैसा, किसी के ऊपर गद्दारी का इल्ज़ाम लगाना, आई थिंक इस तरह की कौम बनाने के लिए तो कायदे आज़म ने ये मुल्क तो नहीं बनाया था। आई एम श्योर मेरी इस बात से भी लोगों को बहुत प्रॉब्लम होगी, आएंगे, क्योंकि जो नेगेटिव होता है इंसान वो फिर नेगेटिव ही रहता है, उसको अच्छी चीज़ नज़र नहीं आती, उसको हमेशा वो एक बुरा वर्ड नज़र आ गया, ये बुरा वर्ड बोल दिया, तौबा 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 तौबा, ये इसने ये बोल दिया, इसने ये बोल दिया, ये कर दिया। पेशेंस, रिस्पेक्ट जरूरी है। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आज मैंने पहली दफा जिंदगी में नहीं बल्कि ये नहीं बोलूंगा, वरना फिर आप लोग कुछ समझ लेंगे और कुछ बोलना शुरू कर देंगे, छोड़ दो। जिन जिन लोगों ने हमारे प्रोग्राम को सपोर्ट किया, एक दफ़ा उनके नाम शामिल कर लेते हैं। राफिया, थैंक यू। अहमद, बहुत बहुत शुक्रिया। डबल ए, थैंक यू। एहतशाम, आपका शुक्रिया। हया, राफे, स्पिल टीयर, यार स्पिल टीयर आपसे एक रिक्वेस्ट है यार, अपना नाम इस्तेमाल करो यार, इतना प्यारा नाम होगा ना, ये स्पिल टीयर की ज़रूरत नहीं है। वकास रांझा, थैंक यू सो मच। उमैद अहमद, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड राफिया, उमैद, वकास, दोबारा से आपका शुक्रिया, थैंक यू। और इल्का, इल्का हुसैन, थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगा, इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो कल, कल का मैं वादा नहीं कर रहा, अगर कल हम लाइव स्ट्रीम नहीं करेंगे तो हम ऑडियो टेप रिलीज़ कर देंगे, तो इन दोनों में से कोई एक चीज़ होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अगर हो सके तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपके साथ कोई ऐसे वाकयात पेश आए हैं हाय, तो हमें ईमेल कर सकते हैं। अंटिल देन, खुदा हाफिज़।